इस तरफ आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। इट गिव मी इमेंस प्लेजर टू अनाउंस दैट कासा नॉर्थ एंड आई कैप हैज अरेंज्ड दीज क्लासेस फॉर यू एंड आई वेलकम यू ऑल इन दीज एग्जाम फोकस रिवीजन क्लासेस May 2022। Today we are conducting the first of four sessions of CFAP 6, which is Audit Assurance and Related Services. The timing of today's session would be from 6 p.m. to 9:30 p.m. with necessary breaks, which will be announced from time to time by your worthy presenter. These sessions are available at ICAP houses Karachi, Lahore, Multan, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इस्लामाबाद एंड पिशावर। द स्टूडेंट्स ऑफ अदर सिटीज़ एंड अब्रॉड कैन जॉइन अस यूजिंग आई कैप स्टूडेंट्स फेसबुक पेज, विच इज़ icap.ca/students। द स्टूडेंट्स ऑन फेसबुक पेज कैन आस्क द क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। द मटीरियल बींग यूज टूडे विल बी अवेलेबल थ्रू अ लिंक इन कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। द लिंक विल बी पिंड सो दैट students can find it easily. We are lucky enough that we have Mr. Nosherwan Khaja with us for this session. He is a chartered accountant. He has completed his training from one of the largest audit firm, where he served for more than 7 years in a managerial position. Currently, he is a partner in a practicing firm and leading the Audit and Financial Advisory Department. He has experience of over 10 years in the field of audit and accounts. Furthermore, he is a faculty member of one of approved REIT at Lahore. His teaching style imparts students how to apply professional judgment in exams and real life scenarios. Dear students, abhi kuch dino pehle CAF ka result aaya aur result day jo ke Eid se ek din pehle tha, आई गॉट सो मैनी मैसेजेस कि सर हमने वो आखिरी 15-20 दिन में फैसला किया गया हम पेपर पास करने, हमने क्लासेस अटेंड की आई कैप की एंड वी गॉट पास्ड। सो यू हैव अ चांस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, वो स्टूडेंट्स जो अब से तैयार कर लेंगे कि उन्होंने पास करना है वो पास कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। विदाउट एनी फर्दर ड्यू, प्लीज़ वेलकम सर नौशेरवान ख्वाजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफिये से होंगे, हाजरीन क्लास और नाजरीन क्लास। सेशंस जो आई कैप अरेंज कर रहा है, काफ़ी अर्से से अरेंज भी हो रहे हैं, तो मुझे ये सेकेंड टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है। लास्ट टाइम मैंने कैफ में भी करवाए थे ये सेशंस, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह CFAP में भी ये अपॉर्चुनिटी दोबारा मिल गई है। आप जहाँ पे आके बैठे हैं तो उम्मीद ये की जाती है कि आप लोग कुछ ना कुछ पढ़ के आए होंगे, आप लोगों ने कुछ ना कुछ कोशिश कर ली होगी, और जो कोशिश रह गई है वो कोशिश हम कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम पास हो जाएंगे। देखें, पास या फेल होना इंसान के इख्तियार में नहीं होता। जो इख्तियार में होता है वो हमारी स्ट्रगल होती है, हमारे जो नेक अमाल होते हैं जो हम करते हैं, और वो दुआएं जो हमारे साथ ट्रैवल कर रही होती हैं हर वक्त, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, फिर इंसान जाके पास होता है। तो सक्सेस को कभी भी मेजर करने के लिए कोई इस तरह के फैक्टर्स नहीं होते, मतलब ये जनाब किसी के पास कुछ मॉनेटरी वैल्यूज़ हैं तो वो सक्सेसफुल है, किसी के पास अच्छी पोजीशन है तो सक्सेसफुल है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। सक्सेस के क्राइटेरियाज डिफरेंट हैं, जिसके ऊपर आगे जाके हम डिस्कशन भी करेंगे। बट एनीहाउ जी, ज़्यादा डिले नहीं करते हम अपने मेन कोर ऑब्जेक्टिव से हटने की, और उसी के ऊपर रहते हुए हम जो आज डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एजेंडा आइटम्स तो आपके सामने मैं अभी प्रेजेंट करूंगा। बट इस सेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो 4 डेज हमने प्लान किए हैं, वो क्या है, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। देखिए, हर स्टूडेंट की कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर होती है कि उसको दोबारा पेपर में बैठने की ज़रूरत पड़ती है। जब हम
अपनी तैयारी को ठीक तरीके से प्लान नहीं करते, हम अपनी प्रिपरेशन ठीक तरीके से करते नहीं हैं, तो अल्टीमेटली हिट एंड ट्रायल पे हम चल रहे होते हैं। जब आपकी मर्जी का पेपर आ जाएगा तो आप उस वक्त अच्छा परफॉर्म कर लेंगे और पास कर लेंगे। ये आपने ऑलरेडी माशाल्लाह सीफैप में है तो कुछ ना कुछ इस चीज़ का आपने खुद एक्सपीरियंस भी किया होगा, आपको इस चीज़ का आइडिया भी होगा। नॉर्मली पेपर कुछ रिपीटेड नेचर के आ जाते हैं अक्सर औकात, मतलब चांसेस तो बहुत कम होते हैं लेकिन अगेन चांस तो होता है। तो आपकी मर्जी का पेपर अगर आ गया है वो दो अटैम्प्ट के बाद आ सकता है, वो फोर अटैम्प्ट के बाद आ सकता है, वो फाइव के बाद आ सकता है, हो सकता है वो आए भी ना। तो बेसिकली इन चीज़ों से बचने के लिए आसान हल क्या होता है कि हम अपनी तैयारी को इस तरीके से प्लान करें कि हम पेपर में इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएं। फोर डेज में जो हम इंशाल्लाह सीखेंगे चीज़ें, उसका एजेंडा तो अभी आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूं, लेकिन बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि शॉर्टकमिंग्स को आइडेंटिफाई करना और उसके लिहाज से आपको गाइड करना कि किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है। जैसा कि अभी एग्जाम में कोई 15 डेज तकरीबन वन मंथ रह गया, 25-26 डेज रह चुके हैं, आई बिलीव कि काफ़ी हद तक आप लोगों ने कुछ तैयारी की होगी। मैं कुछ चीदा चीदा सवालात करना चाहता हूँ, कुछ है तैयारी आप लोगों की, मतलब सवाल कर सकता हूँ जी, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, मतलब मैं जस्ट ये सिर्फ चेक करना चाहता हूँ कि आप लोगों की तैयारी जो है वो किस लेवल पर है, उसके बाद फिर मैं अपना इनपुट दूंगा कि फिर मैंने यहाँ पर कितनी एफर्ट करनी है, या इसके अलावा एडिशनल एफर्ट्स भी हो सकती हैं लेकिन वो डिपेंडेंट अपॉन सिचुएशन है कि आप लोग किस हद तक उस चीज़ों से तैयार हैं जी। कोई एक दो सवाल कर लूँ, कोई मुश्किल तो नहीं, कुछ हम ही तो भर दें, बड़े सिंपल से सवाल हैं, मतलब मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ। देखें, कभी आपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर दो स्टैंडर्ड या दो से ज़्यादा स्टैंडर्ड्स को लिंक किया है? मैं चलें एग्जाम्पल देता हूँ, कभी अच्छा चलें कोई ऐसा बच्चा जो मुझे बता दे आइज़ा 570 है गोइंग कंसर्न का, इसका आइज़ा 701 की और मैटर के साथ क्या लिंक है? देखें पेपर में तो इस तरह की सिचुएशन कई आ सकती हैं। देखें आप एक चीज़ सॉरी मैं आपको आंसर लेता हूँ, मैं आपको थोड़ी सी चीज़ पहले ब्रीफ कर दूँ। जो CFF6 पे टेस्टिंग होती थी आज से 3-4 साल पहले, आई बिलीव कि वो टेस्टिंग अब कैफ पे होती है, और जो CFF6 पे टेस्टिंग हो रही है आई बिलीव वो MSA की टेस्टिंग है। मतलब सादे अल्फाज में कहूँ तो जो MSA लेवल के टेस्टिंग है वो आप CFF6 पे हो रही है। तो जब तक कोरिलेशन और लिंक आपको नहीं दो तीन स्टैंडर्ड्स का पता होना, आप उसमें अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते जी। नहीं वो कैंप तो नहीं बनेगा ना, अगर रिपोर्ट में लिख दिया तो चलें इतना बता दें, रिपोर्ट अगर आप अपनी रिपोर्ट में की एडमिट देते तो क्या मॉडिफिकेशन होती है रिपोर्ट की? नहीं होती ना, की एडमिट से कुछ नहीं होता। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आइज़ा 570 गोइंग कंसर्न का है और आइज़ा 701 की एडमिट मैटर्स का है, दोनों का आपस में कोरिलेशन क्या है? अच्छा रेफरेंस देंगे, अच्छा इसमें चलें मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं, अगर आप समझते थे कि किसी क्लाइंट के ऊपर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न मौजूद थी और आप मैनेजमेंट ने उसके ऊपर आपको ये मुतमिन कर दिया कि भाई ये मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, आपके मुताबिक मटेरियल अनसर्टेनिटी है, बिल्कुल है, आपने इसके ऊपर एफर्ट्स भी की हैं, आपने इसके ऊपर टाइम भी लगाया है, आपने इसके रिगार्डिंग दो चार वीर गवर्नर्स के साथ कम्युनिकेशन भी की है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो मटेरियल अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आप कह रहे थे ये हमारे मुताबिक मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं बनती। अब इस केस में क्या रिपोर्ट पे कोई इम्पैक्ट आएगा? क्या इम्पैक्ट आएगा? आप देखें आप मुतमिन हो गए मैनेजमेंट के साथ, आप मैनेजमेंट से एग्री कर गए ठीक है अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, अब इसके ऊपर कैम आएगा। क्यों कैम आएगा? क्योंकि ये कैम के क्राइटेरिया को तो फुलफिल कर चुका है। देखें बेशक अब बात क्या थी, अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती थी, उसके ऊपर मैनेजमेंट ने आपको एविडेंस दे दिया, आप उसे एग्री कर गए, मीन्स आप अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आपने एफर्ट्स किए हैं, आपने टाइम लगाया है, आपके लिए मटेरियल था, आपके लिए उस एक हाई रिस्क एरिया था, वो जो क्राइटेरिया स्कैम के हैं वो फुलफिल करता था, तो उसके ऊपर कैम आना चाहिए था। अब देखें ये उसके साथ इसका लिंक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 701 का 705 के साथ क्या लिंक है? यानी अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर
आपकी ओपिनियन मॉडिफाइड हो गई है, मैं एग्जांपल के तौर कहता हूँ, अगर आपने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दिया तो 701 पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा जी? जी एनी अदर जी, कैम ने जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो तो कैम नहीं दिया जाता, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा इसी तरह अगर हम बात करें कि आइजा 720 है अदर इंफॉर्मेशन का, इसका आइजा 705 के साथ क्या लिंक है? अगर आप अगेन फिर वही बात, अगर आपने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है तो उस सॉरी हाँ अगर डिस्क्लेमर दिया तो अदर इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ नहीं आएगा। अब देखिए दिस दिस आर द सर्टन कोरिलेशन बिटवीन द टू और मोस्ट स्टैंडर्ड्स। अच्छा मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, नींद नहीं आनी चाहिए जी बच्चों को, चले एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आप ये बता दें कि आईजा 500 का आईजा 620 के साथ क्या लिंक है? 500 ऑडिट एविडेंस है ना, और 620 ऑडिटर एक्सपर्ट का एरिया है, दोनों का आपस में लिंक है। देखें बड़ी सिंपल सी बात है जी, अच्छा सिंपल सा इसमें आपको बता दूं उसके बाद आगे चलते हैं जी कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें। देखें दो का लिंक क्या है कि 500 का 620 का जो लिंक है वो सादे अल्फाज बता दूं, जब मैनेजमेंट का एक्सपर्ट आता है तो साथ ऑडिटर का एक्सपर्ट भी इन्वॉल्व होता है, बात समझ आ गई जी। एनीवे ये कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स मौजूद होती हैं, इन चीज़ों को हमने ओवरकम करना है, तो इसलिए हमें इन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। बट एनीवे जी अब हम ज़रा चलते हैं अपने एजेंडा के ऊपर कि हमारा 4 डेज़ का एजेंडा क्या होगा, उसमें आप लोगों की तरफ से जो रिकमेंडेशंस होंगी उसके मुताबिक हम इसको चेंज भी करेंगे, बट डिपेंडेंट अपॉन है कि आप लोग इससे कितना, ये जो मैंने एरियाज बताए हैं वो और जो आप करना चाहते हैं वो कितना उसमें डिफरेंस होगा। जी तो ये 4 डे सेशन है हमारा जिसमें आप स्क्रीन पे आ भी रहा होगा जी, और इसमें आज के दिन हमारा 10 ऑफ द मई है और 6 PM टू 9:30 PM हमारा सेशन चलेगा। इसी तरह जो फ्राइडे तक ये सेशन चलेंगे, फिर दरमियान में 2 डेज की ब्रेक है, फिर मंडे को सेशन चलेगा जी आपका, और मंडे को जो है ये सेशन आपका 6:30 से 9:30 पे जाके ख़त्म होगा। एजेंडा आइटम्स आप आज के डिस्कस कर लेते हैं जी, आज हम सिलेबस की ग्रेड को देखेंगे, सिलेबस की ग्रेड क्या है। ऑल दो आप लोग इससे फेमिलियर हैं, आप लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से देख भी लिया होगा, बट उसमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है वो मैं आपको बता दूं कि सिलेबस की जो ग्रेड लाइन है उसको ऑल्टिंग स्टैंडर्ड के साथ मैप करना, और फिर ये देखना कि हमारी सर्विसेज किस किस्म की होती हैं। हमें ये भी नहीं पता होता कि स्टैंडर्ड में कौन सा स्टैंडर्ड किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। तो जो दो स्टैंडर्ड्स के आपस में कोरिलेशन, सिंपल अल्फाज बात करूँ कि जो सर्विसेज हम देते हैं बीइंग प्रैक्टिशनर, चाहे वो अश्योरेंस सर्विसेज हैं या नॉन अश्योरेंस सर्विसेज हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से आइजर्स के साथ लिंक होती हैं और उनका हमारे सिलेबस के साथ क्या तल्लक है, इसके बारे में एक डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा जो आपका हमारा दूसरा स्टेप होगा जी वो ऑडिट के स्टेप्स हैं, जो ऑडिट के स्टेप्स हम नॉर्मल करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ डिस्कस करेंगे 4P strategies कि जो स्ट्रेटजीज मैंने खुद डेवलप की हैं कि आप किस तरह से अपने सब्जेक्ट को प्लान करेंगे, किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे, किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे और अल्टीमेटली पास करने की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इस तरह जो कल का सेशन होगा उसमें हम टोटली फोकस्ड होंगे रिस्क असेसमेंट के ऊपर कि रिस्क असेसमेंट होता क्या है, रिस्क असेसमेंट आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से की जाती है, बिजनेस के रिस्क को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, ऑडिट के रिस्क को किस तरीके से लेकर चला जाता है, और इसके साथ जो पास्ट 4 आपकी अटेम्प्ट्स हैं उसके हम पास्ट पेपर्स रिस्क असेसमेंट के रिगार्डिंग जो होंगे उनके बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। ऑब्जेक्टिव जो होगा आपको इसमें मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना, ड्राफ्टिंग स्किल्स को डेवलप करना, किस तरीके से ड्राफ्टिंग करनी है, और अल्टीमेटली जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको किस तरीके से डिज़ाइन करना है, इनके बारे में हमारी डिस्कशन होगी। 3.5 hours की लर्निंग टोटली सिर्फ रिस्क असेसमेंट के ऊपर है, इसके अलावा ओवर टाइम भी लग सकता है लेकिन
शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से इतना इनफ है। फिर जो थर्सडे को हमारा सेशन होगा, इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो ISO 402, 540, 550, 560, 570 और ISAE 3420, ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारी थर्सडे की लर्निंग में होंगे। फिर फ्राइडे को हम इंशाल्लाह रिपोर्ट वाला एरिया देख रहे होंगे, रिपोर्ट के जो एरियाज हैं उनकी डिस्कशन कर रहे होंगे। और अल्टीमेटली जो लास्ट सेशन है हमारा मंडे के दिन, उसमें हम कोड ऑफ एथिक्स और कुछ वॉल्यूम 2 के स्टैंडर्ड्स हैं, इनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। ये एक रोड मैप जो मेरे मुताबिक होना चाहिए वो है। अभी क्योंकि मैंने आपको सिलेबस को बाइफरकेट करवाना है बिटवीन द हाई रिस्क, मीडियम रिस्क एंड लो रिस्क, इस स्टेज पे जब आप बेसिकली कुछ टाइम ही रह गया एग्जाम्स में, अब यहाँ पे बैठे हुए अगर आप कुछ हाई रिस्क एरियाज भी अच्छे तरीके से कर लेंगे, आई बिलीव पेपर पास होने के काफ़ी चांसेस मौजूद हैं। तो इस ग्रिड में अगर आप समझते हैं कि कुछ चीज़ ऐड होनी चाहिए या कुछ चीज़ निकालनी चाहिए, आप अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। इनपुट तो चाहिए ना आप लोगों की तरफ से, ठीक है जी, आप लोग इससे ठीक हैं, फिजिबल हैं? जी 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 सॉरी, फोर सेशन है जो फ्राइडे वाला है, ये थोड़ा सा मिक्स हो गया जी, सॉरी। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं जी, ये थोड़ा सा ना 3 डेज सेशन अभी है और एक आगे होना है, तो ये गलती से मैं उसको फ्राइडे भी इंक्लूड कर गया हूँ। फ्राइडे को मैं इंक्लूड करके तो शायद हमारे पास डे है एनी जी, इसको हम क्लब कर लेंगे, मतलब यानी कि ये जो कल थर्सडे का सेशन होगा ना, उसमें ये आप कवर करेंगे या फ्राइडे वाला निकाल दें, आप ये समझे कि थर्सडे का ये सेशन होगा, प्रोलॉन्ग कर लेंगे थोड़ा सा, लेकिन ये इस तरह से चलेगा जी। सॉरी जी जी वही डिस्कशन करनी है हमने। जब मैंने ये देखिए कंबाइन करके बात की है, तो जब मैं आपको 701 बताऊंगा ना, तो 701 का मैं लिंक आपको हर स्टैंडर्ड के साथ करके दूंगा कि ये कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से लिंक होता है। अगर मैं 710 की बात करूंगा तो मैं 510 और 705 के साथ लिंक करके बताऊंगा कि रिपोर्ट का किस तरीके से इम्पैक्ट आता है। इवन आपको जो बुक रीडिंग स्ट्रेटजी है ना, वो भी बताऊंगा कि ये अक्सर औकात हमारा एक बहुत बड़ा किल्ला होता है कि भाई पेपर में तो बैठ के कुछ लिखे नहीं जाता बुक में से, तो ये एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। लिखा बहुत कुछ सकते हैं बुक के अंदर से देखकर, प्रॉब्लम ये होती है कि हमें स्ट्रेटजी नहीं पता होती कि मैंने किस तरीके से तैयारी करनी है और किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो जो 4 P's हम पढ़ेंगे, उसमें हम एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और उनको किस तरीके से लेकर हमने चलना है। एनी जी, अब आगे चलते हैं। ये तो आपका रोड मैप है जी, एक डिस्कशन पॉइंट है, इसके बाद जो एक पॉइंट है वो सिलेबस का है जी। सिलेबस को एक दफ़ा बस 2-3 मिनट के अंदर डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में कौन कौन से ग्रेड आइटम्स हैं और उसमें क्या चीज़ें किस तरीके से लिंक होती हैं, इसके बाद हम सर्विसेज पे जाएंगे और वो उनको डिस्कस करेंगे। सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है जी। आप लोगों ने तैयारी कंप्लीट कर ली है अभी तक या अभी शुरू करनी है? करें अच्छा, वो डिस्कस करेंगे। आपने सवाल किया कि रिस्क असेसमेंट के साथ किस तरह से लिंक होता है। अल्टीमेटली जो रिस्क असेसमेंट होता है वो कंक्लूड होता है जाके फाइनलाइजेशन के ऊपर, तो वो रिलेशन तब उसका आपस में बन सकता है जब वो दोनों स्टैंडर्ड्स को आपस में लिंक करे। वो चांसेस थोड़े कम ही होते हैं नॉर्मली, क्योंकि वो ग्रेड सेपरेट है, ऐसे ग्रेड सेपरेट है तो कॉम्बिनेशन के साथ पूछना थोड़ा मुश्किल है,
क्योंकि रिस्क असेसमेंट तो आपने उस वक्त तो एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हैं ना, उस वक्त तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई मिसस्टेटमेंट होगी या स्कोप लिमिटेशन होगी या नहीं होगी, वहाँ पे तो आप अपनी स्ट्रेटजी बना रहे होंगे। सर मैं वही बात अभी आपके साथ जो फोर पीस डिस्कस करूँगा ना, तो उसमें बड़ी चीज़ें वैसे क्लियर हो जाएंगी। फोर पीस पे हम जाते हैं, बस सिलेबस को दो मिनट में करना है, गो थ्रू से करना है। सर जी ये जो सिस्टम की जो स्पीड है ना बड़ी स्लो है, क्योंकि अभी जो ऑडिट का पेपर है ना, इफेक्टिवली बताऊं तो ये एक तरीके का रिपोर्टिंग का पेपर है। अभी जब वही बात ना हम चीज़ें आगे जाकर डिस्कस करेंगे तो बड़ी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। एक मिनट इसको ना बंद कर दीजिएगा। बहुत स्लो चल रहा है ये, मतलब पीडीएफ की फाइल भी ओपन नहीं कर रहा आसानी से। लेकिन ये फिर प्रॉब्लम करेंगे ना बार बार, ये सिस्टम चेंज करेंगे। नहीं नहीं जी, इतनी देर सिस्टम चेंज होता है हम बाकी डिस्कशन कर लेते हैं, ये बाद में देख लेंगे। एक अच्छा अकाउंटेंट एक अच्छा ऑडिटर होता है। अगर आप रिपोर्टिंग के पेपर की तैयारी के बगैर ऑडिट के पेपर में जाके बैठेंगे तो आपको समटाइम ये फीलर आ रहा होगा कि आपको कुछ नहीं आता। मैं जनरल बता रहा हूँ क्योंकि देखें, अब फॉर एग्जाम्पल अगर पेपर में आपसे पूछ लेता है इम्पेयरमेंट के प्रोसीजर बताएं, अब मुझे इम्पेयरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं तो मैं उसके प्रोसीजर क्या बताऊंगा। अगर पूछ लिया आपसे कि बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ है, कोई आपने सब्सिडरी एक्वायर कर ली है, जॉइंट वेंचर को आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो आप बताएं उस पर प्रोसीजर्स क्या लगाएंगे। तो जब तक मुझे नहीं पता होगा कि परचेज कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स क्या होते हैं, गुडविल किस तरह से ट्रीट की जाती है, बार्गेन परचेज गेन को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, ठीक है, डेफ टैक्स जो रिलेटेड उसके फैक्टर्स होते हैं उनको किस तरीके से डील किया जाता है, तो मैं तो पेपर में कुछ नहीं लिख पाऊंगा। जनरल प्रोसीजर क्या होंगे, ऑडिट स्टैंडर्ड ये थोड़ी बताएंगे कि कंसोलिडेशन किस तरह से होनी है, ऑडिट स्टैंडर्ड ये तो नहीं बताएगा कि आपने इम्पेयरमेंट पे क्या काम करना है। वो तो आपको अगर कोई एस्टिमेट है तो उसके बारे में ये बता देगा। एस्टिमेट में एक मेथड होता है, एक मॉडल होता है, एक अजम्पशन होती है। मेथड पे क्या काम करना है, मॉडल पे क्या काम करना है, अजम्पशन पे क्या काम करना है, वो आपको ये ज़रूर बता देगा, लेकिन आपको कभी ये नहीं बताएगा कि आपने उसको किस तरीके से परफॉर्म करना है। इसकी एक मैं बड़ी नॉर्मल क्लासेस में भी एग्जाम्पल देता हूँ। अगर एक कोई भी आप डिश है, कोई भी डिश, कढ़ाई की बात कर लें, कढ़ाई के अंदर कुछ एक रेसिपी यूज़ होती है। अब फॉर एग्जांपल के आपने कढ़ाई बनाई है और आपके काम को किसी ने रिव्यू करना है, तो कौन आकर रिव्यू करेगा? मैं अकाउंटेंट हूँ, क्या कढ़ाई का रिव्यू कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। उसके काम को कौन आकर रिव्यू करेगा? वही बंदा करेगा जिसकी उसमें एक्सपर्टीज़ है। शेफ़ आएगा, शेफ़ आके देखेगा भाई ये जो रेसिपी के मुताबिक बननी चाहिए थी चीज़ उस तरीके से बननी है या नहीं बनी। इसी तरह हमारे प्रोफेशन में भी यही है। अकाउंटेंट्स क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। दे आर द डूअर्स एंड व्हाट वी आर व्यूअर्स। देख, अकाउंटेंट डूअर के रोल में होता है, हम रिव्यूअर के रोल में होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है, काम उसने भी वही करना होता है, काम हमने भी वही करना होता है। हमने रिव्यू करना है, उसने काम करना है, ये फ़र्क होता है। बाकी इसमें जो स्ट्रेटजीज़ हैं हमारी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो आपकी ग्रिड लाइन है उसके बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। मेरा ख्याल है शायद थोड़ा सा स्पीड इसकी बेहतर हुई है। जी, तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जनाब एक
ग्रिड लाइन आ गई जी, जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे 5 ग्रिड लाइन के आइटम्स हैं, जिसमें अगर आप वन बाई वन चलें तो पहला है जी ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्लानिंग एंड अदर, इसकी 25 से 30 मार्क्स की ग्रिड है। इसमें कुछ 200 सीरीज़ के स्टैंडर्ड हैं, कुछ 400 सीरीज़ के हैं और कुछ 500 सीरीज़ और 600 सीरीज़ के स्टैंडर्ड मौजूद हैं। ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिस्क, सिर्फ रिस्क की बात कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट की, इससे 15 से 20 मार्क्स का पेपर आने के चांसेस हैं, ठीक होगा जी। फिर ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग है आपकी 700 सीरीज़ है, इसमें आपके 20 से 30 मार्क्स के पेपर आने के चांसेस मौजूद हैं। फिर स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं, अदर अश्योरेंस इंगेजमेंट हैं एंड रिलेटेड सर्विसेज हैं, इसमें आपके 800 सीरीज़ है और वॉल्यूम 2 इसमें मौजूद है। 800 सीरीज़ और वॉल्यूम 2 से 15 से 20 मार्क्स का पेपर आने के चांसेस होते हैं। अगर आप पास ट्रेंड देखें तो 5 टू 7 मार्क्स का पेपर 800 सीरीज़ में आ रहा होता है और बाकी जो 10 से 12 मार्क्स हैं वो आपके वॉल्यूम 2 में से आ रहे होते हैं। अब वॉल्यूम 2 में फिर फर्दर बाइफर्केशन है कि कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है, कौन से लेस इंपॉर्टेंट है, उनको किस तरीके से आपने देखना है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। फिर एथिक्स, क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट, यहाँ से 10 से 15 मार्क्स का पेपर आता है। अब ये जो लास्ट ग्रिड है ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट ग्रिड बन चुकी है। देखें ISQC 1, ISA 220, कोड ऑफ एथिक्स और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के ऑर्डिनेंस के जो कुछ चैप्टर्स हैं वो यहाँ से कंबाइंड क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से सारे जगहों से कंबाइंड क्वेश्चन बन सकता है। और ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें से आपने कोड ऑफ एथिक्स में को भी लिंक करना होगा, ISA 220 को भी लिंक करना होगा, ISQC 1 को भी लिंक करना होगा और चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑर्डिनेंस के एरियाज को भी जाके आपने लिंक करना होगा, फिर जाके आंसर होगा। अब वो 10 से 15 मार्क्स आसान स्कोरिंग मार्क्स में शायद नहीं कंसीडर होते, होते भी हैं नहीं भी होते, लेकिन इसमें आपको अच्छी प्लानिंग करनी पड़ती है, अच्छे तरीके से रीडिंग स्किल्स को जाके डेवलप करना होता है। अब एक छोटी सी हम डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि हम कौन सी टाइप की सर्विसेज देते हैं बीइंग प्रैक्टिशनर। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपने जवाब कर देने हैं, वहीं से उसका आंसर भी हो जाएगा। मैं क्लाइंट हूँ जी, आप सारे फर्म के पार्टनर्स हैं, मैं कौन हूँ जी? क्लाइंट, आप पार्टनर हैं, आपने मुझे गाइड करना है कि मुझे कौन सी सर्विस चाहिए। मैं आता हूँ जी, मैं कहता हूँ कि मेरी एक फ्रेंचाइज है, फ्रेंचाइज ली हुई है मैंने, वो कंपनी बाहर के मुल्क में काम करती है, मैंने हर साल उसको एक रॉयल्टी की फीस पे करनी होती है। क्या पे करना होता है जी? रॉयल्टी की फीस पे करनी होती है। आप मुझे इसके ऊपर रिपोर्ट दे दें, आप मुझे क्या दे दें, इस पर रिपोर्ट दे दें, ये आपका सवाल है। बताएं जी कौन सी रिपोर्ट देंगे जी? जी और इसके अलावा जी अदर अश्योरेंस में कौन सी होगी जी रिपोर्ट? देखें आपने सबसे पहले तो क्लाइंट से पूछना है कि आपको कौन सी रिपोर्ट चाहिए, अश्योरेंस की रिपोर्ट चाहिए या नॉन अश्योरेंस रिपोर्ट चाहिए। अगर तो नॉन अश्योरेंस है तो फिर कौन सी रिपोर्ट देंगे? एग्रीड अपॉन, वो जो उन्होंने पीछे बात की है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। देखें आपने मुझे आके एग्रीड अपॉन क्या है, आपने कुछ प्रोसीजर डिजाइन किए, मैं क्लाइंट हूं ना, मैंने प्रोसीजर डिजाइन किए, मैंने आपको आके दे दी कि ये काम कर दें, आपने वो काम करके मुझे एक रिपोर्ट दे दी, तो क्या बन गई? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की रिपोर्ट बन गई। नहीं देखें मैंने क्या बात की जी, मैंने रॉयल्टी की फीस पे करनी है, आप मुझे रॉयल्टी के ऊपर रिपोर्ट दे दें, मैंने ये सवाल किया है। रॉयल्टी क्या होती है? एक स्पेसिफिक परसेंटेज होती है किसी बेंचमार्क का, रेवेन्यू के ऊपर 1%, रेवेन्यू के ऊपर 2%, यही होगी ना। आप देखें उसमें कैलकुलेशन क्या होगी, मैं आके कहता हूँ जी कि मुझे उसको ये बताना है कि जो अमाउंट है ये ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने बतानी कि जो परसेंटेज मैंने लगाई है वो एग्रीमेंट की लगाई है, तीसरा मैंने ये बताना है कि जो रेवेन्यू की फिगर है वो मेरे सिस्टम से जनरेटेड है। ये तीन काम मैंने उसको बताने हैं, तीन कामों पे मैंने अपनी पेरेंट कंपनी को या जो फ्रेंचाइजर है उसको मैंने सेटिस्फाई करना है। अब मैं आपके पास आ जाता हूँ और आप मुझे इसके ऊपर रिकमेंड करेंगे, आप कहेंगे भाई इसके ऊपर आप एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की रिपोर्ट ले ले, बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूँ जी। नहीं बेटा सिंगल एलिमेंट किस तरह से आएगा? सिंगल लाइन के ऊपर बेटा नहीं आएगी ना, ये मैंने आपसे कहा मुझे तीन प्रोसीजर करके दे दें, मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया तीन प्रोसीजर करके दे दें। अब मैं अगली एग्जांपल पे आता हूँ, वो लिंक होगी आपकी। मैं अगेन आपके पास दोबारा आया, मैंने आगे कहा जी कि मैं एक जो है वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मेरे पास फुटबॉल बनाता हूँ। फुटबॉल इंडस्ट्री के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, चाइल्ड लेबर को बड़ा डिस्करेज किया जाता है कि चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए।
अब जो मेरा बायर कस्टमर है वो कहता है कि आप अपनी अश्योरेंस रिपोर्ट लेके आए कि आप लेबर लॉज की कंप्लायंस में हैं, बताएं मैं कौन से स्टैंडर्ड में जाके इसके ऊपर रिपोर्ट दूंगा जी। अदर अश्योरेंस कौन सा स्टैंडर्ड लगता है जिसको, कौन सा 3420 तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का है जी, ISAE 3000 सीरीज में 3000 स्टैंडर्ड सेल्फ इसको गवर्न करता है। मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ, ये जो आईकैप के रेट्स होते हैं, ये जो कॉलेजेस होते हैं, इन्होंने अपनी एक कुछ SOPs होते हैं या एक डायरेक्टिव होता है 1.02, इसकी कंप्लायंस करनी है। आप प्रैक्टिशनर हैं, आपके पास एक कॉलेज आता है, कहते हैं जाके भी मुझे इसके ऊपर ना अश्योरेंस रिपोर्ट दे दें, कौन से स्टैंडर्ड में अश्योरेंस रिपोर्ट देंगे आप? डायरेक्टिव 1.02 है उनका एक, उसकी कंप्लायंस के ऊपर रिपोर्ट देनी है, 3000 में देंगे। अल्टीमेटली देखें बात बड़ी सिंपल सी है, यहाँ पे बेसिकली मैं लिखना चाह रहा हूँ लेकिन मैं सिस्टम को चेंज करना है, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको फर्दर लिखूँगा। सिस्टम एक दफ़ा चेंज कर लें फिर उसके बाद हम लिखते हैं जी। ये सारा सिस्टम चेंज कर दीजिएगा, फिर उधर से उसको ना फिर 2 मिनट के लिए ब्रेक पे लगा दें फेसबुक पे।
स्टार्ट कर दिए जी। वेलकम बैक जी आफ्टर नमाज प्रेयर। तो अब हमारी जो डिस्कशन जा रही थी वो ग्रिड लाइन पे जा रही थी। ग्रिड लाइन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपने बता दी है। अब हम मेन जो एरिया है उसके ऊपर चलते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। अपनी फोर पीस की तरफ चलते हैं और फोर पीस को डिस्कस करते हैं कि फोर पीस होते क्या हैं और उसको किस तरीके से आप अपनी जो प्रिपरेशंस हैं उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे जी। जी तो जो फोर पीस हैं, पहला पीस में प्लानिंग है। प्लानिंग से मुराद क्या है कि आपने अपनी तैयारी को किस तरीके से स्टार्ट करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपने किस तरीके से लेकर चलनी हैं, क्या चीज़ें करनी हैं, क्या चीज़ें नहीं करनी। देखें यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे, एक वो जिन्होंने बहुत अच्छी आरडी तैयारी की हुई है, उनको सिर्फ एक फिनिशिंग चाहिए, एक फाइनल टच चाहिए अपनी तैयारी को कंप्लीट करने के लिए। दूसरे नंबर पे वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक शायद बुक खोली नहीं होगी, उन्होंने अभी एग्ज़ाम रिव्यूज मिली होंगी फॉर्म से, तो उन्होंने अभी बुक को खोल कर देखा होगा कि भाई मैंने ये पेपर देना है। एक वो बच्चे हैं और एक वो बच्चे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, यानी इन बिटवीन है, वो ना बिल्कुल नैलो में है ना बिल्कुल दैलो में है, वो दरमियान में है। ठीक है जी। तो अब ये जो स्ट्रेटजी है, ये फोर पीस हैं, ये ज़्यादा इफेक्टिव उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू किया है, जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू किया है, जिनके पास बिल्कुल टाइम की शॉर्टेज है। तो पहला पी किसका है जी, प्लानिंग का है कि आपने सब्जेक्ट को किस तरीके से प्लान करना है, आपने प्लानिंग किस तरह से करनी है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर आपकी प्रिपरेशन है, जाहिर बात है प्लानिंग करके फिर प्रिपरेशन भी की जाती है। नॉर्मली देखें प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग सब्जेक्ट को प्लान कभी भी नहीं करते, हम डायरेक्ट प्रिपरेशन पे चले जाते हैं। आप थोड़ा सा अगर आप अपने हिस्ट्री में जाएं, मतलब पिछले 5-6 महीनों में जाएं, आप अपनी ऑफिस की रूटीन को देखें, आप सुबह 9 बजे 10 बजे जाते होंगे, रात क्लास से लेकर 9-10 बजे आप घर पहुँचते होंगे, आके किताब खोलते होंगे, जो भी स्टैंडर्ड ओपन हुआ उसको बस रीड करने की कोशिश की, उसके बाद 10-15 मिनट बाद लगा यार नींद आ गई है, किताब बंद की, सो गए। आपने कभी प्लान किए ही नहीं कि मेरे बुक में सिलेबस क्या है, मैंने किस चीज़ को पढ़ना है, किस चीज़ को नहीं पढ़ना, किस चीज़ को कितना टाइम देना है, किस चीज़ को कितना टाइम देना है, मैंने प्लान ही नहीं किया। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आता है, आज बैठ के हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, बजाय कि हम अपनी एफर्ट्स को मुख्तलिफ डायरेक्शंस में लगाते रहें, बहुत अच्छा है कि हम थोड़ी सी प्लानिंग करके अपनी एफर्ट्स को राइट डायरेक्शन में लगाएं ताकि पेपर हमारा पास हो जाए। दूसरी जी प्रिपरेशन क्या है, आपने अपनी तैयारी को किस तरीके से करना है। तीसरे नंबर पे प्रैक्टिस की स्ट्रेटजी है कि आप प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है, क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। एंड देस अल्टीमेटली के पेपर पास करने का फाइनली फिर आपके पास जो एक सलूशन है वो क्या होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्लानिंग जी, के सब्जेक्ट को किस तरीके से प्लान करते हैं। अब अगेन मैंने स्टार्ट जो इस फोर पीस से आने से पहले मैंने आपको ग्रिड लाइन दिखा दी है कि ये ग्रिड लाइन है, इस ग्रिड लाइन को आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, पढ़ लेंगे उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने प्लान करना है हाई रिस्क को, मीडियम रिस्क को और लो रिस्क को। अगर आपके जो रेड हाईलाइटेड हैं हाई रिस्क एरियाज, अब ये बेसिकली अगर पेपर का पैटर्न आप पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स में देखें तो पेपर के पैटर्न में क्वेश्चंस की फॉर्मेशन देखें कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। एक फुल टाइम रिस्क असेसमेंट क्वेश्चन होता है 20-25 मार्क्स का, 20 मार्क्स के तकरीबन कोई प्रोसीजर्स होते हैं रिगार्डिंग एस्टिमेट्स, एस्टिमेट का उसमें बड़ा उसको ज़्यादा एक टच होता है, एस्टिमेट वाले एरियाज में से एक पेपर आता है 20 मार्क्स का, वो पेपर आपको होता है 20-45 मार्क्स आपको यहाँ पे कवर हो। बाकी जो रिपोर्ट वाला एरिया होता है उसको वो मिक्स कर देता है आपके प्रोसीजर के साथ, एस्टिमेट वाले एरियाज के साथ ही लिंक कर देता है, तो वो 10-15 नंबर उसमें और ऐड कर लें। बाकी 10-15 नंबर का कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन होता है, 5-7 नंबर का आपका आइजा 800 सीरीज में से क्वेश्चन आ रहा होता है, और 10-1 नंबर आपके वॉल्यूम 2 में से होते हैं किसी स्टैंडर्ड के अंदर से, या समटाइम वो जॉइंट ऑडिट की शक्ल में कोई सवाल पूछ लेता है कोई रेगुलेशंस में, या आपसे कोई प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का पूछ लेगा, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस उसका सवाल आ जाएगा। तो क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन जो होते हैं आपके इन्हीं सर्कल के गिर्द घूम रहे होते हैं। तो बजाय कि हम अपनी तैयारी को इतने स्टैंडर्ड्स में कवर करें कि मैं 200 भी पढ़ना शुरू कर दूं, 210 भी पढ़ना शुरू कर दूं, 230 भी पढ़ना शुरू कर दूं, ऑडिट की सैम्पलिंग वाले एरिया 530 भी देखूं,
एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं उनको भी पढ़ूं, बजाय कि मैं इन सारे एरियाज़ को पढ़ूं जब मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है, तो मैं अपनी एफर्ट्स को एक रेलिवेंट डायरेक्टेड सिचुएशन की तरफ लेके चलूं कि मैंने किन एरियाज़ को करना है पेपर को पास करने के लिए। ये जो आपके सामने हाई रिस्क एरियाज़ मैंने लिखे हैं, आई बिलीव कि 60-70 मार्क्स आपके हाई रिस्क में कवर हो जाते हैं। 60-70 मार्क्स, अगर मैं इसको थोड़ा और मुताद अंदाज़ की बात करूं तो 70-80 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे यहीं पे। देखें ना ग्रिड लाइन में, ज़रा चेक कर लें आप, ग्रिड भी देख लें ना साथ। ये आपकी, एक मिनट इसको दोबारा ओपन करते हैं जी। ये आपकी ग्रिड है, ग्रिड में देखें ये पहली जो तीन ग्रिड लाइंस है ना, ये 700 सीरीज तक आपकी ग्रिड लाइंस हैं। ये जो ग्रिड लाइन 1, 2 एंड 3, इसको मैं करके भी दिखाता हूँ आपको जी। ये जो 1, 2 एंड 3, ये जो 700 सीरीज तक के स्टैंडर्ड है, यहाँ तक ये कवर होते हैं। अगर आप सिंपल देखें तो मैक्सिमम 80 मार्क्स आते हैं और मिनिमम कितने आते हैं जी, 60 मार्क्स। ठीक हो गया जी, मिनिमम 60 और मैक्सिमम 80 है, एवरेज कितना हुआ 70 मार्क्स। 70 नंबर आपके कितने स्टैंडर्ड्स में है, 700 सीरीज तक। आप जरा देखें क्या 200 में से कभी पेपर आया, 210 इंगेजमेंट टेस्ट हो सकता है, 220 टेस्ट हो सकता है उसके साथ ISQC और कोड ऑफ एथिक्स सर्लिंग करके, जिसमें इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू और क्या होता है, क्वालिटी स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह की बातें होती हैं, रिव्यू क्या होते हैं। 230 डॉक्यूमेंटेशन, वेरी रेयर चांस। 240 है वो, क्योंकि आपका रिस्क असेसमेंट भी चला जाता है इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। 250 रेयर चांसेस, 260 रेयर चांसेस, 65 रेयर चांसेस, 300 प्रैक्टिकल उसमें से पेपर आएगा, मतलब जो रिस्क असेसमेंट के एरियाज उसमें प्रैक्टिकल पेपर आएगा, उसमें से कभी आपको कोई थ्योरी का सवाल नहीं आएगा कि आप कोई पैट क्वेश्चन करें तो आपको नंबर मिल जाए। 315 है तो प्रैक्टिकल पेपर आएगा, प्रैक्टिकल पेपर के अलावा क्वेश्चन आने के चांस नहीं है। 320 है उसको कैफ लेवल पे मटेरियलिटी को बड़े अच्छे तरीके से टेस्ट करता है, वहाँ से पेपर कम चांसेस हैं, आया तो एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा मटेरियलिटी की डिटर्मिनेशन के बारे में। 330 है तो वो हर स्टैंडर्ड के साथ जाकर लिंक होता है, जाहिर पता आपकी रिस्क की अप्रोच है तो रिस्क की अप्रोच को किस तरह से मेयर करना है वो हर स्टैंडर्ड को लिंक करता है। वहाँ से आप ये थोड़ी पूछेगा कि 2 साल पहले कंट्रोल टेस्टिंग की थी, 3 साल कंट्रोल टेस्टिंग करने की जरूरत है या नहीं है, बताएं कि इसमें कौन सा प्रोसीजर किस तरह से लगाएंगे, ऐसा सवाल तो नहीं आएगा ना। आया तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर क्वेश्चन आएगा, यहाँ से इस तरह क्वेश्चन आने के चांस नहीं है। पीछे बचता क्या है, 402 इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, ठीक है जी। यूज आप जो बेसिकली आगे 500 सीरीज है, 500 में से एट सेल्फ कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, आपको नॉलेज बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। 501 में 3 एरियाज़ हैं जो आपके बेसिक इन्वेंट्री का फिजिकल काउंट, फिर आपका जो लीगल मैटर्स के ऊपर को कुछ प्रोसीजर हैं और सेगमेंट रिपोर्टिंग के ऊपर किसी हद तक इंपॉर्टेंट आ सकता है। 510 और 710 का लास्ट अटैम्प्ट के अंदर 20 मार्क्स का पेपर आ चुका है, चांसेस फिर भी होते हैं लेकिन अगेन थोड़े कम चांसेस देंगे। पीछे 520 है मुश्किल चांस है, 530 सैम्पलिंग, कितने चांस है सैम्पलिंग आपसे पूछ लेगा, कभी भी नहीं आएगी। 540 हाई इंपॉर्टेंट एरिया। अब जरा आए जो मैंने आपकी स्क्रीन पे रखे हैं इंपॉर्टेंट एरियाज में कौन कौन से हैं जी। अब हाई रिस्क में देखें जी, मैंने हाई रिस्क को कैटेगराइज किस बेसिस पे किया, आप ग्रिड की बेसिस पे किया। आइज आर 240, 315 और 330, यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा रिस्क असेसमेंट का 20 से 25 नंबर का, जिसमें आपने रिस्क की आइडेंटिफिकेशन करनी है और आपने उसके रिगार्डिंग प्रोसीजर्स को डिजाइन करना है। यहां से आप ये भूल जाएं कि थ्योरी का कोई सवाल आएगा, लेकिन एक चीज मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं, ये गवर्निंग स्टैंडर्ड्स हैं। गवर्निंग स्टैंडर्ड से मुराद क्या है, यहां पर बेस बनेगी, तो इनको बेसिक्स के साथ आपने लिंक लाजमी करना है कि जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है। पेपर में डायरेक्ट टेस्टिंग इसमें से नहीं होगी, डायरेक्ट टेस्टिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ही आएगी, जो आपको एक रिस्क असेसमेंट क्वेश्चन एक ट्रेडिशनल वे के अंदर आ रहा होता है। क्योंकि अगर मैं ICW का भी ट्रेंड देखूं, ACCA का देखूं या बाकी प्रोफेशनल बॉडीज का भी ट्रेंड देखूं, तो उनमें भी रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन इसी तरह का ही आ रहा होता है, जिस तरह के हमारे पेपर में भी लिंक हो रहा होता है। तो ये 3 स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ से आपने अपनी बेसिक्स को लिंक ज़रूर करना है, समझना ज़रूर है, लेकिन यहाँ से कौन सा पेपर आएगा जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा 20-25 मार्क्स का। पीछे आपके जो आप बात आती है प्रोसीजर फिर कहाँ से आएंगे, जो प्रोसीजरल क्वेश्चन होते हैं वो कौन सा आ जाएगा, यूजर ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा, टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट को यूज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा। आइज़ अ 402,
402 इंपॉर्टेंट एरिया है, हर अल्टरनेटिव अटेम्प्ट के अंदर इसमें से एक क्वेश्चन चार पांच नंबर का आ जाता है। एक दफ़ा डेफिनेशंस भी उसने पूछ ली थी, इंक्लूसिव मेथड और कार्व आउट मेथड में डिफरेंस क्या होता है वो बता दें। फिर आप अगर टाइप वन रिपोर्ट मिलती है तो उसे आपके सस्टेनेड एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पे प्रो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब ये फिर भी एक क्वेश्चन टेस्टिंग एरिया हो सकता है, क्योंकि पिछली एक दो अटैम्प्ट में इसमें से क्वेश्चन नहीं आया, तो मोर चांसेस हैं कि इस अटैम्प्ट में इसमें से क्वेश्चन आपको एक आ जाए। ठीक हो गया जी, आइज अ 500 है लिखा मैंने यहाँ पे, ज़रूर है, लेकिन ये आपको समझने के लिए ज़रूरी है। मतलब ये आप कैफ में बहुत डिटेल में पढ़ के आए हुए हैं, ऑडिट एविडेंस क्या होता है, ऑडिट एविडेंस की सफिशेंसी और रिलायबिलिटी को किस तरह से टेस्ट किया जाता है, अजर्शंस को किस तरह से लिंक किया जाता है, मतलब ये आपके इस तरह के बेसिक लेवल का स्टैंडर्ड है जिसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। यहाँ से डायरेक्ट पेपर आने के चांसेस नहीं है, लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बल्कि दो इंपॉर्टेंट बातें इस स्टैंडर्ड के अंदर मौजूद हैं। एक तो जब भी एक्सपर्ट की बात आएगी, यानी कि एक्सपर्टिस का एरिया कौन सा होता है जिसमें ऑडिट एंड अकाउंट्स के अलावा कोई एरिया हो, मतलब ग्रेचुटी की वैल्यूएशंस हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यूएशंस हैं, आपके शेयर बेस पेमेंट के जो मॉडल्स होते हैं बाइनोमियल मेथड होता है या जो ब्लैक स्कूल मॉडल होता है उसकी वैल्यूएशंस हैं, या इस तरह के कहीं भी एक्सपर्टिस वाला काम आएगा, तो वहाँ पर आपने आइज़ ऑफ 500 में से मैनेजमेंट एक्सपर्ट के एरिया को एक्सट्रैक्ट करना। मैं आपसे एग्जांपल देता हूं, अगर पेपर में आ जाए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के प्रोसीजर लिखे, तो क्या ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है या जनरल क्वेश्चन है? जी स्पेसिफिक है या जनरल है? आप समझते हैं कि स्टैंडर्ड में आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता? जो बच्चे समझते हैं कि आंसर हो सकता है हाथ खड़ा कर दें। अब मतलब आंसर नहीं हो सकता, जनरल क्वेश्चन आपने कर दिया, भाई बड़ा आसान सा सवाल है। जब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यूएशन, तो उसमें क्या मैटर्स हैं? दो मैटर्स ही है ना, एक एक्सपर्ट मैनेजमेंट का है, एक ऑडिटर का एक्सपर्ट है, एक डाटा है जिसकी बेसिस के ऊपर वैल्यूएशन हुई है, उसको कहते हैं आईपी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द एंटिटी। तीन चीजों पे काम करना है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट पे काम करना है, उस इंफॉर्मेशन पे काम करना है जिसकी बेसिस पे वैल्यूएशन हुई है, और अपने एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना है, बस खत्म होगी बात। आइज़ 500 में आईपी और मैनेजमेंट एक्सपर्ट के प्रोसीजर हैं, आइज़ 620 में ऑडिटर एक्सपर्ट के प्रोसीजर हैं। अब कहीं भी ये सवाल आ जाए, चाहे ग्रेचुटी की वैल्यूएशन का आ जाए, चाहे किसी तरह का भी एक्सपर्टीज का क्वेश्चन आ जाए, वहां पे आप ये दो स्टैंडर्ड्स को लिंक करके आ जाएं, आपको आंसर में पूरे बटा पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखें पैराग्राफ जो शुरू वाले पैराग्राफ है मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटीज, जो उसकी अजम्पशन यूज की है, वैल्यूएशन जो की है, वो सारे आपके आइज़ 500 में लिखे गए हैं। आपने वहां से सिर्फ कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है, नथिंग मोर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर। तो वहां से बड़ा आसान आप इजी स्कोरिंग नंबर है। अब इसलिए पेपर में टेस्ट भी नहीं होता, क्योंकि इसे ऑलरेडी ये पहले टेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता था, लेकिन अब इसकी टेस्टिंग का जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो गई है, लेकिन अगेन टेस्ट हो सकता है। दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन फ्रॉम द आइज़ ऑफ 500 एंड आइज़ ऑफ 620। अलॉन्ग विद डैट ये आपके जो शुरू वाले स्टैंडर्ड्स हैं, प्लानिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, वहाँ भी जाके लिंक हो जाता है। जिस तरह से आप जब इंगेजमेंट लेटर साइन करते हैं, तो वहाँ पर हमने एक बात लिखवानी होती है कि एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी तो आप इंगेज करेंगे, ठीक है जी, उसके साथ जो डाटा आप शेयर करेंगे तो हमारे साथ भी वो डाटा शेयर करेंगे। तो इस तरह की बातें तो एडिशनल वो फैक्टर के तौर पर मौजूद हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 500 और 620 में से आंसर हो सकता है, चाहे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात हो, चाहे ग्रेचुटी की बात हो, चाहे कोई भी मॉडल हो जिसमें एक्सपर्टीज हो अदर देन ऑडिटिंग एंड अकाउंट्स, वो आप अपने इन दो एरियाज में से कर सकते हैं। आगे जो हॉट फेवरेट एरिया है एग्जामिनर के लिए, वो आइज़ा 540 बना हुआ है जी आजकल। आइज़ा 540 आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। देखें कहीं भी एस्टीमेट्स हैं, आप स्टैंडर्ड्स बाय स्टैंडर्ड चल लें। IS-2 में NRV का एस्टीमेट है, IS-12 में डेफ टैक्स का एस्टीमेट है, 16 में डेप्रिसिएशन का है, फेयर वैल्यू का है। आगे चलते जाएं 36 में इंपेयरमेंट के एस्टीमेट्स हैं, 38 में, 40 में, हर स्टैंडर्ड में कोई ना कोई एस्टीमेट मौजूद है। अब अगर एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन बनाना है, वो ये सवाल आपसे कभी भी नहीं पूछेगा कि भाई मैंने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज किया तो प्रोसीजर बताएं कि मैं एक्विजिशन पे क्या प्रोसीजर लगाऊं, ये सवाल आने के चांसेस कम है। ये सवाल जरूर आ सकता है कि इंपेयरमेंट की इंडिकेशन मौजूद है, अब बताएं प्रोसीजर क्या लगाएंगे। अब वो पेपर में आपको ये भी नहीं बताएगा कि इंपेयरमेंट की इंडिकेशन क्लियरली उस क्वेश्चन में मौजूद है, वो आपको जो IS-36 के अंदर जो इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर मौजूद होते हैं उसमें से कोई एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल डाल देगा जी कि कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में कम हो गई है, अर्थक्वेक आया था, प्लांट डिमोलिश हो गया, इस तरह की बातें करेगा। आपने वहां पर लिंक करना है और वहां से आपने इसका आंसर प्लान करना है। अगर आप पीछे ट्रेंड देखें पीछे रिसेंट अटेम्प्ट्स का, तो आइज अ 540 इज हॉट फेवरेट एरिया फॉर द एग्जामिनर। और मैं जनरल बताऊं, आप अपने बुक के ऊपर आइज अ 540 में
ऐसे पैराग्राफ हाईलाइट कर सकते हैं जो हर क्वेश्चन में फिट हो जाते हैं, जिसको आपको कोई ज़रूरत ही नहीं मॉडिफाई करने की, एज इट इज़ कॉपी करके आपने पेस्ट कर देना है। सिर्फ क्या करना है, आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज होना ज़रूरी है। इम्पेयरमेंट है तो इम्पेयरमेंट किस तरह से कैलकुलेट होती है ये पता होना ज़रूरी है आपको। एनआरवी क्या होती है, एनआरवी के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग नॉलेज से मैं एक छोटी सी अकाउंटिंग नॉलेज भी साथ ही टेस्ट करता हूँ, तो अकाउंटिंग नॉलेज के बारे में एक सवाल है, अगर इन्वेंट्री में एनआरवी का रिस्क मौजूद होता है, ये तो आपको भी पता है, अगर आपने दो एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि जो सेलिंग प्राइस है मार्केट में वो 12 रुपीज पर यूनिट है, कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज है, और जो आपकी जो कमिटमेंट हुई है, यानी कि हमने कमिटमेंट कर ली है, वो हुई है जी आपकी कोई 8 रुपये के हिसाब से, कमिटमेंट हुई जी 8 रुपये के हिसाब से, आपने एक ऑर्डर लिया उसमें आपने कहा जी मैं 8 रुपये के हिसाब से डिलीवर करूंगा, सेलिंग प्राइस मार्केट में 12 रुपीज़ की है, कॉस्ट 10 रुपीज़ की है, बताएं इसमें एनआरवी है या नहीं है? जी है एनआरवी, सेलिंग प्राइस मार्केट में तो 12 रुपया है, फिर एनआरवी किस तरह होगी? नहीं, मैंने ऑर्डर कमिट कर लिया है, जब ऑर्डर कमिट करते हैं तो कमिटेड प्राइस जो होती है वो आपकी एनआरवी के कैलकुलेशन के लिए यूज होती है। अब यहाँ पे 12 मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, 8 रुपये मेरे लिए रेलिवेंट है। आप बताइए पेपर में इसका क्वेश्चन आ जाए एग्जांपल के तौर पर, तो आप वहाँ पे कहेंगे इसमें एनआरवी बनती नहीं है। अभी तो मैंने बड़ा सिंपल कर दिया, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता, किस तरह से मॉडिफाई करता, मैं सेलिंग प्राइस को 8 रखता, कमिटेड प्राइस को 12 रखता। फिर आपसे पूछता है बताएं, फिर चलें आप इसी में बता दें आप, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट 10 ही है जी, सेलिंग प्राइस 8 है और कमिटेड प्राइस 12 है, आप बताएं एनआरवी है या नहीं है? जी है, है मिसाब तो है, नहीं नहीं है जी भाई, नहीं है। देखिए कमिटमेंट 12 की है ना, आपने 12 का बेचने हैं, 8 इज इरेलीवेंट, तो बाकी को तो फिर 8 के हिसाब से करेंगे ना। मैंने कहा कमिटमेंट ही मेरी इतनी है, कमिटेड प्राइस इतनी है। अब यहाँ पे दो एनआरवीज होंगी, एक कमिटेड ऑर्डर की एनआरवी होगी, एक ओपन क्वांटिटी की होगी। ओपन क्वांटिटी के लिए मेरे लिए रेलिवेंट क्या है, सेलिंग प्राइस, और जो कमिटेड ऑर्डर्स हैं उनके लिए कौन सी प्राइस रेलिवेंट है, जो कमिटेड प्राइस है। अब देखिए छोटा सा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज है, मैं इसमें कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। इस IAS 12 है, उसमें फॉर एग्जांपल डेफिट एक्स एसेट कंपनी ने बुक किया हुआ है, और साथ ही वो आपको दिखा रहा है कंपनी लॉसेस में भी है, कंपनी की इक्विटी भी नेगेटिव है, कंपनी के पास फ्यूचर कैश फ्लोज भी नहीं है, फिर बताएं फिर जी। तो अगर फाज में बात करें डेफिट एक्स एसेट की बात करें, डेफिट एक्स एसेट कंपनी ने बुक किया हो ना, कंपनी के पास कोई प्रॉफिटेबिलिटी है, इक्विटी नेगेटिव हो चुकी है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कोई खास नहीं है, तो बताएं उसमें क्या रिस्क है? डेफिट एक्स एसेट की रिकग्निशन का रिस्क है ना, डेफिट एक्स एसेट किस हद तक रिकॉर्ड हो सकता है, जिस हद तक फ्यूचर में टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस अवेलेबल होंगे, जिसके अगेंस्ट ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस जाके एडजस्ट हो जाएंगे, उस हद तक आप डेफिट एक्स एसेट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब ये अकाउंटिंग का नॉलेज है, अब इसको आपने लिंक करना है एज अ 540 के साथ। देखें कोई भी एस्टिमेट बनता है तो उसमें 3 चीज़ें ही होती हैं ना, मैथड, मॉडल और अजम्पशन। मैथड कौन सा यूज़ किया गया, मॉडल कौन सा लिया गया, और अजम्पशन के ऊपर आपने क्या काम किया। ये 3 के ऊपर आप काम कर लेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आंसर हो जाएगा पूरा। एज अ 540 के मैं पैराग्राफ आपको हाईलाइट करवा दूंगा, जिसमें से आपने एज इट इज़ कॉपी करना है, तो आपकी वो प्रोसीजर पूरे हो जाएंगे। जनरल प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक वो जो अकाउंटिंग नॉलेज के साथ लिंक्ड है, जनरल वो जो हर स्टेशन में आपने करने ही करने। फॉर एग्जांपल के वो डाटा जिसकी बेस के ऊपर मॉडल डेवलप किया गया है उसकी रिलायबिलिटी को टेस्ट करना, ये पता है ना, मतलब एक डाटा की रिलायबिलिटी भी तो टेस्ट करनी होती है, कि इस सिस्टम से आया उस सिस्टम की रिलायबिलिटी को टेस्ट करना, कंट्रोल्स मैनेजमेंट के क्या हैं उस एस्टिमेट को बनाने के लिए उसको टेस्ट करना। आप ये देखें, ये किसी भी एरिया में आप लगा सकते हैं, ये एनआरवी के प्रोसीजर है वहाँ भी लग सकते हैं, या IFRS 2 के अगर एस्टिमेट की बात करें वहाँ भी लग सकते हैं, ये इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग की बात करें वहाँ पे भी लग सकते हैं। ये वो जनरल प्रोसीजर हैं जो एज अ 540 में लिखे गए हैं, जो आप किसी भी सिचुएशन में हर सिचुएशन में जाके कॉपी पेस्ट वहाँ पे कर सकते हैं। अब अगर आप ट्रेंड देखें तो ये हर अटेम्प्ट में इसमें से 10-15-20 नंबर का सवाल आ रहा है, गलती कहाँ पे हो रही है, हम लोगों को इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं होता। आइज़ा 540 एक लेंथी स्टैंडर्ड है जिसको हम छोड़ के चले जाते हैं, जा रीडिंग करते हैं, इस
सेंस के साथ कभी रीडिंग ही नहीं की होती कि हमने इसमें से आंसर देकर करना है। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, इस गलती से आपने बचना है, इस स्टैंडर्ड को बहुत अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। फिर आइज अ 550 है रिलेटेड पार्टीज़ के बारे में। जी रिलेटेड पार्टीज़ की आइडेंटिफिकेशन, रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर्स, आइज 24 के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। रिलेटेड पार्टीज़ होती क्या हैं, कैसे आइडेंटिफाई होती हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, वो पता होने चाहिए जी। तो आइज अ 550 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड जब पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे। 560 है सबसिक्वेंट इवेंट्स के बारे में, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है जी, ये जाके काफ़ी स्टैंडर्ड्स के साथ जाके लिंक भी होता है, तो हमें इसको अच्छे तरीके से तैयार करने की ज़रूरत है क्योंकि ये भी हाई रिस्क में आपका आता है। 570 गोइंग कंसर्न वाला, ये अगेन वही बात है, इसमें से भी क्वेश्चन हर अल्टरनेटिव अटेम्प्ट के अंदर आ रहा होता है, बट हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते कि गोइंग कंसर्न को जाके हिट कहाँ पे करना है, यानी मैंने किस सिचुएशन में गोइंग कंसर्न की प्रॉब्लम को अराइज करना है, मतलब हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम कहाँ पे लैग करते हैं जी। एज अ 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का है, डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, लेकिन तैयार कर लें, इन डायरेक्ट क्वेश्चन में से काफ़ी आ सकते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग। 600 वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि ये ग्रुप ऑडिट से रिगार्डिंग है और ग्रुप ऑडिट के अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स एरियाज भी मौजूद हैं, इसको अच्छे तरीके से तैयार करने की ज़रूरत है, ये हम इसको क्लास में भी डिस्कस करेंगे। फिर आगे 700 सीरीज है जिसमें 700 इटसेल्फ में से शायद क्वेश्चन ना ही बने, लेकिन ये गवर्निंग स्टैंडर्ड है बाकी स्टैंडर्ड्स के लिए, तो इसलिए इसको पढ़ने की या अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। 701 वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है कि ऑडिट मैटर्स के बारे में, की ऑडिट मैटर्स की आइडेंटिफिकेशन के बारे में, की ऑडिट मैटर की ड्राफ्टिंग के बारे में और रिपोर्टिंग के बारे में, जो भी इसके लिंक बनते हैं अदर स्टैंडर्ड के साथ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको आपको तैयार करने की ज़रूरत है। 705 इटसेल्फ जो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंड लोन 705 की टेस्टिंग नहीं होती, 705 लिंक होकर टेस्ट होता है बाकी स्टैंडर्ड्स के साथ। हो सकता है इसको 570 के साथ लिंक कर ले, 580 के साथ लिंक कर ले, किसी भी स्टैंडर्ड के साथ जाके लिंक हो सकता है। देखें जहाँ भी स्टेटमेंट होगी या स्कोप लिमिटेशन होगी, आज 705 एक्टिवेट हो जाएगा। 705 जब एक्टिवेट होता है तो उसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स मौजूद है, उन प्रिंसिपल को कहीं भी अप्लाई करना पड़ सकता है आपको। हो सकता है इसको अकाउंटिंग नॉलेज के साथ भी जाके लिंक कर ले और वहां से आपका इसका आंसर प्लान करवा ले। नॉर्मली जो लिंक होने के चांस होते हैं 705 के, आइज 560 के साथ, 540 के साथ और 570 के साथ, इसमें से हॉट फेवरेट एरियाज होते हैं जो निकल सकते हैं, क्योंकि जब मैं आइज 540 की बात करता हूं तो आइज 540 अकाउंटिंग के हर नॉलेज को टेस्ट कर लेता है, क्योंकि एस्टिमेट्स है ना, तो एस्टिमेट तो हर स्टैंडर्ड के अंदर मौजूद होते हैं, तो एस्टिमेट्स के बारे में जब बात होती है तो अकाउंटिंग नॉलेज आपका वैसे ही क्लियर और क्रिस्टल क्लियर हो जाता है जी। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया 705 बाकी एरियाज के साथ जाके टेस्ट हो सकता है। 706 की इटसेल्फ स्टैंड लोन टेस्टिंग के चांसेस कम है, ये थोड़ी पूछेगा कि अदर मैटर पैराग्राफ किन सिचुएशन में देते हैं, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ किन सिचुएशन में देते हैं, ये नहीं पूछेगा। हाँ, आपसे ये पूछेगा कि अगर आपने फर्स्ट ईयर ऑडिट कर रहे हैं तो फिर क्या इंपैक्ट आएगा, अगर आपने सबसिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर इस स्टैंडर्ड को किस तरह से लिंक करेंगे, अगर आप जो है आइज ऑफ 570 के साथ किस तरह से लिंक करेंगे, जाहिर बात है हर स्टैंडर्ड में इसका कोई ना कोई लिंक तो मौजूद है ना, गोइंग कंसर्न के साथ इसका क्या लिंक है, तो ये लिंक्ड होके बाकी स्टैंडर्ड्स के साथ इसके आंसर होने के चांसेस हैं। स्टैंड लोन स्पेसिफिकली ये स्टैंडर्ड शायद टेस्ट नहीं होगा। 710 है रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर टेस्ट हुआ है और इसके बारे में तो मेरी प्रेडिक्शन भी थी कि ये टेस्ट होने के चांसेस थे लास्ट टाइम, और माने या ना माने आप में से जिन बच्चों ने पेपर दिया है, इस तरह का मिलता जुलता सवाल एक पीछे आई कैप की पास्ट पेपर में भी टेस्ट हुआ था, वो सेम इसी तरह का सवाल था जिसको बच्चों ने इस अटेम्प्ट में अगेन गलत परसीव करके गलत तरीके से करके आ गए। 720 इस अटेम्प्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड ज़रूर हो सकता है क्योंकि इसमें से पेपर अभी रिसेंट अटेम्प्ट्स के अंदर कोई खास टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन टेस्टिंग के चांसेस मैक्सिमम मार्क्स 5-10 हो सकते हैं। मतलब देखें, मैं यहाँ पर एक जजमेंट बता रहा हूँ आपको, मतलब मैं यहाँ पर शायद आपको कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन इस तरह की नहीं है कि ये होगा, ठीक है जी। तो एनालिसिस की बेस के ऊपर जो लगता है कि यहाँ स्टैंडर्ड में से 5 से 7 नंबर का एक छोटा सा पार्ट बन सकता है, इससे ज़्यादा आने के चांसेस इसमें से कम होते हैं जी। और कोड ऑफ एथिक्स का एरिया जो है ये आपका हॉट फेवरेट एरियाज में आता है जी। अब अगर ज़रा अपनी तैयारी को देखें, ये जो मैंने स्टैंडर्ड यहाँ पर लिखे हैं ना, ये 80 मार्क्स कवर करते हैं आपके, मानेंगे आप इस बात को, ये स्टैंडर्ड्स 60 to 80 मार्क्स आपके कवर कर जाते हैं। अब मैंने जो स्टैंडर्ड इसमें से एक्सक्लूड किए हैं, देखा 700 सीरीज तक सारे स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गए ना, यहाँ तक कोड ऑफ एथिक्स भी आ गया, बल्कि आप 80 प्लस मार्क्स कंसीडर करें, आप इसको 90 मार्क्स कंसीडर करें, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है हॉट फेवरेट एरियाज के अंदर, तो तीन पहली ग्रेड और आखिरी ग्रेड मिलाएं कितने बनते हैं, 85 to 90 मार्क्स बन गए मैक्सिमम।
अब बताएं अपनी तैयारी को क्या इस स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर लेके चलें तो क्या हो सकती है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो अभी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मैं उनके नॉलेज को चैलेंज नहीं कर रहा, वो अपनी तैयारी पूरी रखें। लेकिन वो बच्चे जो समझते हैं कि हमें टाइम नहीं है अब इस वक्त और हमने अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, तो रिकमेंडेड है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है, आप अपनी तैयारी अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। दिस इज़ रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड, जो मैंने पास्ट ट्रेंड देखे हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंस देखे हैं, वो ये स्टैंडर्ड्स हैं। अब मैं इनको फर्दर आपको ड्रिल डाउन करके बता दिए कि कौन से में से डायरेक्ट टेस्टिंग होने के चांस है, कौन में से इनडायरेक्ट टेस्टिंग होने के चांस है, और कौन से नॉलेज बिल्डिंग है। पहले तीन कौन से थे? नॉलेज बिल्डिंग थे। क्या रिस्क असेसमेंट कभी 315 में से आप खोल के देखा है कभी? लेकिन 315 रिस्क असेसमेंट करते वक्त आपको ये पता होना चाहिए बिजनेस का रिस्क क्या होता है, सिग्निफिकेंट रिस्क क्या होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होती है, ये चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि इसने ही जाके लिंक होना है मेरे सारे के सारे स्टैंडर्ड्स के साथ जाके। तो गवर्निंग स्टैंडर्ड्स हमेशा अच्छे तरीके से आपकी कॉन्सेप्चुअली क्लियर होने चाहिए, रादर उसमें आप ये सोच के पढ़ें कि मैंने इसमें से पेपर अटैम्प्ट करना है। जो पेपर अटैम्प्ट करने वाले स्टैंडर्ड हैं वो कौन कौन से, मैं आपको बताता हूँ, 510, 540, 550, 60, 70, 600 और 700 सीरीज पूरी, ये आप इनमें से देखकर अपना पेपर कर सकते हैं। रीसेट अटेम्प्ट का जो पहला क्वेश्चन था, मैं आपको 100% बुक के ऊपर मार्क करवा सकता हूं कि कौन कौन से पैराग्राफ में से उसका आंसर करना था और किस तरीके से आंसर करना था, बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है उसमें मुश्किल। 100% 20-25 नंबर थे, आप लिख कर एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके आ जाते तो आपको पूरे नंबर मिल जाने थे, बेशक एग्जामिनर का सोल्यूशन निकाल कर देख लें, आपको एग्जैक्टली पैराग्राफ वैसे मिलेंगे। तो बेटा इन स्टैंडर्ड्स को फोकस करें। फिर आगे आते हैं मीडियम रिस्क एरियाज, क्योंकि जो आइजा 800 है सीरीज और वॉल्यूम 2, ये दो स्टैंडर्ड्स के अंदर से दो एरियाज में से आपको 10 से 15 मार्क्स का पेपर आना है। तो 800 का मैंने आपको बताया कि नॉर्मली जो पास स्टैंडर्ड रहा है वो 5 to 7 मार्क्स आपके उसमें से टेस्ट होते हैं, क्योंकि कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन वहाँ से टेस्ट हो नहीं सकता, वहाँ से एक छोटा मोटा क्वेश्चन ही आपका लिंक होकर आ सकता है। 5 to 7 मार्क्स, तो पीछे बचते हैं 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का कोई ना कोई रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन आ सकता है वॉल्यूम 2 में से, या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस दफ़ा कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरे मुताबिक है जी। फिर अगेन जो मुझे लगता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो है, एक तो 800 सीरीज में कुछ खास है नहीं, आप इसकी समरीज को अच्छे तरीके से समझ लें, इसको एक बस बर्ड आई व्यू उसका ले लें, आपको पता होना चाहिए कि 800 में क्या बातें लिखी गई हैं, 805 में क्या बातें लिखी गई हैं, 810 में क्या बातें लिखी गई हैं, और पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैंने बुक का इस्तेमाल किस तरह से करना है इन स्टैंडर्ड्स के लिए, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब देखें अपनी डायरेक्शन को अब डेवलप कर लें इस टाइम के ऊपर बैठे हुए। फिर जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम 2 में से, मैंने सारे स्टैंडर्ड नहीं लिखे, जो मुझे लगता है मेरे मुताबिक जो इंपॉर्टेंट है उसमें से जो रिलेटेड सर्विसेज के स्टैंडर्ड है 4400 और 4410, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और कंपाइलेशन एंगेजमेंट, यहाँ से रिपोर्ट राइटिंग का सवाल आपको आ सकता है। क्या आ सकता है जी? रिपोर्ट राइटिंग का सवाल आपको आ सकता है। आपको हो सकता है कि रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग दे दे, आप रिपोर्ट ड्राफ्ट कर दें, आपने एज इट इज़ खोलना है स्टैंडर्ड, उसमें से रिपोर्ट के एनेक्सर पे जाना है, वहाँ से आपने अपनी मर्जी प्रोसीजर आपने खुद डालने होंगे, बाकी एज इट इज़ आपको फॉर्मल टेम्पलेट पूरा बना मिल जाता है, आप वहाँ से उठा के उसको लिख सकते हैं। प्लस इसमें से नॉलेज टेस्टिंग हो सकती है 5 to 6 मार्क्स की। अगर रिपोर्ट का क्वेश्चन आता है तो फिर 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अगर नॉलेज टेस्टिंग का क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आ सकता। फिर उसके बाद जो तीन इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं वो हैं जी अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट के, 3000, 3400 और 3402। जो 3402 है इसका बड़ा कोरिलेशन है 402 के साथ, वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा और दोनों में डिफ्रेंसिएशन भी बताऊंगा क्या होती है, लेकिन आगे जाकर हम देखेंगे। तो 3402 या 402 में से आंसर क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ब्राइट होते हैं नॉर्मली, क्योंकि दोनों स्टैंडर्ड्स कोरिलेट होकर आते हैं और बच्चों को यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन का नहीं पता होता कि मैंने कब 3402 में से आंसर करना है, कब मैंने 402 में से आंसर करना है। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन का आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए अगर आप अपने पेपर में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो। आप देखें, और 3400 है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में, या ड्यू डिलीजेंस का सवाल आ रहा होता है या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का सवाल आ रहा होता है, दोनों में मिलते जुलते प्रोसीजर्स होते हैं। लेकिन आप इस स्टैंडर्ड को अच्छे तरीके से तैयार कर लें, ये जो तीन स्टैंडर्ड दिए हैं इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, यहाँ से कोई ये जो मैंने स्टैंडर्ड्स आपके लिखे ना ये तीन, इनमें से कोई मुझे लगता है कि 8-10 नंबर का सवाल आ जाना है, ज़्यादा चांसेस हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के चांसेस ब्राइट हैं, या सवाल इस तरह से आ सकता है कि आपको एक सुनहरियो दे दिया जाएगा और बताया जाएगा कि बताएं कि किस स्टैंडर्ड के मुताबिक इसकी रिपोर्ट दें,
ये सवाल आने के चांसेस हैं। बाकी हो सकता है कि थ्योरी का क्वेश्चन भी आ जाए 5 से 7 नंबर का, वो आपने एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करना हो स्टैंडर्ड को देख कर। अब ये डायरेक्शन है जो मेरे मुताबिक है, आप इन एरियाज पे फोकस करें, इस डायरेक्शन में अपने आप को लेके चलें, क्योंकि पहले मैंने ग्रिड दिखाई है और ग्रिड के साथ इनको लिंक कर दिया है, क्योंकि ये जो 3 स्टैंडर्ड हैं, ये वाले ये पहले 3 स्टैंडर्ड है, यहाँ से 15 से 20 मार्क्स उसने खुद बता दिया कि यहाँ से पेपर आना है। फिर 402 से लेकर 600 तक जो क्वेश्चन है, यहाँ से 20 से आपका 25 मार्क्स का पेपर आना है। 700 सीरीज में से जो रिपोर्ट राइटिंग है, इसमें से आपका 15 से 20 मार्क्स का पेपर आना है, ये आना ही आना है। तो अगर मैं, मुझे पता है कि ये स्टैंडर्ड इस तरीके से अप्लाई हो सकते हैं और मैं यहाँ से आंसर को अच्छे तरीके से प्लान कर सकता हूँ, तो फिर मुझे अपनी डायरेक्शन को भी इसी तरीके से फोकस करना चाहिए। रादर मैं आज के दिन पे बुक खोलूं और मैं 200 को खोल कर देखना शुरू कर दूं कि इंश्योरेंस इंक्रीमेंट क्या होती है, मैं ये देखना शुरू कर दूं कि आपकी जो लिमिटेड इंश्योरेंस में और रीजनेबल इंश्योरेंस में फ़र्क क्या है, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन और नेगेटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन में क्या फ़र्क होता है, तो ये सवाल आपके लेवल पर टेस्ट होने वाले नहीं है। यहाँ पर ये नहीं पूछेगा कि सैम्पलिंग किस तरह से करेंगे, सैम्पलिंग के तरीकेकार बताते हैं, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होती है, नॉन स्टैटिस्टिकल क्या होती है, ये सवाल नहीं आएगा। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं, ये नहीं आएगा सवाल। इनकी एप्लीकेशन किस हद तक टेस्ट हो सकती है, लेकिन अगर पास्ट ट्रेंड देखा जाए तो नहीं है टेस्टिंग, तो आपके लिए कोई वरीसम होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर इसकी एप्लीकेशन ज़रूरी है और एप्लीकेशन के लिए ये स्टैंडर्ड्स ज़रूरी हैं। इनको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे तो आई बिलीव कुछ हद तक आपको इसमें अफादा हो सकता है। फिर प्लानिंग जब कर रहे हैं तो प्लानिंग, अब जाहिर है प्लानिंग फेज पे ना अभी हम, फिर आप क्या करें, पिछले 10 अटैम्प्ट्स के पास पेपर कंप्लीट अपने पास रख लें। अब अक्सर बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि कंप्लीट पास पेपर्स की क्या लॉजिक है। देखें, आपका जो ऑडिट का सब्जेक्ट है, इसमें अगर आप टॉपिक वाइज पास पेपर पढ़ेंगे तो आपकी जो ब्रेन स्ट्रॉमिंग है वो कभी भी नहीं हो पाएगी। मुझे पता है कि मैं 500 सीरीज के क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मुझे पता है 550 का क्वेश्चन कर तो 550 में से आंसर करना है, मैं 570 को पढ़ रहा हूँ तो 570 में से आंसर करना है, आई नो दिस। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब पेपर में मिक्स एंड मैच होके आ जाता है, जब पेपर में एक क्वेश्चन 2-3 स्टैंडर्ड में से लिंक होके आ जाता है, तो पेपर में हम जाके ब्लैंक हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती कि मैंने आंसर को किस तरीके से करना है और कौन से स्टैंडर्ड्स को मैंने यूज़ करना है। तो वाट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कंप्लीट पास पेपर लें, क्योंकि जाहिर बात है अभी तक तो कुछ ना कुछ नॉलेज बिल्डिंग आपकी हो चुकी है, पढ़ा हुआ तो आपने कुछ ना कुछ ज़रूर है, तो बेहतर क्या है कि आप पूरे पूरे पास पेपर लें, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, तो फिर आपको कुछ बेनिफिट होगा। एक तो आपने कंप्लीट पास पेपर लेने हैं, उनको पढ़ना किस तरीके से वाकई जाकर डिस्कस करते हैं। फिर कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, जिसका आपको हर लिहाज से हर तरह की इंफॉर्मेशन और नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपके जो IAS 10 है इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ये आपका जाके लिंक होता है IAS 560 के साथ सबसिक्वेंट इवेंट के साथ, तो ये IAS 10 जो है ये वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। 12 डेफर टैक्स का है, डेफर टैक्स एसेट की रिकग्निशन पे क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है कि जब ये पूछे कि कंसोलिडेशन के साथ लिंक करके भी इसका सवाल आ सकता है, अगेन रिपोर्टिंग में भी सवाल आते हैं तो यहाँ पर भी इसका सवाल आ सकता है, तो एस्टिमेट से लिंक होगा IAS 12 आपका। फिर 16 है, 16 में आपको सिर्फ मॉडल्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन से मॉडल होते हैं, बस बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने की जरूरत नहीं है। IAS 24 लिंक होता है IAS 550 के साथ, क्योंकि 550 में कंप्लीट डेफिनेशन मौजूद नहीं है रिलेटेड पार्टीज़ की, तो रिलेटेड पार्टी होती क्या है मुझे ये पता होना चाहिए। पेपर में वो एक्सपेक्ट करता है कि आपके पास अकाउंटिंग का नॉलेज मौजूद है, तो रिलेटेड पार्टी की आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्लोजर के पर्सपेक्टिव से IAS 24 का नॉलेज आपके पास अच्छा होना चाहिए। 36 IAS 540 के साथ जाके लिंक होता है एस्टिमेट्स के साथ, गुडविल की इंपेयरमेंट से रिगार्डिंग, आपके बाकी जो एसेट्स होते हैं उनकी इंपेयरमेंट के रिगार्डिंग, नॉन मॉनेटरी एसेट्स की जो इंपेयरमेंट होते हैं उसके रिगार्डिंग, जितने भी आपके एरियाज हैं वो IAS 36 में जाके लिंक होते हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। इंडिकेशंस, ये आपका रिस्क असेसमेंट भी जाके लिंक होता है, क्योंकि वहाँ पे जो IAS 2 है और 36 है, ये दोनों स्टैंडर्ड्स रिस्क असेसमेंट में हर एरिया में आके लग जाते हैं। जब पेपर में क्वेश्चन में बात करते हैं ना कि भाई कोई बिजनेस का रिस्क आ गया है जिसकी वजह से कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड ख़त्म हो गई है, या कंपनी के जो था मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ गई है, तो अल्टीमेटली वो इंडिकेशंस की बात कर रहा होता है, जो इंडिकेशन इंटरनल या एक्सटर्नल आपकी इंपेयरमेंट की होती हैं। तो IAS 36 की जब तक इंडिकेशंस मुझे नहीं पता होंगी तो मैं रिस्क असेसमेंट में भी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, और एस्टिमेट का अगर कोई क्वेश्चन स्टैंड लोन आ जाता है तो उसमें भी मेरी परफॉर्मेंस बेहतर तरीके से नहीं होगी। फिर आपका 38 इंटेंजिबल का है, और आपका 40 जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर कुछ IFRS हैं, IFRS 3 और 10 कंसोलिडेशन के रिगार्डिंग है,
और कंसल्टेशन का आपको बताया कि ये आपके ISO 600 के साथ जाके ग्रुप ऑडिट के साथ जाके लिंक होते हैं और ग्रुप ऑडिट के साथ जाके इसका बहुत बड़ा एक जाके आपके मिक्स एंड मैच बनेगा और इसका एक क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल के एक दफ़ा क्वेश्चन टेस्ट हो गया कि सब्सिडी डिस्पोज ऑफ की है तो प्रोसीजर बताया क्या होने चाहिए, तो डिस्पोजल की अगर अकाउंटिंग आती है तो फिर प्रोसीजर बनाने भी आसान है। अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ है उसके ऊपर प्रोसीजर बताएं तो आप बताएं जी स्पेसिफिक है या जनरल क्वेश्चन है। कंसोलिडेशन के अंदर बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ है, ये सवाल एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है या जनरल क्वेश्चन है? स्पेसिफिक है जी, कहां से आंसर करेंगे? स्टैंडर्ड बताएं ऑडिटिंग का, 600 के अंदर पूरे प्रोसीजर पैटे लिखे हुए हैं, आपने वहां से उठाना है, कॉपी पेस्ट करना है और उसको लिंक करना है IFRS 3 और IFRS 10 के साथ, आपके नंबर पूरे हैं। ठीक हो गया जी। इस तरह फिर आगे चलें तो आपके आगे IFRS 15 है, यहाँ पे रेवेन्यू रिकग्निशन के ऊपर और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के ऊपर आपका जितने भी एरियाज बनते हैं ये रिस्क असेसमेंट में भी टेस्ट हो सकता है, ये आपके जाके एक सेपरेट प्रोसीजर के तौर पर भी टेस्ट हो सकता है क्योंकि IFRS 9 के ऊपर ECL के रिगार्डिंग फिर कुछ ना कुछ टेस्टिंग मौजूद है, IFRS 15 के अंदर से टेस्टिंग होने के चांसेस मौजूद हैं, तो अकाउंटिंग नॉलेज इसका अच्छे तरीके से आपके पास होना चाहिए। IFRS 16 और 9 ये स्टैंडर्ड्स आपके ग्रिप के अंडर होने चाहिए। अगर आप रिपोर्टिंग पास कर ली हुई है इवन देन आपको इनके बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड जाके लिंक होंगे आपके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, फिर आपका जाके आंसर प्लान होगा। आप बताएं जी ये दोनों चीज़ों में से किसी बच्चे की प्लानिंग में ये चीज़ें मौजूद हैं जी? किस बच्चे इस तरह से प्लान किया कि मैंने ये स्टैंडर्ड्स पढ़ने और इनके साथ इनको लिंक करना है? तो ये चीज़ें हर बच्चे के लिए ज़रूरी हैं, चाहे जो नीचे लिखा है ना रिवाइज नॉलेज करना है, ये हर बच्चे के लिए है, चाहे उसने सारा कुछ पढ़ लिया हुआ है या अभी कुछ नहीं पढ़ा हुआ, सब बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको इस चीज़ को लेकर चलना है। एंड के ऊपर बच्चों का बड़ा सवाल होता है जी कौन सी बुक पढ़ें, तो बुक कोई भी नहीं है जी, स्टैंडर्ड ओरिजिनल होते हैं, सबसे बेस्ट वही सोर्स होते हैं क्योंकि आपने पेपर में वही लेके जाने हैं, अगर मैं उस किताब के साथ फेमिलियर ही नहीं होंगा तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होगी। अलता मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन आज ही बल्कि डेवलप हुई है, एक मार्च में सर्कुलर आया है जिसमें उन्होंने कहा जी कि 2018 के भी अप्लीकेबल हैं स्टैंडर्ड और 2020 के भी अप्लीकेबल हैं, मैं आपके सामने खोल भी देता हूँ। और एक मेरे पास इसका आया था जी जो एक पुराना था जी, उसमें उन्होंने सिर्फ 2018 का जो एडिशन है ISAS का वो बताया गया है, तो मैं ओपन कर लेता हूं जी उसको जरा। जी आपके स्क्रीन के सामने है जी, ये सर्कुलर आया था जी समर इफेक्टिव फ्रॉम समर 2022, तो इसमें उन्होंने ये बड़ा क्लियर बताया जी इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड ISAS एडिशन 2018 विल बी एप्लीकेबल, 2018 का एप्लीकेबल एडिशन है। ठीक हो गया जी, कोड ऑफ एथिक्स आपको 2019 वाला लगेगा, ये बड़ा क्लियर इंडिकेशन थी। लेकिन मैंने एक और सर्कुलर पढ़ा वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये एक सर्कुलर आया था जी March 18 को, इसमें उन्होंने एग्जामिनेबल जो एडिशन बता दिया है उसमें लिखा था ISAS एडिशन 2018 आर 2020 एप्लीकेबल फॉर एग्जामिनेशन, बोथ आर एग्जामिनेबल। अब यहाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया क्योंकि पहले बताया गया था कि नहीं है, और नॉर्मली अब प्रॉब्लम इसमें क्या है कि जो भी कोई पॉलिसी आती है तो 6 मंथ प्रायर टू द एग्जामिनेशन अगर वो आ जाए तो आपकी एप्लीकेबल होती है। इस केस में जो ISAS 2020 के स्टैंडर्ड वो तो अवेलेबल थे और एप्लीकेबल हो चुके थे, वो टेस्ट तो होने चाहिए, लेकिन बात ये कि जो गाइडेंस आई थी उसमें लिखा था कि नहीं है, लेकिन अगेन इस पर क्लैरिटी की ज़रूरत है, हम क्लैरिटी ले लेंगे इसके ऊपर। दूसरी बात क्या है कि अगर 2020 के एप्लीकेबल होंगे तो उसमें फिर चेंजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का जो फॉर्मेट है वो टोटल चेंज हो गया, वो इस तरह नहीं है जिससे हम अभी देते हैं रिपोर्ट, और रिपोर्ट के अंदर काफ़ी चीज़ें और भी ऐड हो गई हैं और उसकी स्ट्रक्चर और कॉन्टेंट भी चेंज हो गए हैं। आप इसके ऊपर थोड़ी सी मैं भी ले लेता हूँ, थोड़े जो एग्जामिनेशन के डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे पूछ लेता हूँ कि इसमें अब फर्दर गाइडेंस, क्योंकि ये पुराना फिर सर्कुलर क्या नल एंड वाइड कंसीडर किया जाए, अगर है तो फिर मैं इसके ऊपर आपको बता दूंगा कि दोनों स्टैंडर्ड्स में डिफरेंस कहाँ कहाँ पे है, आप उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा जी। तो बच्चों इस तरह हमारी जो अब बात आती है कि मैंने आप स्टैंडर्ड्स को करना क्या है, उस किताब को इस्तेमाल किस तरह से करना है, क्योंकि नॉर्मली जो एक कंप्लेन आती है कि किताब तो कुछ पेपर था ही नहीं इसमें से,
सब कुछ जर्नली आ गया था तो हमने जर्नली आंसर कर दिया इसके ऊपर, तो ऐसी बात नहीं होती। अगर स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं तो प्रैक्टिकली लाइफ में मैं अपनी फॉर्म के अंदर 80-90% अप्लाई कर रहा हूँ, हर चीज़ 100% अप्लाइड होती है। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जनाब ये सब किताबों का नॉलेज है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि इसको इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। पहला रूल किताब का, इस किताब के जितने वॉल्यूम्स हैं उनको आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड बाय नंबर आपको पता होने चाहिए। आपके पास अगर स्टैंडर्ड हैं तो अपने हाथों में कर लें ज़रा, अगर स्टैंडर्ड हैं तो आपने ओपन कर लें। अब इसके ज़रा नीचे बॉटम पे आएँ तो नीचे बॉटम के ऊपर जो राइट साइड पे ना स्टैंडर्ड का नंबर लिखा होता है, कोई भी पेज ओपन करें, दरमियान में से कोई पेज ओपन करें, पेज ओपन करके देखें नीचे एक नंबर लिखा हुआ है, कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ेंगे आप अभी, 500। अब देखें, अब अगर मैं, मुझे इतना पता है एग्जामिनेशन के अंदर कि मैंने 550 में जाना है, 560 में जाना है, रादर मैं एक एक पेज आके पीछे करूं, मुझे नंबर पता होना चाहिए। जिस तरह से हम डिक्शनरी में से सर्च करते हैं, इस तरह से मैं यहाँ पे नंबर पे सर्च कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड पार्टी का अगर आ गया पेपर में सवाल, तो मुझे पता है 550 इसके लिए रेलिवेंट है। मैं क्या करूँगा, मैं नीचे से बुक किस तरह फोल्ड करना शुरू करूँगा और मैं जो न्यूमेरिकल सीक्वेंस है वहाँ पे 550 पे जाके ब्रेक लगा दूंगा, तो मेरा पेपर में जो पेज आके पीछे करने का टाइम हो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। पहला रूल क्या सीखा जी आपने, बाय नंबर आपको स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन से स्टैंडर्ड को आप रीड कर रहे हैं, समझ आ गई बात की। दूसरा स्टेप क्या है जी, दूसरा स्टेप क्या है कि हमेशा आपने स्टैंडर्ड के इंडेक्स से स्टार्ट करना है। कोई भी स्टैंडर्ड ओपन करें जी अपने पास, मैं इसको अपने पास इधर भी ओपन कर लेता हूँ जी, ताकि मतलब आप लोगों को इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी बेहतर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जी कि मैं यहाँ से चलता हूँ जी, किसी स्टैंडर्ड के ऊपर चलता हूँ, ये ले जी, ये आपकी स्क्रीन पे एक आइजा 600 मौजूद है। अब मैं इसके ऊपर एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको, जो मैंने अटेम्प्ट दी थी उस अटेम्प्ट में आया था कि कंपोनेंट ऑडिटर की किस तरह से एवेल्युएट किया जा सकता है, कंपोनेंट ऑडिटर को किस तरह से एवेल्युएट किया, बड़ा सिंपल सा सवाल आ गया था। मैंने क्या किया, इंडेक्स ओपन किया, इंडेक्स में जरा ढूंढने कहाँ पे लिखा जी, अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट ऑडिटर, बस खत्म होगी बात। कौन सा पैराग्राफ है, पैराग्राफ 19 और 20, एग्जैक्टली मैं वहां पे गया पैराग्राफ 19-20 पे, वहां पे जो प्रोसीजर लिखे थे सारे लिखा है। जब एग्जामिनेशन के अंदर मैं वो उसके सोल्यूशन देखे, वो एज इट इज़ वही आए हुए थे। देखो सवाल तो वही पे आना है ना, फाज मतलब पेपर में आ जाता सवाल कि आपने क्या कहते हैं जी कि सबसिक्वेंट इवेंट के रिगार्डिंग कोई ग्रुप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह से करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी इंडेक्स में क्या क्या एलिमेंट्स लिखे हैं। कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं, फॉर इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन का स्कोप ऑफ दिस आइज है, स्कोप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्कोप आपको बता रहा होता है कि इसका लिंक दूसरे स्टैंडर्ड के साथ क्या है, ये आपको ये बता रहा होता है कि ये स्टैंडर्ड कब अप्लाई होना है, किस तरीके से अप्लाई होना है। क्योंकि जब मैं नॉलेज बिल्डिंग की बात करता हूँ तो मुझे ऑब्जेक्टिविटी पता होनी चाहिए स्टैंडर्ड्स की, कि मैं जो स्टैंडर्ड पढ़ रहा हूँ वो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, किस वजह से पढ़ रहा हूँ, इसका बाकी स्टैंडर्ड्स के साथ जाके लिंक क्या है, ये चीज़ हमारी बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। स्कोप ऑफ द आईएस ये है, इफेक्टिव डेट, ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन और रिक्वायरमेंट, ये हर स्टैंडर्ड में आपको नजर आएंगी। आगे जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये हर स्टैंडर्ड की अपनी अपनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखा जाए तो उसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इंगेजमेंट टीम पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके बारे में। एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस की बात है, ओवरऑल इट्स स्ट्रेटजी एंड प्लान है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रुप इट्स कंपोनेंट एंड एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटर मटेरियलिटी, रिस्पॉन्डिंग टू द सेस रिस्क, कंसोलिडेशन का प्रोसेस। अब ये जो बात मैं कर रहा था कंसोलिडेशन की, कंसोलिडेशन पे सवाल आ जाए तो कंसोलिडेशन के प्रोसेस में इसके प्रोसीजर्स मौजूद हैं। सबसिक्वेंट इवेंट, कम्युनिकेशन विद कंपोनेंट ऑडिटर, आप पेपर में सवाल आता है कि कम्युनिकेशन ऑफ विद कंपोनेंट ऑडिटर क्या करेंगे, ठीक हो गया जी, तो किस तरह से लिंक करना है। एवेल्युएटिंग द सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, कम्युनिकेशन विद ग्रुप मैनेजमेंट, दो चार विद गवर्नेंस और डॉक्यूमेंटेशन। जब भी पेपर में आपने सवाल पढ़ने हैं तो सवाल पढ़ने के बाद आपके पास पहला सवाल पहला क्या होना चाहिए जी, किस स्टैंडर्ड में से आंसर करना है, उसका नंबर पता होना चाहिए, फिर उसका इंडेक्स पता होना चाहिए। इंडेक्स पे फौरन जंप करें और रिक्वायरमेंट को मैप करें, किस हेडिंग से जाके मैप होने की कोशिश करें। अब आप कहते हैं जी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटर है तो इस पैराग्राफ में से आंसर करना है, कम्युनिकेशन विद द कंपोनेंट ऑडिटर है तो इस पैराग्राफ में से आंसर करना है, अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को इस इंडेक्स के साथ मैप कर लें, 80% चांस है कि आपको आंसर मिल जाएगा।
70-80% चांस है आंसर मिल जाएगा, 20% चांस है आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक डायरेक्शन जरूर मिल जाएगी कि इसका आंसर या यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, फिर आपने जाके फर्दर उसको ड्रिल डाउन करना है। लेकिन पहले दो स्ट्रेटजीज क्या आपने देखी है जी, आपको पता होना चाहिए नंबर का, दूसरे नंबर पर हमने क्या डिस्कस किया जी, आपको जो है इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं जी कि ट्राई टू फोकस ऑन लिंक स्टैंडर्ड्स, फॉर एग्जांपल लिंक ऑफ फाइल्स आर 570 विद 315, 701 और 705 एंड 706। अब ये जो आई जो 570 है ये कई स्टैंडर्ड्स से जाके लिंक होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक सैंपल के तौर पर लिख दिया है, जो एग्जांपल के तौर पर मैं स्टार्ट भी किया था। इस तरह मैं अगर एक सवाल करता हूँ, जिस तरह से आई जो 402 है और आई जो 600 है, इन दोनों का आपस में लिंक क्या है? आई जो 402 और आई जो 600 का कोई लिंक बन सकता है आपस में? नहीं बन सकता। अगर आप थर्ड पार्टी के कंट्रोल जाके चेक करने हो और एक अनदर ऑडिटर इन्वॉल्व करना हो तो फिर कहां किस तरह चेक करेंगे? क्वेश्चन में पेपर में आ जाता है कि आप जो है ना, वो कहते हैं ना कि आप 402 के अंदर कि आप टाइप वन रिपोर्ट ले लें, टाइप टू रिपोर्ट ले लें, आप खुद चले जाएं कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, या आप किसी और ऑडिटर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल पेपर में आ गया कि आपने किसी और ऑडिटर को इन्वॉल्व करना है टू अंडरस्टैंड द कंट्रोल्स ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर बताएं कौन से प्रोसीजर लगाएंगे? बताएं कहां से लगाएंगे? 600 में से लगाएंगे। तो जो कंपोनेंट ऑडिटर के साथ कम्युनिकेशन होती है वही वहां पे होगी। जो स्कोप ऑफ द 600 है ना, स्कोप ऑफ द इज द 600, उसमें यह बात लिखी गई है। आप देखें ना, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा भी देता हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं वो किस तरीके से यहां पर लिंक होती है। देखें, एन ऑडिटर में फाइंड दिस आइजा, यानी 600 की बात हो रही है, अडेप्टेड एज नेसेसरी इन सर्कमस्टांसेस, यूजफुल व्हेन द ऑडिटर इन्वॉल्व अदर ऑडिटर्स, जब ऑडिटर किसी और ऑडिटर को इन्वॉल्व करता है तो ये स्टैंडर्ड आपके लिए इफेक्टिव हो जाता है। इन दिस इन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट आर नॉट ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बेशक ना हो, एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, फिर भी 600 की एप्लीकेशन हो सकती है। उसकी एक एग्जाम्पल दे दी है, फॉर एग्जाम्पल एन ऑडिटर में इन्वॉल्व एन अदर ऑडिटर to observe the inventory count or inspect physical fixed asset at remote location, आपके पास अपने पास resources नहीं है, आप किसी और को भेजना चाहते हैं, तो आई जो 501 में ये बात लिखी गई। आई जो 501 का लिंक किसके साथ बन गया? 600 के साथ लिंक बन गया। आई जो 402 के आप controls की understanding लेने के लिए किसी third auditors को involve कर सकते हैं, तो third auditor की involvement किस standard के मुताबिक होगी? 600 के मुताबिक होगी। आप देखें वहाँ पर, तो वहाँ पर उसने आपको एक बता दिए ये काम करना है, उस काम को एग्जीक्यूट किस तरह से करना है दूसरे स्टैंडर्ड में बताया गया है। अब लिंक पता होना चाहिए, ये बात समझ आ गई आपको? तो ये लिंक और कोरिलेशन आपके बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि पेपर में कोई भी सवाल किस तरीके से टेस्ट हो सकता है। ठीक है, फिर कहते हैं फोकस ऑन द स्कोप इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईएसआर। आपने जब भी स्टैंडर्ड को पढ़ना है तो स्कोप का पैराग्राफ लाजमी पढ़ना है, इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव, ये तीन चीजें आपके बार बार पढ़नी है, इनको बार बार पढ़ना है, क्योंकि ये हमें बताएंगे कि इस स्टैंडर्ड को मैंने लिंक किस तरह से करना है, इस स्टैंडर्ड को कोरिलेट किस तरह से करना है, इस स्टैंडर्ड को अप्लाई किस तरह से करना है, ऑब्जेक्टिविटी हमारी क्या है स्टैंडर्ड को पढ़ने की और समझने की। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर बच्चे हमेशा इतराज़ करते हैं, लेकिन मैं फिर भी मजीद दूँ, ये इस तरह से ही है, किसी भी स्टैंडर्ड को 10 से 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं देना। आप कोई बुक रीडिंग करते होंगे, आपको आइडिया होगा कि जब आप एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे तो एक जगह पे जाके सीक्वेंस टूट जाती है। चाहे आप किसी एक चैप्टर को भी पढ़ रहे होंगे तो एक जगह पे जाके आपकी सीक्वेंस टूट जाएगी, आप पीछे से आगे लिंक नहीं कर पाएंगे कि मैं क्या पढ़ रहा था। तो बेहतर हल क्या होता है कि जो छोटे आइजाज हैं उनको आप 10 से 15 मिनट की रीडिंग दें, मैक्सिमम 30 मिनट की रीडिंग दे दें 700 सीरीज के लिए। अब जहाँ पर सवाल आता है कि 315 के लिए फिर मैं किस तरह से करूँ, तो 315 एक एक्सेप्शन है, वो एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर आप टाइम लगा लें, लेकिन अगेन प्लान करके टाइम लगाएं। उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ने वाली नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग क्या है स्टैंडर्ड की, मैंने किस तरीके से स्टैंडर्ड को लेकर चलना है। तो स्टैंडर्ड्स के ऊपर 10 से 15 मिनट की रीडिंग दें। आप देखें दो ऑप्शन हैं, आप 2 घंटे लगाएं और एक स्टैंडर्ड को पढ़ें, और एक आप 3 दफ़ा 45 मिनट में एक स्टैंडर्ड को पढ़ लें, टाइम भी सेव होगा, बताएं इफेक्टिवनेस किस में ज़्यादा होगी। अगर आपको लगता है कि इफेक्टिवनेस 2 घंटे में ज़्यादा होगी तो घर जाके अप्लाई करके चेक कर लें, 2 स्टैंडर्ड्स पकड़ें, एक स्टैंडर्ड को 2 घंटे रीड करके पढ़ें और एक स्टैंडर्ड को 15 मिनट के साथ 3 दफ़ा पढ़ें, उसके बाद देखें कि आपके कॉन्सेप्ट्स और आपकी जो लिंकिंग है वो किस में ज़्यादा बेहतर होगी। तो लिंकिंग मेरे मुताबिक
ज़रूर उसी एरिया में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जिसमें आप बार बार उसको रिपीट कर रहे होंगे, क्योंकि देखें नॉलेज आपके पास है, एप्लीकेशन उसकी इंपॉर्टेंट है और उसकी कोरिलेशन इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड में वो बातें कहाँ कहाँ पर लिखी गई हैं, क्योंकि पेपर में मैंने जाके उसी में से आंसर प्लान करना है। ठीक है जी बात। उसके बाद कहते हैं जी कि आफ्टर रीडिंग द स्टैंडर्ड मैप द होल स्टैंडर्ड इन योर माइंड, जब आप स्टैंडर्ड पढ़ लेंगे तो पूरे स्टैंडर्ड का क्रक्स अपने जेहन में लेके आएँ। मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं मैप किस तरह से बनाता हूँ, रिलेटेड पार्टी या स्टैंडर्ड। रिलेटेड पार्टी में सबसे पहले मैं कहता हूँ कि अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए, रिलेटेड पार्टियों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर जाहिर बात है एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने दी है, फिर एक काम मैंने भी करने हैं, तो फिर जो प्रोसीजर ऑडिटर ने लगाने हैं टू आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन, वो भी लगाने हैं। अब तीसरा सवाल आता है कि अगर मैं अपने प्रोसीजर लगाते हुए किसी ऐसी रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई कर लेता हूँ जो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं की, तो फिर मैंने क्या करना है? और अगर मैं कोई ऐसी ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई कर लेता हूँ जो नॉन आर्म लेंथ पे है, तो फिर मैंने क्या करना है? ये आज द 550 का क्रक्स है। अब देखिए चार पांच सवाल थे जो मेरे जेहन में थे। अब पेपर में सवाल आ गया है कि कोई भी रिलेटेड पार्टी आपने खुद आइडेंटिफाई की है, तो अब आपके जेहन में होगा कि यार ये चार प्रोसीजर लगाने हैं जब हम खुद किसी रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई कर ले, तो ये दो प्रोसीजर लगाने हैं जब मैंने रिलेटेड पार्टी को खुद आइडेंटिफाई करना है, तो आर्म लेंथ की बात करनी है तो ये वाले पैराग्राफ में से आंसर करना है। तो मुझे अपने पूरे स्टैंडर्ड की समरी का पता होना चाहिए, माइंड मैप होना चाहिए कि इस पूरे स्टैंडर्ड में किन किन चीजों के बारे में बात की गई है, और ये चीजें वही होती हैं जो नॉर्मली इंडेक्स के अंदर मौजूद होती हैं। थोड़ी सी एक्सप्लेनेटरी फॉर्म के अंदर आप इसको कर लें कि जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपके पास इसके बारे में थोड़ा सा बेहतर नॉलेज मौजूद होता है जी। आगे जो आखिरी है जी एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ के बारे में, ये इस टाइम जो मौजूदा टाइम चल रहा है इसमें शायद मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन जिन बच्चों ने आरआईडी पढ़ा हुआ है वो गो थ्रू लाजमी करें, उसको रीड करें, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उनको इस एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ पे ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ का मैं आपको बता दूँ कि तरीकाकार क्या होता है, जब आप मेन पैराग्राफ पढ़ रहे हैं ना तो उसके साथ उसके लिखे होते हैं कि कुछ एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ भी मौजूद हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको किसी चीज़ को समझने के लिए एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने की ज़रूरत है तो फिर आप जाके पढ़ लें, अदरवाइज़ ना पढ़ें। अदरवाइज़ क्या करें, बुलेट्स जहाँ जहाँ पे उसको हाईलाइट कर लें ताकि पेपर में बैठे हुए अगर कोई चीज़ आ जाए तो सर्च करनी पड़े तो मुझे पता हो बुलेट्स कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं जहाँ से मैं इसका आंसर प्लान कर सकता हूँ। सम टाइम डेफिनेशन के ऊपर भी एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ्स होते हैं और 10-10, 12-12 पैराग्राफ होते हैं, आप वो क्या पढ़ने की ज़रूरत है मेरा ख्याल नहीं है, लेकिन अगेन डिपेंड करता है आप लोगों की मौजूदा जो बच्चे जिन बच्चों ने अभी पढ़ना शुरू किया है उनके लिए रिकमेंडेड है शायद आप ज़्यादा टाइम एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ्स पे ना लगाएं, लेकिन ये रिकमेंडेड इस तरह से नहीं है कि मैंने कह दिया तो आप इस तरह से ही करें, आप इसको अपने तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जनाब ये कुछ स्ट्रेटजीज थी जो आपने अपनी प्रिपरेशन के लिए करनी है, आपने अपनी प्रिपरेशन करते वक्त इन चीज़ों को जेहन में रखना है, पहले प्लानिंग थी फिर प्रिपरेशन थी, तीसरे नंबर पे प्रैक्टिस है। अब जारी बात है कोई भी पेपर जब तक प्रैक्टिस अच्छी तरीके से ना की जाए तो पेपर आपका पास नहीं होता। बोर तो नहीं हो रहे जी आप लोग, नींद तो नहीं आ रही, सही से बताइएगा आ रही है नहीं आ रही, फ्रेश है बिल्कुल, चलो ठीक हो गया। अच्छा अब जो प्रैक्टिस की स्ट्रेटजी है ये मिक्स एंड मैच अगेन फिर वही है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वो मैं थोड़ी सी आपको बता दूँ। एक तो शुरू में मैंने बात की थी कि पूरा पास पेपर आपने लेना है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी भी यही थी कि मैं क्वेश्चंस को खुद सर्च करूं। अब यहाँ पे बच्चों की अप्रोच क्या होती है, पास पेपर पकड़ लेते हैं और हाथ से लिखना शुरू कर देते हैं, ये चीज़ अप्रोच गलत है। आप करें क्या, आप क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ के उसके पैराग्राफ सिर्फ नोट डाउन कर लें बस। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आइज द 500 में से इस पैराग्राफ में से आंसर करना है, आइज द 620 में से इस पैराग्राफ में से आंसर करना है, पैराग्राफ के नंबर आप अपने पास नोट डाउन कर लें इस टाइम पे, क्योंकि मैं अगर अपने पैराग्राफ नोट डाउन कर लूँगा तो मैं बाद में एग्जामिनर का सलूशन देखूंगा। एग्जामिनर का सलूशन में जो उसने पॉइंट्स लिखे हुए हैं और जो मैंने पैराग्राफ में पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं वो दोनों मोर और लेस मैच करने चाहिए। अगर उसमें गैप आ रहा है तो फिर आप आइडेंटिफाई करें कि कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है या आप कुछ एरर कर गए, समझ गया बात को। तो आपने पूरा पास पेपर लेना है, उसमें से आपने सिर्फ पहले लिखना स्टैंडर्ड का नेम, वो नंबर आइज 500 है, 550 है, 560 है, 570 है, आपने फिर उसके अंदर पैराग्राफ नंबर लिखने है कि ये पैराग्राफ नंबर में से मैं इसका आंसर करूंगा, मेरा आंसर प्लान हो गया, यहाँ पे मेरी बात खत्म हो गई। बच्चों का दूसरा सवाल आता है इस तरह तो फिर हमारी राइटिंग स्पीड बेहतर नहीं होगी, तो उसके लिए एक हल है, वो हल क्या है कि एक दिन की एक स्ट्रेटजी है,
वो स्ट्रेटजी क्या है, आपने हर रोज़ाना बिला नागा एक पेपर देख कर लिखना है। एक पेपर से मुराद क्या है, आप स्टैंडर्ड ओपन करें, कोई भी स्टैंडर्ड का एक पेज ओपन करें, आपने एक पेज ओपन करके लिखना है, हाथ से लिखना है। उससे होगा क्या, एक जब जो बच्चे जिन बच्चों का एक एक पेपर रह गया है उनको तो बिल्कुल जारी बात है कुछ और लिखने का कोई चीज़ होती नहीं है, तो उनकी तो बिल्कुल आउट ऑफ द वे हो चुके होते हैं, उनको तो पता नहीं होता मैंने लिखना किस तरीके से है, तो उनका हाथ चलता नहीं है पेपर में जाके, एक तो वो हाथ चलना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो प्रॉब्लम बच्चे कहते हैं कि हमें पेपर में से जब देख बुक में से देख कर लिखते हैं तो हमारा टाइम मैनेज नहीं होता, तो उसकी रीज़न ये होती है आप पेपर में फर्स्ट टाइम बुक में से देख कर लिखते हैं, एक पेज आप 45 मिनट में लिखते हैं और वो एक पेज आप प्रैक्टिस करेंगे तो 10 मिनट के अंदर अपनी प्रैक्टिस को आप लेके आ जाएंगे। मैंने अपनी जब प्रैक्टिस स्टार्ट की थी अपनी अटेम्प्ट के अंदर तो मैंने 25 मिनट्स में एक पेज लिखा था पहला, लेकिन हर रोज़ाना एक पेज लिखता जाता था, एक जब आखिरी पेपर से एक 4-5 दिन पहले मैं 10 मिनट में एक पेज लिख रहा था। अब पेपर में आपको एक लिवरेज मिल जाता है, देखें मेरा पेपर मिसमैनेज क्यों होगा, पेपर इसलिए मिसमैनेज होता है आते हुए भी हम पूरा नहीं करके आते, गिला है कितने बच्चों को गिला है जी पेपर पूरा नहीं होता, देखिए सारों का ही होगा पेपर पूरा नहीं होता, उसकी रीज़न है, रीज़न क्या है कि हम पेपर के प्लानिंग नहीं करते, प्रिपरेशन उस तरीके से नहीं करते। अगर हाथ से देख कर लिखना आता हो तो आप 10 मिनट में पेपर एक पेज लिखते हैं तो मैक्सिमम कितने पेज लिखने पड़ेंगे आप बताएं, 10 पेज लिखने पड़ेंगे पूरे पेपर में, 10 पेज लिखने पड़ेंगे ना, तो 10 मिनट में 100 मिनट में डेढ़ घंटे में आप 10 पेज लिख सकते हैं, तो बाकी डेढ़ घंटा किस चीज़ के लिए, सोचने के लिए, पेपर को प्लान करने के लिए। अब इस चीज़ की आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, आपने किस तरीके से इसको डेवलप करना है, ये हैबिट्स हैं बेटा, मैं ये जो बातें कर रहा हूँ ये जनरल बता रहा हूँ, ये मैंने अपनी ज़ात पे भी अप्लाई करके देखी हुई है, ये वाली जो बातें मैंने यहाँ पे लिखी ये टोटली वो स्ट्रेटजी थी जो मैं खुद फॉलो करता था, और मैंने जिन जिन बच्चों को ये चीज़ बताई है और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। कई ऐसे लोग हैं जिनके 2005-2006 से पेपर रुका हुआ था मेरे, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो भी पास किया है, लेकिन किया क्या जी कि सिर्फ आपने प्लान करके चलना है किसी भी सब्जेक्ट को, ये सिर्फ यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ऑडिट के लिए ज़रूरी नहीं है, ये हर पेपर के लिए ज़रूरी है, हर थ्योरी के पेपर के लिए ज़रूरी है। आप देखें सारे पेपर ओपन बुक है, लॉ के पेपर ओपन बुक है, टैक्स का पेपर ओपन बुक है, BFD का ओपन बुक है, लेकिन मुझे आज तक ही मैं तो हमेशा बड़ा खुश होता था ओपन बुक को लेकर, लोग कहते हैं ओपन बुक में चांस नहीं होता, मैंने तो BFD का पेपर 80 मार्क्स का बुक में से देकर किया था। अब आप लोग कहेंगे किस तरह, वो मेरी स्ट्रेटजी थी, मैंने अपनी तैयारी उस तरीके से की थी, मैंने टेम्पलेट फॉर्मेट हर चीज़ मैंने अच्छे तरीके से तैयार की हुई थी, मुझे पता था कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी गई है, आई की बुक मुझे कम्प्लीट पता था इसमें कौन कौन से पैराग्राफ कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ टेम्पलेट बना के दिए गए, एग्जामिनर के पास भी ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज ही होते हैं ना, तो वो कोई जन्नत से ऊपर तो नहीं सवाल आ जाएंगे ना हमारे ऊपर, वो यहीं से सवाल बनेंगे तो वो वहीं से बनते हैं, तो जब आपको पता होता है तो आप एज इट इज़ वहाँ पे उसको कर लेते हैं जी। एनी जी आगे चलें जी, आगे वही बात है, डोंट गो फॉर द टॉपिक वाइज पास्ट पेपर, ये जिसको मैं सबसे ज़्यादा डिस्करेज करता हूँ यही बात है जी कि टॉपिक वाइज पास्ट पेपर आपने नहीं जाना। फिर एग्जाम सिनेरियोस के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, 2-3 स्टैंडर्ड्स को आपस में लिंक करें, पेपर में जब आप आंसर कर प्लान कर रहे होंगे तो आपने 2-3 स्टैंडर्ड्स को सोचना है, आपने लिंक करना है कि यार यहाँ पे ये सिचुएशन भी हो सकती है, यहाँ पे ये सिचुएशन भी हो सकती है। पहली दफ़ा आप हो सकते 3 चीज़ें गलत करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ आपकी ठीक होती चली जाएगी, फिर आप इस स्टेज पे आ जाएंगे कि फिर गलती के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे, फिर ज़्यादा गलतियाँ आपकी नहीं होंगी जी। फिर वही बात है जी, राइट एनी वन पेज ऑफ द ओरिजिनल स्टैंडर्ड इन 10-15 मिनट्स पर डे, दिस विल एनहांस योर स्पीड इन एग्जामिनेशन। आपको देख कर लिखना आ जाएगा पेपर में, आपको एक एडवांटेज होगा, एक लेवरेज होगा कि भाई मेरे पास तो टाइम है। नॉर्मली जब आपका टाइम शुरू वाले 2-3 सवालों में लग जाता है तो फिर आपको पूरा टाइम ही मिसमैनेज हो जाता है, एंड के ऊपर हम 20 नंबर छोड़ के आ जाते हैं, 15 नंबर गलत करके आते हैं, 65 मार्क्स का पेपर होता है उसमें से 30-40-45 मार्क्स इस तरह से आ रहे होते हैं। तो बेटा अपने पेपर को प्लान करना है, देखा प्लानिंग, मैं हमेशा एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, दैट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग किसी चीज़ की भी बहुत ज़रूरी होती है, हैपजर्डली कोई चीज़ नहीं होती, हवा में कोई चीज़ नहीं होती, ओपन एंडेड कोई चीज़ नहीं होती, हर चीज़ प्रॉपरली एक तरीके से ही होती है जिसको उस तरीके के मुताबिक ही लेकर चलना चाहिए। बाकी आखिरी जो पास की स्ट्रेटजी है, सिंपल बात है जी कि 10 घंटे पहले तो नहीं पढ़ना चाहिए, ये तो एक नॉर्मल फिनोमेना है, क्योंकि आप जब बार बार पढ़ते हैं तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, फिर आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, तो 10 घंटे पहले छोड़ दें, नहीं आता कुछ नहीं है, पेपर में आ जाएगा याद इंशाल्लाह, ठीक है जी। उसके बाद जो 15 मिनट रीडिंग टाइम है, इसके बारे में कुछ डिस्कशन है, इसके ऊपर फर्दर हम डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे भी इतने ज़रूरी नहीं है। तो अभी जो पास की स्ट्रेटजी है ये हम एंड पे डिस्कस करेंगे जब हम अपने सेशन को कंक्लूड कर रहे होंगे।
क्योंकि इसमें पेपर के अंदर बैठ के आपने किस तरीके से परफॉर्म करना है, पेपर में बैठ के किस तरह से सोचना है। मैंने अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पे लिख दिया है, जो पहले 15 मिनट होते हैं उसमें मैंने कम से कम अपने 4 to 5 क्वेश्चंस के आंसर प्लान कर लिए थे। इनके मैंने आंसर कहाँ से करना है मुझे ये पता था। मैंने क्या किया, उनके पेज फोल्ड कर दिए, यार यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, पेज फोल्ड कर दिए। लिटरली आप मानेंगे नहीं, मैंने अपने टाइम से पहले पेपर कर लिया था। बच्चे कहते थे पेपर बहुत लेंथी है, मैं कहता था पेपर बहुत छोटा था, क्योंकि मैंने 15 मिनट जो शुरू वाले थे उसमें 2-3-4 सवाल अच्छे तरीके से रीड कर चुका था। रिस्क असेसमेंट मेरी अप्रोच होती है, पहले नंबर पर अटैम्प्ट ना किया जाए, मेरी अप्रोच है। क्यों? उसमें लिखने के लिए बेइंतहा मटेरियल आपके पास, 20 नंबर होते हैं, आपको 35 मिनट 36 मिनट उसके लिए प्लान करने होते हैं, आप उसके ऊपर 1 घंटा 10 मिनट लगा देते हैं तो जो ऊपर वाला टाइम होता है वो आपके माइनस कर देता है बाकी नंबर्स को, फिर वो पेपर का जो प्रेशर होता है वो पैनिक करता आपको, फिर आप पेपर में परफॉर्म नहीं करते। तो मेरी अप्रोच क्या होती थी, 4th या 5th नंबर पर मैं रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन करता था, पहले इजी स्कोरिंग मार्क्स, आसान और जो अच्छे आते हैं वो देखें। शुरू वाला पेपर का शुरू वाला हिस्सा बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसमें आपको जो आपको बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं पहले वो करने चाहिए, फिर जो क्वेश्चन आपको थोड़े कम अच्छे आते हैं वो, फिर जो लेंथी क्वेश्चन है वो, और एंड के ऊपर फिर एक अच्छा क्वेश्चन आपको होना चाहिए ताकि पेपर का ओवरऑल इंप्रेशन आपका अच्छा हो। बेटा ये 4 P's स्ट्रेटजी थी जिनको आप अभी से बेशक फॉलो कर लें, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो करें। अगेन मैं इसको कोई किसी के ऊपर कंपल्शन तो नहीं है, अप्लाई करना चाहते हैं तो करें, लेकिन ये एक आजमूदा नुस्खा है, ठीक है जी। तो आजमूदा नुस्खा जो होता है ना वो नॉर्मली थ्रू करा जाता है, क्योंकि टाइम कम है आप लोगों के पास, आप लोगों ने पढ़ने हैं, बाकी पेपर्स भी देने हैं, सिर्फ ऑर्डर के पेपर नहीं है, तो आप लिमिटेड टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो डैट इज़ द बेसिक स्ट्रेटजी, आप इसके मुताबिक, मेरे मुताबिक 10 days आर मोर देन इनफ अगर आप डेडिकेशन के साथ बैठ के पढ़ें। जो ये सेशंस हमारे चलेंगे इनको अच्छे तरीके से देखें तो 10 दिन बहुत हैं आपका पेपर को पास करने के लिए, बाकी तो फिर 6 महीने भी पढ़ लें तो नहीं होता, साल भी पढ़ ले तो नहीं होता, होना तो वैसे भी हो जाता है। तो ये बेटा 4 P स्ट्रेटजीज हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ, इन्हीं के ऊपर हमारी अप्रोच चलेगी, इन्हीं को हम अपनी बेसिक्स को लेकर आगे चल रहे होंगे जी। अब इसके बाद जो हमारा एजेंडा आइटम है जी उसको हम डिस्कस करते हैं। 4 P's में किसी का क्वेश्चन जी, कोई सवाल, कोई आप इसमें अपनी तरफ से कोई समझते हैं कोई चीज़ ऐड करनी चाहिए या कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए वो आप ऐड कर सकते हैं उसमें। 2 मिनट का आपके पास टाइम है सबके पास सोचने के लिए। ले जी अभी एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं कि जो हमारे बुक्स हैं Volume 1 Volume 2 उसमें जी वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना चाहिए। उसमें जो आपका क्वेश्चन है कि कुछ क्वेश्चंस को वहाँ पे लिंक करना, तो मेरे मुताबिक तो हर स्टैंडर्ड में से ही लिंक होता है। चाहे रिस्क असेसमेंट करें तो वहाँ पे भी लिंकिंग बड़ी ज़रूरी होती है, वहाँ पे बिजनेस रिस्क की आइडेंटिफिकेशन, फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की उसके साथ लिंक, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लिंक सोचना, तो आपको रिस्क असेसमेंट में भी काफ़ी पड़ता है, क्योंकि वो पैट अगर हमने, अब जो दूसरी गलती रिस्क असेसमेंट में होती है वो प्रॉब्लम ये होती है कि हम बड़े जेनेरिक किस्म के रिस्क लिख के आते हैं, क्योंकि उसके रीज़न ये होती है कि हमने सिनेरियो के साथ कभी लिंक नहीं किया होता, तो वो सोच के ही लिखना होता है। अब वो 20 अब खुद अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की है या आप करते हैं तो आपको एक आइडिया होगा कि जो रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन है वो आपके 45+ मिनट ले जाता है, 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन होता है 1 घंटा ले जाता है, मिनिमम 1 घंटा लगता होगा। कितना टाइम लगता है जी आपको लिखे बगैर? आधा 1.5 घंटा जी। फिर प्रोसीजर्स हैं, आधा घंटा सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पे लग जाता है। तो बेटा उसके ऊपर आपके मेरे मुताबिक रिस्क वाले क्वेश्चन पेपर में 1 घंटा ले जाता है, क्योंकि आपको लिखने के लिए बहुत कुछ होता है।
आप फिर वो कहते हैं ना वो घोड़ा बगैर लगाम के भागना शुरू कर देता है, तो वो आप फिर उस समय भागना शुरू कर देते हैं, पेपर में बैठ के मैनेज नहीं कर पाते। इतना था, इससे ज्यादा था, 2.5 से 3 पेज से ज्यादा लिखना था उसमें। देखिए ये जो 15 मार्क्स मैंने 15 मिनट्स शुरू वाले रीडिंग टाइम है ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं आपको कम से कम 3 सवालों को प्लान करने के लिए। प्लान का मतलब क्या होता है कि मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किस तरह से करना है, क्वेश्चन को मैंने एग्जीक्यूट किस तरह से करना है और कंक्लूड किस तरह से करना है। मैंने स्टार्टिंग में, अब देखिए मेरे माइंड मैप है ना कि इसमें क्या क्या मसाइल हैं। फॉर लास्ट ईयर एक इम्पेयरमेंट थी, उस इम्पेयरमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया, वो पिछले साल में एरर है, उसके इम्पैक्ट इस साल भी है। अब ये एक मैप है, अब इस तरीके से मैंने आंसर प्लान करना है। तो कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं जो मुझे लास्ट ईयर के पॉइंट ऑफ से देखने हैं, कुछ प्रोसीजर मुझे इस ईयर के पॉइंट ऑफ से देखने हैं, कुछ मुझे एडिशनल रिक्वायरमेंट्स को देखना है। तो ये 3 तरीकों से मैंने इसको कंक्लूड करना था। अभी क्वेश्चन की डिटेल में नहीं जाऊँगा लेकिन एक जनरल बता रहा हूँ आपको। तो अगर मेरे जहन में एक मैप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले मौजूद होगा तो फिर मेरी जो एफर्ट्स हैं वो राइट डायरेक्शन में लग रही होंगी, फिर मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि यार मैं अब नॉर्मली होता क्या है। मैं बताता हूँ, पेपर में आप जब क्वेश्चन को एक दफ़ा रीड करते हैं उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, आधा पेज लिख लेते हैं तो समझ आता है यार इसमें तो एक और पॉइंट आ गया, तो जितना पीछे लिखा था वो गलत हो गया। आप कहते हैं चलो यार क्रॉस मार दो, चलो क्रॉस नहीं मारना, खैर है यार वो ठीक ही है, नीचे से यहाँ से लिखना शुरू कर दो, फिर आप दोबारा लिखना शुरू करते हो तो एक और पॉइंट नज़र आ जाता है। अल्टीमेटली जब आप आखिर तक पहुँचते हैं क्वेश्चन को कंक्लूड करने तक, तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर और फॉर्मेट सब कुछ चेंज हो चुका होता है। उसकी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम रिक्वायरमेंट को कम से कम 3 दफ़ा पढ़ें और क्वेश्चन की जो बॉडी है उसको 3 दफ़ा पढ़ेंगे तो फिर हमें समझ आएगा कि इस क्वेश्चन को लेकर किस तरह से चलना है। पहले क्वेश्चन को प्लान करना है। देखिए प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में, चाहे आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है या पेपर में बैठ के परफॉर्म करना है, प्लानिंग हर जगह पर आपको चाहिए। विदाउट प्लानिंग कुछ भी नहीं होता, वरना फिर आप हैपजडली लेकर चल रहे होंगे चीज़ों को। जी स्टैंडर्ड क्या होते हैं? हाँ आप इनका क्वेश्चन, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको आप बगैर खोले लिख लें, जहां पे आपको लगता है कि आपके पास नॉलेज अवेलेबल है तो वहां पे स्टैंडर्ड खोलने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल रिपोर्ट में कब क्वालिफाइड ओपिनियन देनी है, कब डिस्क्लेमर देना है, आप इसके लिए स्टैंडर्ड खोलने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल के स्कोप लिमिटेशन मैनेजमेंट की तरफ से क्रिएटेड है, उसकी इंपैक्ट सवेयर है, परसवेसिव है, तो फिर क्या करना है, स्टैंडर्ड खोलने की जरूरत नहीं है। गोइंग कंसर्न में मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो क्या करना है, स्टैंडर्ड खोलने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि गोइंग कंसर्न की अजम्पशन को असेस करने के लिए प्रोसीजर क्या लगाएंगे, तो वहाँ उससे क्या आपको सोचने के लिए टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड हो, सोचेंगे तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करने के प्रोसीजर क्या होंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होंगे, आपने कोई रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ली जो मैनेजमेंट ने आपको नहीं बताई हुई थी। अब ये ऐसे थ्रेटिकल क्वेश्चन हैं जिसके लिए आपको ज़रूर कोई नॉलेज खोल कर आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। मैं फिर रिकमेंड करूंगा, इवन जरूरी नहीं है कि आप एज इट इज वही लिखें, आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपने कंप्लीटनेस को जरूर इंश्योर करना है कि जो स्टैंडर्ड में 4 बातें लिखी थी वो आपने पूरी कर ली हैं। अब होता क्या कि 5 नंबर का सवाल होता है, 5 ही प्रोसीजर लिखने होते हैं, आप 2 प्रोसीजर लिखकर कंक्लूड कर देते हैं, 3 प्रोसीजर स्टैंडर्ड के अंदर मौजूद होते हैं जिसको आप इग्नोर कर देते हैं। बेशक अपनी वर्डिंग में लिखें, आसान अल्फाज में लिखें, लेकिन आप लिखें पूरा, उसकी कंप्लीटनेस इंश्योर कब होगी, जब आप स्टैंडर्ड को ओपन करके देखेंगे। अब जिस तरह से आई 710 और 510 का क्वेश्चन आया हुआ था, अब पेपर में अगर मैं मेरे मुताबिक जुबानी तो आंसर नहीं, मेरे मैं होता तो मैं जुबानी आंसर कभी भी ना करता। क्यों? क्योंकि मेरे मुताबिक वो क्वेश्चन एक डिटेल्ड क्वेश्चन था, उसमें काफ़ी पैराग्राफ थे, काफ़ी चीज़ों को लिंक करना था, तो बेहतर ये था कि पैराग्राफ नंबर मुझे पता होते, मैं वहाँ से जाके कॉपी पेस्ट कर लेता, आसान था। अब जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड ओपन नहीं किया, अपनी नॉलेज लिख के आए, वो मैं जनरल बताता हूँ, वो 5 पॉइंट में से 4 पॉइंट 3 पॉइंट लिख के आए, 2 पॉइंट मिस कर गए, जब 2 मिस करते गए तो छुट्टी होगी। अच्छा टू द पॉइंट और एक्स्ट्रा में मैं एक थोड़ा सा चीज़ बता दूं, अगर आपकी डायरेक्शन ठीक थी तो फिर
एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन उसने पूछा था कि लास्ट ईयर इंपेयरमेंट है और लास्ट ईयर का इंपैक्ट है, मैं उसको करंट ईयर मुताबिक करके आ जाऊँ तो कितने नंबर मिलेंगे? आधे भी नहीं मिलेंगे, 25% मिलेंगे। इंपैक्ट तो जरूर है लेकिन मैंने उस इंपेयरमेंट को कब कंसिडर किया? करंट ईयर में कंसिडर किया। अब जितना मर्जी मैं मटेरियल लिखता रहूँ नंबर कितने मिलने हैं? 25%। जब तक मैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर को प्लान नहीं करूंगा फिर प्रॉब्लम होगी। अब ज़्यादा ये काम कुछ नहीं होता, अब आपने अपने आंसर को जस्टिफाई करना होता है, आप जो बात कर रहे हैं उसको आपने कंक्लूड करना होता है। उसके लिए आप मेरे मुताबिक, अब जैसे रिस्क असेसमेंट की बात करते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। बच्चे कह देते हैं जी यहाँ पे सिर्फ इन्वेंट्री के अंदर ओवर वैल्यूएशन का रिस्क है, डेटर में ओवर वैल्यूएशन का रिस्क है। भाई क्यों रिस्क है? वहाँ पे एक बिजनेस का रिस्क है, गाड़ियाँ ख़राब हो गई थी, ब्रेक सिस्टम फेल हो गए थे, कंपनी की मार्केट में डिमांड खत्म हो गई थी। दीज आर द फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रिस्क बना है। आप पहले उस फैक्टर को लिखें, उस फैक्टर को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नॉलेज के साथ लिंक करें, फिर जाके बताएं कि इस वजह से इसमें ये वाला रिस्क मौजूद है। अब ये चार बातें लिखने के लिए कम अज़ कम 5 से 6 लाइनें तो लिखनी पड़ेंगी। अब आप में से बच्चे बताएं, जिन बच्चों ने पेपर अटैम्प्ट किया है, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो रिस्क के क्वेश्चन के अंदर रिस्क असेसमेंट की आइडेंटिफिकेशन के ऊपर 6-7 लाइनें लिखते हो? को बच्चे लिखते 6-7 लाइनें। अब आप अगर सिर्फ ये लिख के आ जाएंगे यहाँ पे ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क है या अंडर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी का रिस्क है, तो क्या आपको नंबर मिलेंगे वहाँ पे? कभी भी नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने अपने आंसर को जस्टिफाई नहीं किया कि मैं रिस्क क्यों आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि डेफर टैक्स रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ओवर स्टेटमेंट ऑफ डेफर टैक्स है, तो मैं किस तरह से जस्टिफाई करूँगा? मैं कहूँगा कि भाई कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, कंपनी की इक्विटी नेगेटिव है, कंपनी के पास कोई बिजनेस प्लान मौजूद नहीं है, कंपनी के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो इस वजह से ये फैक्टर जो कंपनी के क्वेश्चन में मौजूद हैं, आंसर क्वेश्चन में तो मौजूद होंगे, इस वजह से मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ कि यहाँ पे ओवर स्टेटमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट होने के चांसेज मौजूद हैं। आप देखें मैंने बिजनेस का रिस्क भी लिखा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज भी लिखा और फाइनली अल्टीमेटली कंक्लूड किया कि यहाँ पे कौन सा रिस्क है। अब जब तक आपके रिस्क असेसमेंट में ये 4-5 चीज़ें नहीं होंगी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। कल हम जो पूरी क्लास करनी है वो इसी बात के ऊपर है कि रिस्क आइडेंटिफाई करते हो कि क्या क्या बातें करनी है, किस तरह से करनी है, कौन सी करनी है। ठीक हो गया जी? जी एनी अदर? नो अदर? जी आगे चले, फिर आगे चले जी, थोड़े एक्टिव हो जाए। ब्रेक तो नहीं लेनी आप लोगों ने? ब्रेक ले ले। हाँ जी कितने हामी हैं ब्रेक के? ले जी 3-4 बजे हम ही हैं, बाकी तो नहीं है। ना ले जी ब्रेक, ऑनलाइन भी देख लेते हैं जी, ऑनलाइन पे कोई क्वेश्चन वगैरह कोई अगर हैं तो उनको भी जरा ले लिया जाए। फेसबुक पे मैं चेक कर लेता हूँ ज़रा। फेसबुक पे ख़ास कोई क्वेश्चंस मौजूद नहीं है तो हम आगे चल सकते हैं। ले जी आगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो ये है कि हमारी सर्विसेज कौन सी होती हैं, हम बीइंग ऑडिटर किस तरह के काम कर रहे होते हैं, अश्योरेंस और नॉन अश्योरेंस सर्विसेज कौन कौन सी हम दे रहे होते हैं, एक ये डिस्कशन है। दूसरा एक जेनेरिक स्टेप्स हैं कि जब आप ऑडिट करते हैं, जब आप ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन करते हैं तो उसमें आप किस किस्म के स्टेप्स को फॉलो कर रहे होते हैं। वो 5 स्टेप की एक्टिविटी है, उसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें आई बिलीव कि 1 घंटे में इंशाल्लाह हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। 9:30 बजे तक का टाइम है, 8:20 हो गए हैं तो हम ब्रेक लेते हैं 10 मिनट की। इसमें आप इशा की नमाज़ भी पढ़ लें, अगर टाइम तो हो गया होगा शायद, लेकिन यानी जी टाइम नहीं हुआ तो वेट कर लें, 10 मिनट की ब्रेक ले लें। 10 मिनट की ब्रेक के बाद दोबारा 8:30 पर हम मिलते हैं और फिर हम आखिरी 2 जो एरियाज़ हैं हमारे आज के दिन के, एक जो हमारी सर्विसेज, हम बीइंग प्रैक्टिशनर बीइंग ऑडिटर किस तरह की सर्विसेज दे रहे होते हैं उसकी डिस्कशन कर लेंगे और स्टैंडर्ड के साथ जाके लिंक कर लेंगे कि इसको इस स्टैंडर्ड के मुताबिक हम ये सर्विसेज दे सकते हैं, क्योंकि पेपर में जब तक मुझे स्टैंडर्ड्स का पता नहीं होगा तो मैं आंसर को अच्छे तरीके से प्लान नहीं कर सकूँगा। और दूसरे नंबर पर जो स्टेप्स इन ऑडिट हैं उसकी हम डिस्कशन कर रहे होंगे जी। 10 मिनट जी, ये मटेरियल मैं लिंक में इसके शेयर करवा दूंगा, जो मैं शेयर करवा दूंगा, जो पढ़ा है वो जो मटेरियल पढ़ा है मैं शेयर करवा दूंगा जी। वो 10 मिनट की ब्रेक है जी। कोई बात नहीं, बस 10 मिनट ब्रेक लेना।
नहीं जी, तो जो हमारा जो नेक्स्ट आगे एरिया है उसमें है कि हम बीइंग प्रैक्टिशनर किस तरह की सर्विसेज दे रहे होते हैं और उसमें कौन से आइजर्स हमारे जाके लिंक होते हैं जी। तो उसमें अगर देखा जाए तो सिंपली हमारे पास दो तरह की सर्विसेज होती हैं जी, या तो आपके पास अश्योरेंस सर्विसेज होती हैं या नॉन अश्योरेंस सर्विसेज होती हैं जी। नॉन अश्योरेंस में दो स्टैंडर्ड्स मौजूद है जी। आपके राइटिंग थोड़ी सी मेरी इस तरह की है तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आपने क्योंकि बेसिकली नोट पैड पर कभी यूज़ नहीं किया तो थोड़ा सा आपसे माजरत पहले जी। नॉन अश्योरेंस सर्विसेज में दो स्टैंडर्ड्स हैं जी आपके, एक आपका 4400 है वॉल्यूम 2 के अंदर और दूसरा 4410 है। एक कंपाइलेशन इंगेजमेंट का है और एक एग्रीड अपॉन प्रोसीजर इंगेजमेंट का है। ये दो स्टैंडर्ड्स आपके इसमें कवर होते हैं जिससे आपका ये एरिया कंप्लीट हो जाता है नॉन अश्योरेंस सर्विसेज का। वॉल्यूम 2 ओपन करेंगे तो नॉन अश्योरेंस के अंदर ये दो स्टैंडर्ड्स ही आपके आ रहे होते हैं। इसके अलावा जितनी आपकी सर्विसेज होती हैं वो अश्योरेंस इंगेजमेंट्स होती हैं। अब जब बात करते हैं अश्योरेंस इंगेजमेंट की तो इसमें फिर फर्दर दो तरह की आपकी अश्योरेंस इंगेजमेंट बनती हैं जी। एक आपकी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनती हैं और दूसरी बनती हैं जी अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये जो अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है इसमें आपकी 3000 सीरीज आपकी सारी कवर होती है जी। जो 3000 सीरीज है, 3000 इटसेल्फ हो गया आपका, 3400 हो गया, 3402, 3410, 3420, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये आपके अदर अश्योरेंस इंगेजमेंट में आते हैं जो अदर दैन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में मौजूद होते हैं। अब बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि पेपर में आपको पता होना चाहिए कि मैंने कब कौन सी सर्विसेज के लिए किस चीज़ को एक्टिवेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूं कि अगर आपको डेटर्स के ऊपर रिपोर्ट देनी पड़ जाए, डेटर्स कंपनी के डेटर्स हैं ना, उस पर रिपोर्ट देनी पड़ जाए तो कौन सी स्टैंडर्ड में से आप इसकी रिपोर्ट देंगे जी। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि रिपोर्ट अश्योरेंस की है या नॉन अश्योरेंस की है। अगर अश्योरेंस रिपोर्ट है तो फिर 805 है, अदरवाइज आप इसको 4400 में स्पेसिफिक प्रोसीजर्स के अंदर कवर कर सकते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए आपको, अगर वही बात है कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन है तो 3000 भी उस पर लग सकता है और 4400 भी लग सकता है। अगर अश्योरेंस है तो फिर 3000, अगर अश्योरेंस नहीं है तो फिर 4400। तो ये डिपेंडेंट होता है कि आप किस तरीके से उसको फॉलो करते हैं और किस रिक्वायरमेंट को किस तरीके से आप लेकर चल रहे होते हैं जी। इस तरह फिर अगर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखी जाए तो इसमें फिर अगर दो तरह की आपकी बनती हैं जी, फिर आपके एक बनते हैं जी इसमें आपकी जो रीजनेबल अश्योरेंस है जी और दूसरी बनती है जी आपकी लिमिटेड। लिमिटेड के दो स्टैंडर्ड हैं जी 2400 और 2410। 2400 वो है कि जिसमें आप कंपनी के ऑडिटर नहीं होते कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए और आप सिर्फ रिव्यू इंगेजमेंट कर रहे होते हैं तो फिर आप 2400 को फॉलो करते हैं, और अगर आप ही ऑडिटर हों और आप ही रिव्यू कर रहे हो तो फिर आप 2410 की रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हैं। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम कहाँ से इसका आंसर करें। बाकी आगे रीजनेबल अश्योरेंस हैं, इसमें आपकी जितनी जो आपके स्पेशल पर्पज़ फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं या आपके जनरल पर्पज़ के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं जो वॉल्यूम 1 के अंदर अप टू 800 सीरीज़ हैं वो आपके इसमें कवर होते हैं जी, रीजनेबल अश्योरेंस वाले एरिया के अंदर जाके जी। रीजनेबल अश्योरेंस जो आपकी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, अदर देन हिस्टोरिकल की बात नहीं कर रहा मैं, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। फिर इसमें फर्दर दो कैटेगरीज बनती हैं, एक आपकी जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं और स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस के लिए 800 सीरीज है जी और आपकी जनरल पर्पस के लिए अप टू 700 सीरीज के स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं तो फिर आपका सिलेबस इस तरह से कंप्लीट होता है। ये अगर वॉल्यूम्स की बात की जाए तो जो हमारे पास, अगर मेरे पास वॉल्यूम ओपन भी है तो मैं यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ जी।
ये वॉल्यूम वन है जी। वॉल्यूम वन में, वॉल्यूम वन की जो एप्लीकेशन है, जो मेजर एप्लीकेशन है, वो आपकी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर अश्योरेंस रिपोर्ट के लिए है। अश्योरेंस भी कौन सी? रीजनेबल अश्योरेंस के लिए। तो ये उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं ये सारे मौजूद हैं जी, सारे यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं साथ साथ, जिसमें 4.0 to 500 सीरीज़ है, 600 सीरीज़ है, फिर आपकी 700 सीरीज़ और 800 सीरीज़ मौजूद हैं। ये सारे आपने यहाँ से देख कर करने हैं। फिर जो आपके बाकी कोड ऑफ एथिक्स का वर्जन है वो 2019 का एप्लीकेबल है, इसके लिए 2018 है, लेकिन एक रिक्वायरमेंट में 2020 का स्टैंडर्ड भी लगा हुआ है। तो हम दोनों को डिस्कस कर लेंगे कि डिफरेंसेस क्या हैं, ताकि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। एनीवे जी, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम फर्दर और नहीं लगाते, हम आगे चलते हैं। आगे हमारा एक एरिया छोटा सा रह गया है, उसके बाद हम अपनी क्लास को कंक्लूड करेंगे, डैट इज़ द ऑडिट स्टेप्स। ये कैफ के लिए बनाए थे मैंने, लेकिन मिलते जुलते एक जैसे ही हैं जी, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो कैफ पे हैं वही यहाँ पे भी हैं। नज़र आ रहा है यहाँ पे इतना आपको? जैसे स्क्रीन और बड़ी कर दूँ, क्लियर है यहाँ पे? अच्छा जी, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब हम बात करने जा रहे हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर रीजनेबल अश्योरेंस की। अब जो रीजनेबल अश्योरेंस है, अब बेसिकली जो ऑडिट आप करते हैं, वो ऑडिट किन स्टेप्स में से गुजर के कंप्लीट होता है, इसके लिए बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात, यानी कि मैं हमेशा जो इस की एग्जांपल के साथ एक लिंक करता हूँ, हमेशा लिंक वही एक एग्जांपल करता हूँ। ये जो ऑडिट के पांच स्टेप्स हैं, ये शादी के भी पांच स्टेप्स यही हैं। किसी ने शादी करनी हो ना, पांच स्टेप्स ही फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक हो गया जी, अब आप लोगों के जहन में सवाल आएंगे कि किस तरह से, लेकिन आपको मैं लिंक करवा देता हूँ। देखिए जी, मैंने पांच स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं। पहला स्टेप है जी इंगेजमेंट को सेटअप करना, दूसरा स्टेप है प्लानिंग द ऑडिट करना, तीसरा स्टेप है प्रोसीजर टू परफॉर्म, चौथा स्टेप है स्पेसिफिक प्रोसीजर बिफोर इश्यूएंस ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, पांचवा स्टेप है ऑडिट रिपोर्टिंग एंड पोस्ट ऑडिट इवेंट्स। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, वहीं से स्टार्ट करता हूँ। किसी की कोई प्रपोजल आता है तो प्रपोजल सर्च किया जाता है। प्रपोजल सर्च करने के ऑप्शन होती हैं, या तो आपका कोई जान पहचान वाला बंदा है वहाँ से कोई प्रपोजल आ जाएगा, या किसी जो रिश्ता सेंटर्स होते हैं, मैरिज ब्यूरोज़ होते हैं, वहाँ से आप किसी से कांटेक्ट करेंगे, वहाँ से कोई रिश्ता आ जाएगा। ऑडिट किस तरह से आता है? ऑडिट भी इस तरह से ही आता है। देखें, या तो आपका कोई पर्सनल रेफरेंस है, कोई लिंक है, तो वहाँ से आपको, मैं गोल्फ खेलने गया, वहाँ पर मुझे कोई बंदा मिल गया बिजनेस मैन, उसने कहा जी मैं ऑडिट करवाना है, तो मुझे ऑडिट भी वहीं से फिर मिला, उन्होंने वहाँ से कहा ठीक है जी मेरे कंपनी का ऑडिट कर दें, वहीं से आया ना। आप देखें दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल के एक बाहर के मुल्क में कंपनी है, उसका एक लोकल ब्रांच ऑफिस है, उस बाहर की कंपनी ने कहा कि आपने स्पेसिफिक फर्म से ही ऑडिट करवाना है, क्योंकि मैं वहाँ पे भी इसी से ऑडिट करवाता हूँ। अब एक तरीके का क्या बन गया, उसका लिंक एक स्पेसिफिक एसोसिएशन के साथ बन गया, तो इसलिए उसको ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट कर लिया गया। अब दूसरी बात आती है, जब भी कोई प्रपोजल आता है तो क्या आंखें बंद करके एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्या किया जाता है? देखिए, किसी का कोई प्रपोजल आया है, आप जिस किसी के आए भी होंगे, मतलब कोई शादीशुदा भी बैठे हुए हैं बीच में, तो अब जब बच्चे ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं या जिनके को प्रपोजल्स आए थे या आए हुए हैं, किस तरह से एवेल्युएट करते हैं? सबसे पहले देखा जाता है भाई, जो जैसे प्रपोजल आया, क्या वो एथिकली साउंड बंदे हैं या नहीं है, कोई उनके ऊपर कोई करप्शन का कोई एफआईआर वगैरह तो नहीं कटी हुई, सोर्स ऑफ इनकम उनके ठीक हैं या नहीं है, पूछते हैं ना, क्यों सवाल करते हैं? जिंदगी का मामला है या नहीं है, जिंदगी का मामला है ना। तो आपने जब जिंदगी का मामला गुजारना है तो आपको पहले पता होना चाहिए ऑडिट में क्या होता है। आप जरा लेके आए कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट को। कोड ऑफ एथिक्स क्या कहते हैं कि भाई क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले कुछ काम करने हैं, क्लाइंट के बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी है, बिजनेस के एथिक्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी है, फिर और क्या करना है, जो क्लाइंट के की मैनेजमेंट पर्सोनल्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो क्लाइंट के मेजर शेयर होल्डर्स हैं, जो बेनिफिशियल ऑनर्स हैं, उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करें कि क्या वो एथिकल बंदे हैं भी या नहीं है। आप एक छोटा सा बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं बैंक में, तो बैंक आपका KYC करता है, आपके ऊपर वर्ल्ड चेक्स के फॉर्मूला लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि वो आपके साथ बिजनेस की ट्रांजेक्शन में एंटर होने जा रहा होता है, क्योंकि उसने आपके साथ आके बिजनेस की डील करनी होती है, आपके बिहाफ पे डिपॉजिट रखने होते हैं, आपके बिहाफ पे उसने आपकी रिसीट्स को लेके आना होता है। अल्टीमेटली अगर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आप खुद इन्वॉल्व है बींग कस्टमर, तो बैंक भी इन्वॉल्व हो गया फिर। तो अगर बैंक ने आपके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ली थी, बैंक ने आपकी ट्रांजेक्शन के नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ली थी, और कोई गलत काम हो जाता है, तो जितने आप जिम्मेदार हैं उतना आपका बैंक भी जिम्मेदार है।
तो सेम लाइक इन दिस केस कि जब हम ऑडिट इंगेजमेंट को लेते हैं तो खाली ऑडिट इंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बल्कि ऑडिट इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स भी देखे जाते हैं। अच्छा चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ। आप अक्सर कहा देखते हैं कि कोई प्रपोजल आते तो उसके लिए ना कुछ रेफरेंस चेक किया जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में कोई बंदा जॉब करता है तो उसके बारे में वहाँ जॉब कोई इसी से पूछ लेंगे यार ये बंदा कैसा है, क्यों रेफरेंस चेक करते हैं। अल्टीमेटली तो आपने उसके साथ एक रिलेशनशिप में जाना होता है। सेम ऑडिटर भी इस तरह करता है या नहीं करता? प्रीडिसेसर ऑडिटर से क्यों कम्युनिकेशन होती है? रेफरेंस चेक के लिए होती है ना। कोई मसला मसाइल तो नहीं है भाई मुझे एक्सेप्ट करने से पहले? आप बता दें अगर मसला है तो मैं एक्सेप्ट कर लूँ या ना करूँ। ये बात समझ आई आपको? पहला स्टेप, दोनों स्टेप्स के साथ लिंक हो गया आपका, किसी को इतराज तो नहीं यहाँ तक। फिर बात आती है आगे कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक हो गया जी। लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस्लाम की बात करूँ, इस्लाम में है कि जनाब आपने जो भी रिश्ते करने हैं जिस तरीके से करना है उसका एक प्रोसीजर है अपना, वो एक कानून है ना, उस कानून को आपने फॉलो करना है। इस तरह से आप जब ऑडिट करते हैं तो ऑडिट में भी एक कानून है। वो कानून क्या है? कंपनीज एक्ट का। कंपनीज एक्ट में क्या लिखा गया है कि भाई आपने जब क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है तो ऑडिटर की क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन को भी आपने देखना है कि आप बींग ऑडिटर क्या क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैं या नहीं है। बात समझ आती है? फिर उसमें और फर्दर आता है कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है, कैसे होती है, वो सारी बातें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। अभी हमारा तल्लक क्लाइंट के साथ बना नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, क्या ये काम किए बगैर मैं टीम भेज सकता हूँ क्लाइंट के ऊपर? नहीं भेज सकता, क्योंकि ऑडिट उस वक्त तक नहीं स्टार्ट हो सकता जब तक मेरी इंगेजमेंट सेटअप नहीं हो जाती। इंगेजमेंट सेटअप से मुराद क्या है कि मुझे अपने क्लाइंट को ऑडिट स्टार्ट करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स को फॉलो करने हैं, जो फॉलो किए बगैर मैं आगे नहीं चल सकता। तो उसमें सबसे पहले क्या है जी? सर्च फॉर द एंगेजमेंट। एंगेजमेंट को सर्च किया जाए, क्लाइंट को लेके आया जाए। जब क्लाइंट आ जाता है तो लीगल रिक्वायरमेंट्स को देखो कि लीगल रिक्वायरमेंट्स को हम फुलफिल करते हैं या नहीं फुलफिल करते। अगर लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं तो फिर देखें क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस के प्रोसीजर। अगर फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हैं तो क्लाइंट एक्सेप्टेंस होगी, अगर आरआईडी आप कर रहे हैं तो क्लाइंट कंटिन्यूस भी होगी। तो दोनों काम आप देख रहे हैं, एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस के प्रोसीजर कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक आप फॉलो करते हैं या नहीं करते। कंप्लायंस विद अदर एथिकल रिक्वायरमेंट्स, वो जो प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ कम्युनिकेशन है, एनओसी है, वो चीज़ें हैं, वो सारी आप देख लें कि क्या फॉलो होती हैं या नहीं होती। फिर अल्टीमेटली आप क्या करते हैं, टर्म्स को जाके डॉक्यूमेंट करते हैं। शादी होती है तो कहते हैं ठीक है जी, जो टर्म्स कंडीशन है आप अपनी बता दें। वो कहते हैं जी इतना जेज चाहिए, ये कहते हैं इतना हक मेहर होगा, ये करेंगे वो करेंगे, दूध पिलाई की रस्म होगी, ये रस्म होगी, नहीं होगी, कहाँ पे शादी करनी है, कौन से खाने देने हैं, कैसे करने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सारी बातें होती हैं। होती हैं या नहीं होती? होती हैं ना। इवन इसमें से कुछ गलत रसूमात भी हैं, उन गलत रसूमात को क्या करना चाहिए? निकाल देना चाहिए। इसी तरह जनाब ऑडिटर के लिए भी कुछ इंगेजमेंट की कुछ टर्म्स होती हैं जिनको कहा जाता है इंगेजमेंट लेटर। इंगेजमेंट लेटर जब तक साइन नहीं होता आप क्लाइंट की इंगेजमेंट को स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग होती है बिटवीन द ऑडिटर एंड द क्लाइंट। डन हो गया जी। तो इंगेजमेंट लेटर फिर आप देखते हैं, इंगेजमेंट लेटर की साइनिंग का प्रोसीजर चलाते हैं। फिर इसके बाद मैंने लिखा टीम कॉम्पिटेंसीज एंड कैपेबिलिटीज़। अल्टीमेटली ये कुछ रिक्वायरमेंट्स आपकी कोड ऑफ एथिक्स में भी हैं। जाहिर बात है जब क्लाइंट एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो एक क्लाइंट की स्क्रीनिंग होती है, दूसरी अपनी फर्म की स्क्रीनिंग होती है, एक क्लाइंट एथिकल है या नहीं है, टीम के पास कॉम्पिटेंसीज हैं या नहीं है, हमारे पास उस तरह का स्किल सेट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक ऑडिट लेने के लिए आगे आ जाता हूँ और मेरे पास टीम ही ना हो, मैं उस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल ही ना करता हूँ, तो फिर क्या मैं ऑडिट कर सकता हूँ? मैं ऑडिट तो नहीं कर सकता। तो उन चीज़ों को भी आपने देखना है, वो चीज़ें भी आपने कंट्रोल में लेके आनी है। फिर अदर क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें आपकी जो मेजर रिक्वायरमेंट होती है, अगर लिस्टेड कंपनी है तो EQCR इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की अपॉइंटमेंट होती है, वो आपने देखनी होती है। टीम की रिव्यू और डायरेक्शन किस तरह से लेके चलना है, मॉनिटरिंग किस तरह से करनी है, वो सारे क्वालिटी के जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने होते हैं, उनको भी आपने अपनी मद्देनजर रखना होता है क्लाइंट को शुरू करने से पहले। तो जब ये सारे पांच के पांच स्टेप्स हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाती है, आपकी इंगेजमेंट सेटअप हो जाती है। इसी तरह से ये एक उस तरीके का काम है कि एक इंगेजमेंट हो जाना है, एक मंगनी होगी जी, एक मंगनी होगी, इंगेजमेंट होगी। इसका मतलब ये है कि आपका क्लाइंट के साथ तल्लक बनना शुरू हो गया है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर तो अभी तल्लक बनना है, उस तल्लक के जो एंड डिलीवरेबल क्या है, निकाह। इस केस में क्या है, ऑडिट रिपोर्ट, उसमें भी साइन होते हैं, इसमें भी साइन होते हैं। देखें दोनों पार्टीज़ के साइन होते हैं, निकाह नामे पे दोनों पार्टीज़ के एक पेपर पे साइन होते हैं, यहाँ पे अकाउंट्स पे मैनेजमेंट के साइन होते हैं, रिपोर्ट पे ऑडिटर के साइन होते हैं, है तो वही चीज़ ना। तो अल्टीमेटली तो निकाह बाउंड्री चीज़ें अभी तक चल रही हैं। एनीवे जी, अब अल्टीमेटली आपने क्या करना है,
ऑडिट रिपोर्ट देनी है एंड डिलीवरेबल आपने ऑडिट ओपिनियन देनी है। ऑडिट ओपिनियन देने के लिए आपने एंगेजमेंट को सेटअप किया, अब क्या करेंगे पहले स्टेप के ऊपर, ऑडिट को प्लान करेंगे। क्या करेंगे जी? ऑडिट को बोले ना यार, ऑडिट को प्लान करेंगे। प्लानिंग क्या होती है? देखिए मैंने आपको जो आज के दिन का सेशन था वो ज़्यादा फोकस किस पे था? प्लानिंग पे। प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्लानिंग के बाद ज़िंदगी आसान हो जाती है। मैं जनरल बता रहा हूँ, आप देखें शादी का फंक्शन करना हो ना, मुझे पता हो कि मैंने खाना कौन सा देना है, हॉल कहाँ पे बुक कराना है, फंक्शन कौन कौन से करने हैं, किसकी क्या ड्यूटी होगी, कब कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना, किस तरीके से लोगों को इनवाइट करना है, कौन से कार्ड बनवाने हैं, कौन से कार्ड नहीं बनवाने, तो क्या शादी ठीक तरीके से एग्जीक्यूट होगी, होगी या नहीं होगी? बोले ना यार, नहीं होगी। इस तरह फॉर एग्जाम्पल आपका ऑडिट पार्टनर आके बैठ जाता है, कहते ले फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल्स आपने दे दिए, पार्टनर जाके अकाउंटिंग पॉलिसी पढ़ता है, उसमें लिखा हुआ है कि कंपनी के जो मॉडल है वो फेयर वैल्यू मॉडल है, फिक्स एसेट्स के लिए रिवेल्यूशन मॉडल हम यूज़ करते हैं, रिवेल्यूशन मॉडल हमारा है, और अकाउंट्स के अंदर एक डिस्क्लोजर आ रहा है जिसमें लिखा गया लास्ट रिवेल्यूशन 2015 में हुई थी, लास्ट रिवेल्यूशन 2015 में हुई थी, अब कौन सा ईयर चल रहा है 2022। पार्टनर कहता है ओ भाई ये क्या कर दिया है, तुम तो नॉन कंप्लायंस में हो स्टैंडर्ड की, आप बताएं क्या करें, कौन जिम्मेदार है? चले बताएं, ऑडिट पार्टनर जिम्मेदार है? नहीं है। टीम जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है आप बताएं, किसकी जिम्मेदारी थी? आपने आइडेंटिफाई किया बिंग ऑडिटर, देखें आप फिर ऑडिट किस चीज का करने गए? देखें अब हुआ क्या, जब ऑडिट फाइनलाइजेशन स्टेज में बैठा हुआ था, जब ऑडिट रिपोर्ट साइन होने जा रही थी, तो उस वक्त एक चीज आइडेंटिफाई हो जाती है कि भाई कंपनी ने तो रिवॉल्यूशन ही नहीं करवाई हुई, और लास्ट रिवॉल्यूशन 7 साल पहले हुई थी। स्टैंडर्ड कहता है 3 से 5 साल, इससे पहले भी हो सकती है। हम क्या है, हम इस स्टैंडर्ड की नॉन कंप्लायंस में है। अब इस केस में क्लाइंट तो जो भी है इन्वॉल्व है या नहीं है, क्लाइंट की गलती है या नहीं है, ऑडिट टीम के अंदर सबसे बड़ा कल्प्रिट ऑडिट पार्टनर है। क्यों? क्योंकि जब क्वालिटी कंट्रोल की बात की थी तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए डायरेक्शन किसने देनी है? पार्टनर ने। सुपरविजन किसने करनी है? पार्टनर ने। रिव्यू किसने करना है? पार्टनर ने। अल्टीमेटली बाकी जो क्वालिटी के स्ट्रक्चर्स हैं उसको किसने मेयर करना है? पार्टनर ने करने हैं। आप पेपर में ये सवाल आ जाए इस तरह से, आप कह देंगे जनाब ऑडिट का मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है, ऑडिट का डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। होते सारे रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वो बंदा है जिसकी जिम्मेदारी थी अपनी जिम्मेदारी को एग्जीक्यूट करना, उसने अपनी जिम्मेदारी को एग्जीक्यूट नहीं किया तो ये प्रॉब्लम आई है। तो जनाब प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है। अब इस तरह से और एग्जाम्पल लें, आप कंपनी के वही बात, ऑडिट पार्टनर आया, उसने फाइनेंशियल लिया, फाइनेंशियल भी आ गए, थोड़ी देर बाद खबरों में एक खबर आती है कि भाई जो कंपनी है इसके ऊपर एक साइबर अटैक हो गया और सारे का सारा डाटा थेफ्ट हो गया। अब आप ऑडिट रिपोर्ट साइन करने जा रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट की साइनिंग से पहले ये चीज आपके सामने आ जाती है, आप बताएं क्या जब आप ऑडिट प्लान कर रहे थे तो आपने आईटी एनवायरनमेंट को अंडर कंसिडरेशन लेके आए थे? क्या आपने आईटी कंट्रोल में जीआईटीसीज को टेस्ट किया था? अगर जीआईटीसीज को टेस्ट किया था तो उसके रिजल्ट्स क्या थे, इफेक्टिव थे या नॉन इफेक्टिव थे? अगर इफेक्टिव थे तो क्या आपने आईटेक्स परफॉर्म किए हैं, आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल्स? अगर आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल परफॉर्म किए थे तो उनका रिजल्ट क्या निकला? आज ये जो काम हुआ है ये तो जीआईटीसी का फेलियर है, तो आप किस तरह से कह सकते हैं जीआईटीसी आपके इफेक्टिव हैं? या आपने जा तो आपने जीआईटीसी को परफॉर्म नहीं किया, जनरल आईटी कंट्रोल्स को परफॉर्म नहीं किया, या परफॉर्म किया और गलत किया है? अब देखें ये चीज़ कब मुझे पता चल रही है आके, जब मैं ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज कर रहा हूँ, या हो सकता है मैंने ऑडिट रिपोर्ट भी दे दी है जब एक क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड की तरफ से रिव्यू करने आए, या ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड की तरफ से रिव्यू करने आए, उन्होंने मेरी ऑडिट की फाइल पकड़ी और ऑडिट फाइल पकड़ कर देखा कि भाई आपने ऑडिट की अप्रोच क्या बनाई थी। मैंने कहा जी मैंने तो आईटी कंट्रोल को टेस्ट ही नहीं किया ऑल टुगेदर, हु इज कल्प्रिट? किसकी जिम्मेदारी थी? पार्टनर की, इंगेजमेंट टीम की जिम्मेदारी थी, इंगेजमेंट टीम ने करना था। एंड हु इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑल एक्ट? ऑडिट पार्टनर। डायरेक्शन उसने देनी थी, रिव्यू उसने करना था, सुपरविजन उसने देनी थी, वो अपनी ड्यूटीज को सर अंजाम देने में नाकाम रहा, आज वो ही जिम्मेदार है। बाकी तो ठीक है जिम्मेदार है ही है, लेकिन वो मेन जिम्मेदार है। इसी तरह आगे चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल के मैंने एक होता है एंटिटी एंड एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग। मैं इसमें हमेशा एक बड़ी बात कहता हूँ कि जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो आपके ऑडिट में भी जाके लिंक होती है। किस तरह से? कभी आपने सोचा है पेस्ट एनालिसिस हमें ऑडिट में किस तरह से लिंक करता है?
जी ऑडिट के, ऑडिट के रिस्क के ऊपर जाकर आइडेंटिफिकेशन, किस तरह से? फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, डॉलर की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, रिसेशन बहुत ज़्यादा इकॉनमी का चल रहा है, आपके जो एक्सचेंज रेट हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके इंटरेस्ट रेट आपके कंट्रोल में नहीं है, अल्टीमेटली इससे क्या होगा, कंपनी के ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा। उस इम्पैक्ट कहाँ पर जाके इनबिल्ट होगा? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर जाकर उसका इम्पैक्ट आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास पैसे नहीं है, लिक्विडिटी कंसर्न्स आ गए, या डॉलर की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं, अब कंपनी की सारी हाई इंपोर्ट, या कंपनी गवर्नमेंट इंपोर्ट ही बंद कर दी एग्जांपल के तौर पर, हमारे रिलेशनशिप अपने हमसाया मुल्क के साथ अच्छे नहीं चाह रहे थे, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट बंद कर दी, मेरा टोटली रिलायंस है किसके ऊपर है, इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर है उस कंट्री की, अब क्या कंपनी मेरी चल पाएगी? तो बताएं पोलिटिकल फैक्टर ने क्या जाके लिंक किया, गोइंग कंसर्न को हिट किया, किया या नहीं किया? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें, अब जहाँ पर देखें हर दूसरे दिन एक नया फ़ोन आ रहा होता है, नए से नया मॉडल आ रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल जिस कंपनियों ने अपने आप को अप टू डेट नहीं किया विद द न्यू टेक्नोलॉजीज, आज वो एग्जिस्ट भी नहीं कहीं पे करती। आपके सामने एग्जांपल्स हैं, नोकिया के छोटे फ़ोन आते थे, नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, एडवांसमेंट नहीं की, उसने एंड्रॉयड के साथ जाके कोलैबोरेशन नहीं की, आज एग्जिस्ट भी कहीं नहीं करते। वंस दे वर द मार्केट लीडर, आज वो कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करते। मौजूदा दौर की एग्जांपल ले लें, आपके सामने कई एग्जांपल्स आएंगे, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक फ़ोन आया था, एक नोट फ़ोन था, उसको जब एयर प्रेशर में लेके जाते थे या थोड़ा मतलब आप जहाज़ में लेके गए हैं या कहीं पे एयर प्रेशर में आया तो एक्सप्लोड हो जाता था, अल्टीमेटली टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट थी, आज आपको नोट 7 कहीं नज़र नहीं आएगा, आता है नज़र, उसकी वजह से कितना इम्पैक्ट आया होगा, रिफंड लाइबिलिटियाँ भी देनी पड़ी होंगी, फाइन एंड पेनल्टीज़ भी देनी पड़ी होंगी, कितना कुछ लेके चलना पड़ा होगा आपको, एक छोटी सी मिस्टेक थी या एरर था जो भी था। इसी तरह आपके सोशल ट्रेंड्स हैं, फॉर एग्जांपल आप आज से कोई अपने दौर की एग्जांपल ले लें, आप सारे 90s के, तो कुछ 90s के किड्स होंगे, कुछ जो है वो 2000 सेंचुरी पास पार करके आगे आए होंगे, तो वो एक आती थी छोटे छोटे दानों वाली पिस्तौलें आती थी ईद के ऊपर, बड़ी वो लगाती थी, वो जो लोड करके मारते थे, ऐसा सा ट्रेंड खत्म हो गया है। क्यों ट्रेंड खत्म हुआ है? सोशल चेंजेस आ गई हैं, अब लोगों के जो ट्रेंड है वो मोबाइल के एप्लीकेशंस के ऊपर चला गया है, आपकी उसके ऊपर नहीं रहा। अब एक वो आती थी शबरात के ऊपर, वो गोल रिंग वाले होते थे पटाखे, वो पिस्तौल में डाल के टक 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 करना, तो वो जनाब बजते थे, ठीक है, याद है ना आप लोगों को? आप देखें कहीं नज़र आते हैं आपको, क्यों नहीं नज़र आते? अब मोबाइल के ऊपर जनाब पबजी चल रही है ना, आप देखें, आप ट्रेंड चेंज हो गया। अब एक कंपनी थी, उसका काम ही सिर्फ वो पिस्तौलें बनाना था, आज वो कहीं एग्जिस्ट करती है, क्यों नहीं एग्जिस्ट करती? सोशल ट्रेंड में चेंज आ गया, समझ गया बात को। इस तरह बेटा जो आपके इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो आपके पेस्ट एनालिसिस हैं, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हैं, वो अल्टीमेटली जाके बिजनेस के रिस्क को हिट करते हैं और वहां से आपको ऑडिट का रिस्क जनरेट होता है। अब बीइंग ऑडिटर ऑफ द कंपनी, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस के रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उस बिजनेस के रिस्क के साथ ऑडिट के जो रिस्क हैं उसको जाके लिंक करना। कभी आपने पोर्टर 5 फोर्सेस को नहीं लिंक किया होगा, कभी स्वॉट एनालिसिस को लिंक नहीं किया होगा, ये सारे जो आपके एनालिसिस होते हैं ये जाके ऑडिट के रिस्क के साथ जाके लिंक होते हैं। अल्टीमेटली बिजनेस का रिस्क है, उस बिजनेस का रिस्क का लिंक किसके साथ है? ऑडिट के रिस्क के साथ है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने एंटिटी के एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड ही नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ जी आपको शुगर सेक्टर की, ये बड़ा शोर मचा होता है कि शुगर सेक्टर में ये हो गया, शुगर सेक्टर में वो हो गया, कभी सोचा है कि क्यों होगा? आप शुगर सेक्टर के अपने डायनामिक्स हैं, इसमें जो कस्टमर्स होते हैं जो आपकी शुगर परचेज करते हैं, कंपनियों से डायरेक्ट कस्टमर जाके परचेज नहीं करता, उनके हर शुगर मिल के 3 से 5 या मैक्सिमम 10 कस्टमर होते हैं, वो पूरी के पूरी जो प्रोडक्शन होती है वो उनको सेल होती है, वो आगे मार्केट में उस स्टॉक को होल्ड करते हैं और आगे जाके फिर अपनी मर्जी से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये उस फैक्टर के, उस इंडस्ट्री के डायनामिक्स हैं। अब मुझे इस डायनामिक्स की वजह से एक रिस्क नज़र आता है, वो क्या है? फिक्टिशियस सेल का, क्योंकि ज़्यादा कस्टमर बड़े थोड़े थे। अब यहाँ पे मैं अपनी मर्जी की सेल मर्जी को कर दूँ, या मैं मार्केट के डायनामिक्स को चेंज करने के लिए एक ही बंदे को सेल करके सारी चीनी अपने पास सेल बुक कर दूँ, अल्टीमेटली जो चीनी को होल्ड करके बैठा हुआ वो फॉर आप होल्ड करके बैठे हैं, आप अपनी मर्जी से उसमें से रिलीज करेंगे चीनी, आप मार्केट में डिमांड सप्लाई को मैनेज करेंगे, प्राइसेस आप ऊपर लेके चले जाएंगे, बात समझ आइए। इस तरह अब एग्जांपल लें, कुछ इंडस्ट्री की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है जिसका हमें पता होना चाहिए। फॉर शुगर के अंदर रिकवरी रेट्स होते हैं, फॉर स्क्रोस का रिकवरी रेट कितना है, बिगास का रिकवरी रेट कितना है, मोलेसिस का रिकवरी रेट कितना है, आपको मड का रिकवरी रेट कितना है, ये रिकवरी रेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर एक शुगर मिल है उसकी रिकवरी रेट 10% है,
जो उसकी एक रिपोर्ट आती है, RT4 रिपोर्ट, उसमें लिखी होती है। अब अगर शुगर मिल उसको 9% दिखा दे तो आप सोचें 1% से क्या फ़र्क पड़ता होगा। शुगर की जो रिकवरी रेट है नॉर्मल 10% चलती है और कंपनी की है भी 10%, कंपनी उसको 9% दिखा देती है, क्या इम्पैक्ट आएगा सोचें ज़रा। बिलियंस का इम्पैक्ट आ सकता है। अगर एक किसी कंपनी ने अगर 1 मिलियन टन शुगर केन प्रोडक्शन की है, क्रशिंग जो है वो 1 मिलियन शुगर टन है जी। एक मिनट ठहरिए जी, मैं ज़रा इसको उसमें ओपन कर लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जी देखें, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने 1 मिलियन टन शुगर केन को क्रश किया, 1 मिलियन टन का मतलब 1000 kg हर एक में होते हैं, मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई पर मैं कहता हूँ कि 10% की उसमें से रिकवरी रेट है, मल्टीप्लाई बाय उसको कर दें आप 100 के साथ, तो तकरीबन ये कोई 10 बिलियन के करीब करीब अमाउंट बनती है, 10 बिलियन बनतेगा। अब यही सारे फैक्टर्स लें, ये 1 मिलियन टन है, ये 1000 है, ये 10% की जगह पे 9% है, रेट वही 100 है, तो कितना बना जी 9 बिलियन। अब बताएं 1 बिलियन किधर गया। देखें एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई है, एक्चुअल प्रोडक्शन तो 10 बिलियन के हिसाब से हुई है, आपके बुक्स में कितनी आई है 9 बिलियन, 1 बिलियन किधर गया, वो आउट ऑफ द बुक्स जाके सेल हो गया। अब ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हैं जो इस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के साथ जाके लिंक करते हैं। या इसी तरह एक और एग्जांपल लेता हूँ, अब कुछ लॉज एंड रेगुलेशन है जो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को आपने फॉलो करने होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर एक स्केजुअल बैंक है, उसने मिनिमम कैपिटल मेंटेन करना होता है, कितना होता है जी वो 10 बिलियन। 10 बिलियन का क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, मिनिमम कैपिटल कितना है 10 बिलियन, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एक होती है उसकी, वो 15% मेंटेन करनी होती है। अब ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऊपर क्या है, एक रिक्वायरमेंट है जो आपने अंडरस्टैंड करनी, जारी बात है अगर इनकी नॉन कंप्लायंसेस होंगी तो बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो भी गोइंग कंसर्न के जुमरे में आ जाएगा, उसके ऊपर एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ जाएगा, बैंक को डिस्केड्यूल कर दिया जाएगा, बैंक को अपने स्केड्यूल, जब स्केड्यूल से निकलेगा डिस्केड्यूल होगा तो अल्टीमेटली हर चीज़ उसकी वाइंड अप हो जाएगी। है क्या, एक इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है जिसको फॉलो करना। अब प्लानिंग जब करते हैं तो आप इन चीज़ों को अपने मद्देनजर रखते हैं, अब इनको आइडेंटिफिकेशन के लिए आप फिर मीटिंग्स करते हैं, किक ऑफ्स करते हैं, क्लाइंट के CFO के साथ मीटिंग करते हैं, फिर क्लाइंट का जो लीगल हेड होता है उसके साथ मीटिंग करते हैं, प्रोडक्शन के हेड के साथ मीटिंग करते हैं। ये हम जो काम करते हैं इनको कहा जाता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्या कहा जाता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कहा जाता है। CFO की इंक्वायरी में क्या सवालात होंगे, मतलब मैं समझता हूँ कि ये टेस्टिंग होनी चाहिए कि आप एक आप एक बींग ऑडिट पार्टनर हैं, आप क्लाइंट के CFO के पास चले गए हैं, बताएं उसे क्या इंक्वायरी करेंगे, सोचें ज़रा। देखना मैं प्लान ऑडिट को क्या कर रहा हूँ, मैं आज के दिन पे ऑडिट को प्लान कर रहा हूँ, मैंने ऑडिट को ठीक तरीके से डायरेक्शन में लेके चलना है, मैंने अपनी ऑडिट की स्ट्रेटजी बनानी है, अपनी ऑडिट की अप्रोच बनानी है, मेरी अप्रोच कहाँ से आएगी, मैं ऑडिट को स्टार्ट किस तरह से करूँगा, मैं ये जो फैक्टर बातें कर रहा हूँ मैं कहाँ से आइडेंटिफिकेशन करूँगा। यहाँ पर दो तरह के काम है, एक वो काम है जो मैंने खुद करने हैं, लाइक पेस्ट एनालिसिस मैं खुद कर सकता हूँ, SWOT एनालिसिस मैं कर सकता हूँ किसी हद तक, जो बिजनेस की जो स्ट्रेटजीज हैं उसको मैं किसी हद तक एवेल्युएट कर सकता हूँ, मिनट्स ऑफ मीटिंग तो मैं खुद पढ़ सकता हूँ। अब इसके अलावा जो काम करने हैं ऑडिट को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए, मुझे सबसे पहले काम करना पड़ेगा इंक्वायरीज का। इंक्वायरीज में मैंने बात की CFO की इंक्वायरी है, लीगल हेड की इंक्वायरी है, प्रोडक्शन के हेड की इंक्वायरी है, HR के हेड की इंक्वायरी है, हर एक इंक्वायरी के स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं। अब ये जब रिस्क असेसमेंट का सवाल देखते हैं उसके नीचे वो बताता है कि ड्यूरिंग द मीटिंग उसने आपको बताया कंपनी की प्रीमिसेस में आग लगी थी, ड्यूरिंग द मीटिंग उसने बताया कि कंपनी के जो कार्स थी उसमें ब्रेक सिस्टम फेल हो गए, ड्यूरिंग द मीटिंग उसने बताया कि जो कंपनी के अंदर फ्लड आया था उसकी उसे खराब हो गया ये काम। अब ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन दे रहा है, कंपनी के अंदर जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हम अपने ऑडिट को स्टार्ट करते हैं इंक्वायरी से, इंक्वायरी में CFO की इंक्वायरी, CFO के पास जाकर सवालात क्या करेंगे, भैया आप बताएं बिजनेस की अपडेट, फॉर एग्जाम्पल कि आप बताएं GP रेशियो में क्या फ्लक्चुएशन आई हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में क्या इंपैक्ट आया है। अब यहाँ पे वो जो चीज़ें आपको बातें बताएगा उनको आप क्या करेंगे, अपने पास कर लेंगे डॉक्यूमेंट, वहाँ से आपके जहन में एक डायरेक्शन बनेगी। फॉर एग्जांपल आपने उसे सवाल किया कि GP रेशियो आपकी बढ़ रही है, तो आप उसको आप रीज़न बता दें, वो कहते हैं जी कि हमारी 100% एक्सपोर्ट है। क्या है, 100% एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में एक्सचेंज रेट डॉलर है,
तो डॉलर की प्राइसेस मार्केट में बहुत ऊपर चली गई हैं, हमारी क्वांटिटीज में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन हमारी जो सेल है वो बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में इंक्रीज़ कर गई है, जिसकी वजह से हमारी जो क्या कहते हैं जीपी रेशो बढ़ गई है। अगला सवाल काउंटर आपका एक और होना चाहिए कि भाई अगर डॉलर की फ्लक्चुएशन थी उससे सेल प्राइस बढ़ी तो कॉस्ट भी तो बड़ी होगी ना, फिर आप किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं? तो वो आपको उसका आंसर ये कर सकते हैं कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो 80% जो रॉ मटेरियल है वो लोकली हमारा मिल जाता है, तो उसमें एक्सचेंज रेट का इंपैक्ट नहीं आता, तो इस वजह से उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं आता। अब उसने एक आपको डायरेक्शन दी है कि कंपनी के अंदर कोई एक्सचेंज गेन का कोई बड़ा बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसकी वजह से कंपनी की जो सेल्स हैं वो बढ़ गई हैं, एक वहाँ से इंपैक्ट आपके जिन में आ गया। दूसरी बात क्या हुई, आप इसे सवाल कीजिए बिजनेस के अपडेट बताएं, उसने कहा जी कि ड्यूरिंग द पीरियड हमने एक नया प्लान लगाया। अब जब उसने बात की कि नया प्लांट लगाया तो आप किसी ने फौरन एक सवाल आना चाहिए कि जो प्लांट को कैपिटलाइज किया था वो ठीक तरीके से किया था या नहीं किया था, क्या उसे अच्छा अगर किया था तो पुराना जो पड़ा था प्लांट वो किधर गया? आप सवाल करेंगे जनाब आप बताएं कि आपका जो पुराना प्लांट भी तो होगा ना इसकी जगह पे, वो किधर गया है फिर? क्या आपने इसको डिस्पोज ऑफ किया है? अगर किया तो मुझे बुक्स में दिखा दें, अगर नहीं किया आपने कैपेसिटी एनहांसमेंट किया है उसके बारे में हमें कुछ एविडेंस दे दें। अब देखें आप इंक्वायरी करते जा रहे हैं, उसके रिस्पांस आते जा रहे हैं, उसके बाद आपकी उसके साथ अप्रोच बनती जा रही है, आपकी एक डायरेक्शन सेट होती जा रही है कि मैंने इस तरीके से फोकस करना है, मैंने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में एडिशन को देखना है, क्योंकि यहां पे मेजर एडिशन हुई है, क्लाइंट ने बताया कि मैंने एक नया प्लांट लगा लिया, मैंने डिस्पोजल को देखना है क्योंकि डिस्पोजल में क्या हुआ है, क्योंकि डिस्पोजल के अंदर कंपनी ने अपने एसेट्स को डिस्पोज ऑफ किया है। अब ये मेजर इवेंट्स हैं, मेजर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द पीरियड हुई है। अब ये सारे काम हमने करने होते हैं, इन कामों को करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑडिट को प्लान करते हैं। ऑडिट को प्लान करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जी, जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट लेते हैं, इसमें पेस्ट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, क्वार्टर फाइव फोर्सेस, स्पेसिफिक इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट, मेजर सप्लायर की डिटेल, मेजर कस्टमर की डिटेल और बिजनेस के प्रोसेसेस की अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा अपने रियल टाइम ऑडिटिंग में जाके इसको थोड़ा सा रेफर करें तो जो आपका प्लानिंग मेमोरेंडम बनता है, प्लानिंग मेमोरेंडम में इन सारे इन्फॉर्मेशन, इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आ रही होती हैं। अगर आप लोगों ने आज तक प्लानिंग मेमोरेंडम नहीं देखा तो कोई बात नहीं, जब आप ऑडिट फॉर्म में जब जाएंगे तो आपने जो ऑडिट मैनेजर होगा उसे कहिएगा कि प्लानिंग का मेमोरेंडम दिखाएं, तो जब प्लानिंग का मेमोरेंडम दिखाएंगे तो उसमें ये सारी बातें आपकी आ रही होंगी। फिर इस वक्त से जनाब फिर हम मीटिंग्स करते हैं, मीटिंग विद CFO होती है, HR के हेड के साथ होती है, लीगल के हेड के साथ होती है, प्रोडक्शन के हेड और दो चार भी गवर्नेंस के साथ होती है। इसके अलावा और भी मीटिंग्स प्लान हो सकती हैं, लेकिन हर मीटिंग का अपना एक एजेंडा होता है। लाइक HR के हेड से जाके मीटिंग करूंगा तो मेरा उसमें ऑब्जेक्टिव होगा एम्प्लाइज कि क्या एम्प्लाइज को कोई टफ टारगेट्स तो नहीं दिए जाते, अब टफ टारगेट होंगे तो वहाँ पर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होने के चांसेस होंगे, क्या प्रॉपरली कोड ऑफ कंडक्ट एम्प्लाइज के लिए बनाया गया या नहीं बनाया गया, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट अगर एप्लीकेबल है तो कंट्रोल एनवायरनमेंट स्ट्रांग होगा। कंपनसेशन की पॉलिसीज क्या मार्केट के साथ आपकी कंपेरेबिलिटीज के साथ बनती हैं या नहीं बनती, वो एक सवाल होगा। ठीक होगा, ये सवाल आपके होंगे। लीगल एड से क्या सवाल करेंगे कि भाई कंपनी के ऊपर केसेस कौन कौन से चल रहे हैं, कौन से केसेस पिछले साल से चल रहे थे जो साल कंक्लूड हो गए। अब यहाँ पे डायरेक्शन सेट हो रही है आपकी, जो चीज़ें मैनेजमेंट आपको बताएगी वो आपको एक डायरेक्शन में लेके जाएगी। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट आपको रिकंसिलेशन दे देती है केसेस की, मैनेजमेंट कहती है कि हमारे 10 केसेस ड्यूरिंग द पीरियड खत्म हो गए, इसलिए कंटिजेंसी में हमारा कोई डिस्क्लोजर नहीं आ रहा। तो अब आपके जिन में एक बहुत बड़ा इवेंट है कि 10 केसेस खत्म हुए हैं, अब अपनी ऑडिट टीम को क्या कहेंगे कि 10 जो केसेस खत्म हुए हैं उनके क्या लेने हैं, आपने ऑर्डर शीट्स लेनी है, उसके ऊपर लीगल एडवाइजर की ओपिनियंस लेनी है, उसके ऊपर जो मैनेजमेंट के डिसीजन हुए हैं उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़ने हैं, उसके अगेंस्ट कोई अगर आपने प्रीवियंस पे की हैं, कोई पेनल्टीज पे की हैं तो उसकी आपने वॉचिंग करनी है। अब मेरी डायरेक्शन कहाँ सेट हुई है, उसे एक मीटिंग से सेट हुई है, वो एक मीटिंग थी मेरे हाथ में फाइनेंशियल से, मैंने दोनों को कंपेयर किया, मुझे समझ आ गई भैया ये काम करना है, समझ आ गई बात आपको। प्रोडक्शन गेट से क्या सवाल करेंगे, भैया आपके सोर्स ऑफ सप्लाई कहाँ से आता है, कहीं शॉर्टेज तो नहीं आपको एक्सपेक्टेड, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बिजनेस प्रोसेसिंग में कोई बॉटलनेक तो नहीं है। अब ये सवालात क्यों कर रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास मटेरियल नहीं होगा तो मेरी प्रोडक्शन साइकिल नहीं चलेगा, प्रोडक्शन साइकिल नहीं चलेगा तो कंपनी की सेल नहीं होगी, कंपनी की सेल नहीं होगी तो कंपनी के पास कैश फ्लोज नहीं होंगे, कंपनी के पास कैश फ्लोज नहीं होंगे तो कंपनी के ऊपर लिक्विडेशन का एक थ्रेट नजर आना शुरू हो जाएगा। कंपनी की सेल बंद हुई है मीन्स कंपनी की प्रोडक्शन बंद हो गई है, कंपनी की प्रोडक्शन बंद हुई है तो मीन्स कंपनी का प्लांट नहीं चाह रहा, कंपनी का प्लांट नहीं चाह रहा तो कंपनी का प्लांट आइडल है, कंपनी का प्लांट आइडल है तो फिर इंपेयरमेंट का रिस्क है। बात समझे आप, अगर मेरे पास शॉर्टेज ऑफ लेबर है, मेरे पास लेबर नहीं मिल रहा तो मेरा प्रोडक्शन साइकिल नहीं चलेगा, तो ये सेम सारे केसेस दोबारा आपके एक्टिवेट हो जाएंगे।
अगर फादर सी एफ ओ से आपने बात की तो सी एफ ओ ने कहा जी कि मेजर अपडेट ये है कि फ्लड की वजह से बड़ा इंपैक्ट आया या कोविड की वजह से बड़ा इंपैक्ट आया। आपने पूछा जी क्या इंपैक्ट आया, उसने कहा जी कि जो हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री थी तो जो इक्विपमेंट्स है वो भी सारे रस्ट हो गए हैं, वो भी नहीं बिकेंगे। आप तो आप कहेंगे भाई इंपेयरमेंट चार्ज करो उस इक्विपमेंट की जो तुम्हारे रस्ट वाले हो गए हैं, जो यूज़ नहीं हो सकते या सेल नहीं हो सकते, उसकी इंपेयरमेंट चार्ज करो। आप कहेंगे जनाब उसकी जो अदर फैक्टर्स हैं हर एरिया के ऊपर जाके आप लिंक करेंगे, भाईजान इस इवेंट की वजह से जहाँ जहाँ पे भी इंपैक्ट आ सकता है उसके ऊपर आप क्या करें, अपनी बुक्स में उसका इंपैक्ट लेकर आएँ। अब देखिए ये बातें कहाँ से आइडेंटिफाई हुई, एट फर्स्ट मीटिंग आप मीटिंग की आपने इंक्वायरी की, इंक्वायरी से आपने चीज़ों को नोट डाउन किया। हो सकता है इंक्वायरी फैब्रिकेटेड भी हो, उसकी फैब्रिकेशन को पकड़ने के लिए क्या करते हैं आप अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगाते हैं। वो अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं, उन बातों को वेरीफाई करने के लिए उनके सोर्स डॉक्यूमेंट पे जाना। एक तो मैं मीटिंग करते हैं तो मीटिंग में आप सोर्स डॉक्यूमेंट तो नहीं देख रहे होते ना, वहां तो जो उसने बात की उसका आंसर लिया आपने उसको समझा कि ठीक किया, आपने उसके ऊपर अपने प्रोसीजर लगाए, फर्दर प्रोसीजर लगाए और एविडेंस लिया, जो बात मैनेजमेंट ने बताई थी और जो ऑडिट एविडेंस हमने ऑब्टेन किया है दोनों आपस में रिकंसाइल होते हैं या नहीं होते। अगर दोनों में कंट्राडिक्शन आ जाए तो रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस पे डाउट आ जाता है, और अगर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस पे डाउट आए तो एज 240 में उसके अपने प्रोसीजर लिखे गए हैं जिसमें हम विड्रॉल तक जा सकते हैं। बात समझ आ गई जी। तो रिस्क असेसमेंट करने के लिए आपको मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन को लेकर चलना पड़ता है। फिर है आईटी एनवायरनमेंट को समझना। अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ से बनी होंगी, ट्रायल बैलेंस से बनी होंगी। ट्रायल बैलेंस किसके बेसिस बना होगा, जीएल की बेसिस पे। जीएल किसके बेसिस बना होगा, जेवी की बेसिस पे। जेवी किसके बेसिस पे डली होंगी, सिस्टम की बेसिस पे। तो अल्टीमेटली जो आपके हाथ में फाइनेंशियल्स हैं इसके पीछे बैक ट्रेल अगर देखी जाए तो एक सिस्टम मौजूद है। अब सिस्टम अगर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा तो क्या जो आपके हाथ में फाइनेंशियल्स हैं वो रिलायबल हैं, नहीं है। अब आपने रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन को टेस्ट करना है, क्योंकि जब आप एज अ 500 पढ़ते हैं तो वो कहते हैं रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस को आपने इंश्योर करना है। रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आईटी कंट्रोल्स को टेस्ट करना पड़ेगा, आईटी एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा। अब आईटी कंट्रोल की टेस्टिंग इस तरह से डायरेक्टली नहीं हो जाती कि आप जाते सर कहेंगे जनाब मुझे दिखाओ कि सेल के ऊपर क्या कंट्रोल्स हैं, परचेज पे क्या कंट्रोल्स हैं, ऐसे नहीं होता। सबसे पहले आप जीआईटीसीस को टेस्ट करते हैं, जनरल आईटी कंट्रोल को टेस्ट करते हैं। आप पहले सिस्टम को समझते हैं। देखें ना आपको आपके हाथ में अगर मोबाइल है तो मोबाइल में एक सिस्टम है, एंड्रॉयड है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब वो क्या है, वो ओवरऑल सिस्टम है, वो सारी एप्लीकेशन को रन करता है। अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक पासवर्ड भी लगा हुआ है, उसका एक बैकअप प्लान भी मौजूद है। अब एप्लीकेशन इस तरह तो नहीं होता ना कि आपकी कोई बैकअप है तो किसी स्पेसिफिक की बैकअप होता है, वो बैकअप लेता तो पूरे सिस्टम का बैकअप लेता है। अगर पासवर्ड होता है तो पूरे सिस्टम का पासवर्ड होता है, जब आप अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करते हैं तो एंटर करते हैं ना पासवर्ड। तो ये सारे क्या जनरल कंट्रोल्स हैं, ठीक हो गया जी। तो जनरल कंट्रोल्स जो होते हैं, जनरल आईटी कंट्रोल्स, उनको टेस्ट किया जाता है, उसकी बेसिस के ऊपर आईटी कंट्रोल को टेस्ट किया जाता है और वहां से अपनी ऑडिट अप्रोच को बनाया जाता है कि भाई मैंने आप अपनी ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं तो किस तरीके से लगाने हैं जी। फिर इसके बाद बाकी जो मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं, प्रोसेस एक्टिविटीज होती हैं, सेल के कंट्रोल्स, परचेज के कंट्रोल्स, जेवी के पोस्टिंग के कंट्रोल्स, हायर लेवल कंट्रोल कुछ होते हैं जिसमें आपके बीआरएस के कंट्रोल्स होते हैं, बजट के प्रोसेसेस होते हैं, आप इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेते हैं क्लाइंट से और अपनी ऑडिट की अप्रोच को डेवलप कर रहे होते हैं। यानी कि अल्टीमेटली हमने जो अपनी सब्सटेंटिव टेस्टिंग करनी होती है उससे पहले हमें कंट्रोल टेस्टिंग करनी पड़ती है। कंट्रोल टेस्टिंग के जो डॉक्यूमेंट होते हैं अगर उसको देखना पड़ता है, अगर कंट्रोल इफेक्टिव है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या हो जाते हैं आपके, अगर कंट्रोल इफेक्टिव हो तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली आपको वो सारे काम भी यहाँ पे करने पड़ते हैं जी, जानोगे जी। फिर ऐसे जो रिलेटेड पार्टीज़ होती हैं उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग भी लेनी पड़ती है कि रिलेटेड पार्टीज़ आपकी जो है वो आइडेंटिफाइड हैं, उसमें कोई चेंज आए तो आपको डॉक्यूमेंटेड है, कन्फर्म है उसके बारे में। फिर अगर स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट, एक होता है स्पेशलिस्ट, एक होता है एक्सपर्ट। स्पेशलिस्ट नॉर्मली विद इन द फर्म अवेलेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टैक्स का स्पेशलिस्ट है, आपने टैक्स की वर्किंग की, मैनेजमेंट ने टैक्स की वर्किंग की, आपने अपने टैक्स डिपार्टमेंट को जाकर वेरीफाई करा ली, वो क्या है, वो स्पेशलिस्ट है। फिर इस तरह से अगर मैनेजमेंट ने इंपेयरमेंट के लिए कैश फ्लो का प्रोजेक्शन दिया आपको, आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी डिपार्टमेंट को जाकर टेस्ट करवा ली, तो वो क्या है, आपके स्पेशलिस्ट हैं। तो आपने स्पेशलिस्ट की इन्वॉल्वमेंट को भी इंश्योर करना होता है कि स्पेशलिस्ट जो हैं वो ज़रूरत अगर है कहीं पर तो आपने उनको इन्वॉल्व किया है या
नहीं किया। इस तरह फिर एक एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट होते हैं जो आपके मतलब एक्सटर्नल पार्टीज़ होती हैं, लाइक मैं कहता हूँ कि मैनेजमेंट ने एक एक्सपर्ट हायर किया है, वो एक्सपर्ट कौन है, वो वैल्यूएशन एक्सपर्ट है फॉर एग्जांपल, वो आपका इंजीनियर है, वो कोई आपका एक्चुरी है, इस तरह से एक्सपर्ट्स हैं। तो आपने शुरू में ही ऑडिट को प्लान करते वक्त उनको ज़हन में रखना है कि मुझे इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि टाइमली बेसिस पे मैं मैनेजमेंट को बता दूँ कि भाई आपने ये काम करवाने हैं, ताकि जब हम ऑडिट को कंक्लूड कर रहे हों तो फिर ऑडिट पार्टनर को शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। ये सारे काम ऑडिट पार्टनर ने साथ साथ करवाने होते हैं जी। फिर जैसे जो आपने ऑडिट स्ट्रेटजी वगैरह बनानी होती है, स्कोप, टाइमिंग, ये सारे जो एक जनरल बातें होती हैं जी, रिस्क, सादा अल्फाज में बता दूँ, जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन होती है, उस रिस्क की मिटिगेशन के प्रोसीजर्स होते हैं, वो आपने शुरू में ही डिज़ाइन करने होते हैं कि मैंने उस रिस्क को किस तरीके से मिटिगेट करना है। अल्टीमेटली फिर आ गया था फ्रॉड कंसिडरेशंस होती हैं, ये भी रिस्क असेसमेंट के साथ लिंक होती हैं, जिसमें आप JV के कंट्रोल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, आप मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल के बारे में डिस्कशन करते हैं, वो सारी डिस्कशन आपकी मौजूद होती हैं। फ्रॉड की डिटेल्ड इंक्वायरीज होती हैं जिसमें, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट मज़े की बात हूँ आपको, ये इंक्वायरीज होती हैं ना, इसमें रिपीट इंक्वायरीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो क्वेश्चनेयर डिज़ाइन किया होता है ना, हमने उसमें शुरू में एक सवाल करते हैं, उसका एक आंसर डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। अगर आपने झूठ बोला होगा ना, तो अगले सवाल पे आप भूल चुके होंगे, 10-15 सवाल और गुजरते हैं, सेम सवाल दोबारा कर देते हैं और उसका आंसर दोबारा डॉक्यूमेंट करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 पे उसका आंसर और क्वेश्चन नंबर 10 पे आंसर सेम था, मीन्स उसने बात किसी हद तक जेन्युइन की है। अगर दोनों में डिफरेंस आ जाए तो फिर आप कहते हैं भैया यहाँ पे कोई ना कोई इसने प्रॉब्लम की है। अच्छा फिर करते क्या हम, फिर CFO से जो सवाल करते हैं वही जाके इंटरनल ऑडिट से भी करते हैं। क्यों? CFO और उसकी अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस तो नहीं है कि दरमियान में कौन सा बंदा में जो है ना वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है। सभी बात अनप्रेडिक्टेबिलिटी रखते हैं। और अगर आपने देखना हो इस चीज़ को, तो आपके जो फर्म की अपनी कुछ नेरे डिज़ाइन हुए होंगे उसमें जाकर खुद पढ़ लीजिएगा। अगर तो बिग फर्म है कोई, तो उसमें तो बड़े ये आपको इजीली मिल भी जाएंगे, तो उसमें एक क्वेश्चन 3-3 दफ़ा रिपीट हो रहा था। समटाइम मैं खुद जब फिल कर रहा होता था, तो हम फिल करते थे ना क्वेश्चनेयर को, यार ये बार बार सवाल रिपीट हो रहे हैं, शुरू में लगता था, लेकिन जब उसको देखा तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी समझ आई कि ये इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए है कि कहीं आप कहीं किसी को गोली तो नहीं करवा रहे, तो गोली पकड़ने का आसान तरीकाकार जिसने रखा है। एनी जी, फिर उसके बाद अगर आपने इंटरनल ऑडिट के काम को यूज़ करना है, तो वो भी आपने शुरू में प्लान करना है, आपने करना है या नहीं करना है। अपना एक्सपर्ट हम लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे, अगर मैनेजमेंट का एक्सपर्ट होगा तो हमारा एक्सपर्ट तो आएगा ही आएगा, तो ये सारी कंसिडरेशन आपने साथ लेके चलनी होती हैं। अल्टीमेटली उसके बाद अगर आगे चलें तो आगे एग्जीक्यूशन होती है जी। एग्जीक्यूशन में बड़ा सिंपल सा तरीका है जी, कोई मुश्किल नहीं है, प्रोसीजर है आपके, वही टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, कन्फर्मेशन भेज दो, ये काम कर दो, वो काम कर दो, जो आपके एक्चुअल फील्ड वर्क होता है वो आपका एग्जीक्यूशन में होता है। क्योंकि नॉर्मली जो पहली दो एक्टिविटीज़ होती हैं, इसके ऊपर जो ये जो ऑडिट फॉर्म के अंदर स्ट्रक्चर होता है ना, ये ट्रेनिंग स्ट्रक्चर पहले दो स्टेप्स में इन्वॉल्व ही नहीं होता, होता भी है तो बड़े मिनिमम लेवल के ऊपर इन्वॉल्व होता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल किसी को क्या प्लानिंग एनालिटिक्स परफॉर्म कर दो, रेशियो एनालिसिस कर दो, किसी को क्या स्वॉट एनालिसिस कर दो, अब बच्चे को पता ही नहीं होता कि मैं क्यों कर रहा हूँ। अल्टीमेटली वो फाइल का पेट भरने के लिए वो सारे काम हो रहे होते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि आपने वहाँ से अपनी ऑडिट अप्रोच बनानी होती है, वहाँ से आपने रिस्क असेसमेंट करनी होती है, वहाँ से आपने हाई रिस्क एरियाज आइडेंटिफाई करने होते हैं, फिर उसके लिहाज से आपने अपनी डायरेक्शंस को मेजर करना होता है, कंट्रोल करना होता है, और फिर जाके आपने आगे अपने प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना होता है। तो जितना अच्छा ऑडिट प्लान होगा, उतनी अच्छी आपकी ऑडिट की एग्जीक्यूशन होगी, और अगर ऑडिट का प्लान आपका अच्छे तरीके से नहीं हुआ होगा, तो आपकी एग्जीक्यूशन में जाके प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली जब आप टेस्टिंग वगैरह कर लेते हैं, आप अपने जो प्रोसीजर थे वो लगा लेते हैं, फिर अल्टीमेटली आप फाइनल रिपोर्ट से पहले कुछ मैटर्स को देखते हैं। वो मैटर्स क्या होते हैं? एक पहला मैटर आता है कि जो मटेरियलिटी मैंने प्लानिंग लेवल पर सेट की थी, उसमें कहीं रिवीजन तो नहीं आ गई। देखें, एक प्लानिंग की फिगर्स पे मैंने मटेरियलिटी कैलकुलेट की है, अब ड्यूरिंग द ऑडिट कुछ ऑडिट एडजस्टमेंट्स आई हैं, कुछ हमने ऑडिट एडजस्टमेंट्स प्रपोज की, कुछ मैनेजमेंट ने खुद एडजस्टमेंट्स कर दी, अब बेंचमार्क तो सेम रही नहीं है, अब तो बेंचमार्क में एक मेजर चेंज आ चुका है। अब वो मेजर चेंज की वजह से क्या मेरी मटेरियलिटी लेवल बहुत ज़्यादा तो नहीं हिल गए? अगर हिल गए हैं तो मैंने उसका क्या इम्पैक्ट अपने उसमें लिया है या नहीं लिया, इन चीज़ों को इंश्योर करना है। फिर मैंने देखना है कि जो रिस्क मैंने प्लानिंग लेवल पर आइडेंटिफाई किए थे, जो अप्रोच मैंने प्लानिंग लेवल पे उसकी डिफाइन की थी, उसके रिगार्डिंग मैंने अपनी एग्जीक्यूशन पे एविडेंस ऑब्टेन कर लिए हैं या नहीं कर लिए, मींस जो मैंने रिस्क आइडेंटिफाई किए थे वो मिटिगेट हो गए हैं या नहीं हो गए।
देखें प्लानिंग के ऊपर आप क्या करते हैं, रिस्क की आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग पे क्या करते हैं उसके रिगार्डिंग प्रोसीजर के डिसीजन, फिर एग्जीक्यूशन पे क्या करते हैं उसके रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस, और फाइनलाइजेशन से पहले क्या करते हैं उन सारे कामों को दोबारा रिविजिट करते हैं और देखते हैं कि जो जो काम हमने जिस तरीके से प्लान किए थे वो ऐसे कंप्लीट हो गए हैं या नहीं हुए। अगर हो गए हैं तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो दोबारा जाके रिविजिट करो अपने प्रोसीजर को और उसको चेंज करने की कोशिश करो। फिर इस तरह आपने रिपोर्ट देनी है तो रिपोर्ट देने से पहले आपके हाथ में रिप्रेजेंटेशन लेटर भी होना चाहिए और रिप्रेजेंटेशन लेटर के बारे में डिस्कशन करते हैं। फिर सबसिक्वेंट इवेंट के रिगार्डिंग जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक होती है, तो ऑडिट रिपोर्ट से पहले जो इंक्वायरी करनी है सबसिक्वेंट इवेंट की वो कर ली है या नहीं कर ली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर पूरे कर लिए या नहीं कर लिए, जो चेकलिस्टें थी वो भर ली हैं या नहीं भर ली, फाइनलाइजेशन की जो डॉक्यूमेंटेशन करनी थी वो डॉक्यूमेंटेशन कर ली है या नहीं कर ली। जब हर चीज़ के बारे में ऑडिट पार्टनर मुतमिन हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, तो फिर कहता है कि भाई ठीक है आप ऑडिट रिपोर्ट को साइन करवा लो, अकाउंट्स ले आओ, TL जो दिया था जो ट्रांसमिटर लेटर या बोल लेटर दिया था उसके जो डिसीजन आया है वो ले आओ, अल्टीमेटली जो चीज़ें दी थी वो सारी लेके आओ, तो आपको ऑडिट रिपोर्ट साइन करके दे दी जाए। जिस तरह से निकाहनामा साइन होता है इस तरह से ऑडिट रिपोर्ट भी साइन हो जाती है, इस तरह से अकाउंट्स भी साइन हो जाते हैं। जब अकाउंट साइन हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आपके अगेन जिस दिन रिपोर्ट साइन हुई उसके बाद फिर आपकी एक ऑब्लिगेशन तो नहीं होती, लेकिन अगर आपको इवेंट्स के पता चल जाएँ जो आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आइडेंटिफिकेशन हो तो फिर आपको एज अ 560 की रिक्वायरमेंट को भी फॉलो करना पड़ता है, वो रिक्वायरमेंट दोबारा एक्टिवेट हो जाती है, आपको दोबारा देखनी पड़ती है। फिर इस तरह से जो आपकी ऑडिट फाइलिंग होती है वो कंप्लीट करनी होती है, 60 डेज़ का टाइम होता है आपके पास, वो 60 डेज़ का टाइम आप लगाते हैं वो काम भी करते हैं। तो इस तरह से जो आपके आईजास के स्टैंडर्ड्स हैं और जो एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच चलती है वो आपकी स्क्रीन के सामने मैंने प्रेजेंट कर दी है। टाइम की शॉर्टेज थी इसलिए मैं एक एक आइटम को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, अदरवाइज़ कोशिश तो मेरी यही होती है कि ऑडिट आपको यहीं पे सिखा दिया जाए, जो जो स्टेप्स हैं इसके अंदर ही आपको ऑडिट बता दिया जाए, ऑडिट के स्टेप्स क्या होते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट आउट टेक वे है वो क्या है, देखिए जब आप ऑडिट के अंदर कोई भी काम कर रहे होंगे, जब अपनी ऑडिट की तैयारी कर रहे होंगे, तो यू शुड नो कि ये जो काम कर रहा हूँ ये किस स्टेप का काम है, मैं किस स्टेप के ऊपर ये काम परफॉर्म करता हूँ और मैंने किस स्टेप पे ये काम परफॉर्म करना है, उसकी रीज़न है। रीज़न क्या है कि देखें मुझे अगर पता है कि प्लानिंग के कोई क्वेश्चन आ गए तो प्लानिंग के मैंने तरीके से उसको डील करना है, जब प्लानिंग का प्लानिंग एग्जीक्यूशन तो नहीं है ना, प्लानिंग में क्या प्लान आउट, एग्जीक्यूशन में क्या है उसका लाए अमल जो काम कर रहे हैं वो, और फाइनलाइजेशन रिपोर्टिंग में क्या है जब आप उसके ऊपर जाके फाइनली जो डिलीवरेबल दे रहे हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच पता होनी चाहिए कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये कहाँ पे जाके फॉल करता है। अब ये आप इसकी एक डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आप बेशक इसको याद ना करें, इसको एक दफ़ा ये मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा, ये आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें, अंडरस्टैंड कर लें इसको, बस आप समझ लें कि ये स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप्स मैंने बनाए किस तरह से मैं आपको ये बता दूँ, एक जो फर्म्स हैं हर फर्म की एक ऑडिट मेथोडोलॉजी होती है, उसके कुछ ऑडिट के सॉफ्टवेयर भी होते हैं, उसके अंदर जितनी कैप्शंस आ रही होती हैं मैंने उसको आईजास के साथ लिंक किया हुआ। बस आप खुद बेशक अपने फर्म्स की स्ट्रेटजीज को देख लें, अपने जो जिस फर्म में भी आप काम करते हैं वहाँ पर ऑडिट मेथोडोलॉजीज देख लें, तो अल्टीमेटली इस तरह का ही काम हो रहा होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस सारे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती थी मेथोडोलॉजी होती थी उसको देखा और उसको आईजा के साथ जाके लिंक करता गया। आप आगे देख रहे होंगे अरे क्या क्या लिखा है, कौन से आईजा के मुताबिक काम करना है, कौन सा आईजा कौन सा आईजा, सारी बातें आगे लिखी हैं। ठीक है जी, बात ये बच्चों आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, बस यही देख लें ताकि 5 स्टेप्स हैं, अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं 2 मिनट लगा के रीड कर लें, फिर उसके बाद हम आज के सेशन को कंक्लूड कर देंगे। जी यार हो सकते हैं, मतलब कुछ 600 हुआ हुआ ग्रुप ऑडिट एंगेजमेंट जिनसे मैंने किया हुआ कहीं पे 610 600 ग्रुप ऑडिट कंसीडरेशन है, वो आपको देखनी पड़ेंगे यहाँ पे कहीं भी आप ऐड कर लें। जी मतलब हायर स्कैंड लेंगे, ये कि ये अप्रोच होती है, यानी कि इस तरह से काम चल रहा है, इसमें और भी एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं जारी बात ड्रिल डाउन करना शुरू करूँ तो वो तो 200-300 एक्टिविटीज़ बन जाएंगी, मैंने उनको समराइज करके स्क्वीज़ करके लिख दिए ताकि ये आपको एक जेन में एक स्टेप्स हों कि मैंने ऑडिट करते वक्त हम किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं।
मतलब एक एक्टिवेट ऑफ आदर ग्रुप ऑडिट करते तो फिर 600 एक्टिवेट हो जाएगा, या अगर थर्ड ऑडिटर को इन्वॉल्व करते हैं फिर 600 एक्टिवेट हो जाएगा। तो कुछ और स्टैंडर्ड्स हैं वो आपकी बात ठीक है, कंटिजेंट होते हैं, लिंक्ड होते हैं बाकी स्टैंडर्ड्स के साथ। तो आज के दिन के जो हमारा एजेंडा था वो मेरा ख्याल है हम काफ़ी हद तक जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। मैं एक दफ़ा फिर भी आज के एजेंडा को देख लेता हूँ कि आज के एजेंडा में कोई चीज़ रह तो नहीं गई। सिलेबस की ग्रेड हमने डिस्कस कर लिया जी, इंपॉर्टेंट एरिया की आइडेंटिफिकेशन हमने कर ली है, अश्योरेंस और नॉन अश्योरेंस सर्विसेज के बारे में ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ली है मतलब क्या होती हैं, और ऑडिट के स्टेप्स जो थे वो हमने कवर कर लिए हैं, और मेरा ख्याल हमारा टाइम भी इस पीरियड में कंप्लीट हो चुका है। तो कल का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, कल के सेशन में हम जो एक्चुअल आपको जो एक नज़र आएगी ना यूटिलिटी सेशन की, शायद अभी आपको क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने स्ट्रेटजीज बता दी हैं वो आप लोगों ने सुन ली हैं, मैंने बता दी आप लोगों ने सुन ली, अमल करना या ना करना था आप लोगों के अख्तियार में, तो शायद आपको अभी इतनी यूटिलिटी उसकी नज़र नहीं आ रही होगी जो आज के दिन की बातें। मेरे मुताबिक जो आज की डिस्कशन है वो पूरे जितने सेशन है उसका एक खुलासा है। तो अल्टीमेटली जो आज के दिन की डिस्कशन है अगर आप समझते हैं कि उसमें आपको बेनिफिट नज़र आ रहा है स्ट्रेटजीज के अंदर तो ज़रूर फॉलो करें। अगर आपने ऑलरेडी किसी और तरीके से तैयारी की हुई है तो फिर आप अपने तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मैंने रिकमेंडेड तौर पे ये तरीका होता है कि ये काम इस तरह से हो सकता है, ठीक है जी। बाकी कोई कंपल्शन नहीं है, कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप लाजमी उस तरीके से फॉलो करें, आप अपने तरीके से फॉलो कर सकते हैं। कल की क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा कि बिज़नेस का रिस्क क्या होता है, ऑडिट में सिग्निफिकेंट रिस्क क्या होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होती हैं, आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से की जाती है, पेपर में बैठे हुए किन चीज़ों को फॉलो करना है। मैं एग्जांपल बताता हूँ, कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो हर सिचुएशन में आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मैटर्स आप वहाँ पे लिंक कर सकते हैं हर सिचुएशन के अंदर। अगर कंपनी लिस्टेड है तो IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट आप वहाँ पे लिंक कर सकते हैं, आप ISO 7001 को लिंक कर सकते हैं। अब कर क्या रहे हैं आप कर रिस्क असेसमेंट रहे हैं, लेकिन कंपनी लिस्टेड कंपनी है, और अगर कंपनी के साथ एक और इंफॉर्मेशन आ जाए कंपनी फॉरेन ट्रांजैक्शन में भी काम करती है तो आप कौन सा रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप वहां पे एक्सचेंज करेंसी का जो रिस्क होता है उसको लिंक कर सकते हैं। आप बताएं अगर कंपनी लिस्टेड हो और एक्सचेंज बाहर के मुल्क में काम करती हो तो आप 5 रिस्क तो ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो बगैर देखे वहां पे लग जाएंगे। जाहिर बात है उसमें बताते हैं ना कि 2-3 प्रोडक्ट्स है, तो वहां पे आप ये कह सकते हैं कि भैया हो सकता है कि ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ठीक तरीके से आइडेंटिफाई ना किए गए हों, प्रॉब्लम तो आ सकते हैं ना, आप तो एक्सपेक्टेड बात कर रहे हैं कि रिस्क हो सकता है। आप वहाँ पे बता सकते हैं हो सकता है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना किया गया हो, अक्सर उसका क्वेश्चन में वो चीज़ दे देता आपको कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है, ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर में इशूज़ आ रहे हैं, बोर्ड का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, सारे एक घर के लोग हैं। अब वहाँ पे अगर लिस्टेड कंपनी तो फ्री फ्लोट का भी एलिमेंट आ सकता है, फ्री फ्लोट एक स्पेसिफिक परसेंटेज होती है, 25% तक आपने अपने शेयर्स को फ्री फ्लोट लेकर चलना होता है। तो अब ये इस तरह की डिस्कशन हम करेंगे कि कुछ इस तरह पैट रिस्क होते हैं जो हर क्वेश्चन में आप डाल सकते हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई करना होता है, बाकी कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो आपने सुनैरियों के अंदर से लिंक करने होते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो प्रोसीजर्स होते हैं हम प्रोसीजर्स याद करके जाते हैं। मैं इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट हूँ, रिस्क के प्रोसीजर याद नहीं हो सकते। अब हर रिस्क का अपना एक मैकेनिज्म है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी देर पहले भी एक बच्चे को एग्जाम्पल दे रहा था, अगर क्वेश्चन में उसने बताया है कि एक कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब गोइंग कंसर्न का तो प्रॉब्लम नजर आ रही है, अब वहां पे आप अगर आप जनरल गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर लिख के आ जाए, हम मैनेजमेंट से प्लान लेंगे, मैनेजमेंट से ये करेंगे, मैनेजमेंट से वो करेंगे, तो वो उस एक स्पेसिफिक रिस्क को मिटिगेट नहीं कर रहे। वो स्पेसिफिक रिस्क क्या है, कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिल होना। अब क्या मैनेजमेंट के पास अल्टरनेटिव प्लान के तौर पर कोई और कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, अगर है तो क्या निगोशिएशन उसके साथ किस स्टेज पे पहुंची है। अब ये स्पेसिफिक प्रोसीजर है, ये कौन से प्रोसीजर है, उस रिस्क को मिटिगेट करने के प्रोसीजर है। आप अगर ये सवाल NRV ऑफ इन्वेंट्री का क्वेश्चन आ जाए, आप वहाँ पे लिख आ जाएंगे मैं इन्वेंट्री की लिस्ट लूँगा, सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइसेस लूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, वहाँ पे उसने आपको बताया कमिटेड ऑर्डर्स दिए हैं कि कमिटेड ऑर्डर्स हैं, तो वहाँ तो सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइसेस इररिलेवेंट है, वहाँ तो कमिटेड प्राइस आपके लिए रेलिवेंट है। तो आप क्या कहेंगे, मैं एग्रीमेंट लूँगा और एग्रीमेंट से उसकी प्राइस को वेरीफाई करूँगा। वहाँ पर सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइस आपके लिए रेलिवेंट प्रोसीजर नहीं है। डेफर टैक्स है, डेफर टैक्स एसेट की रिकग्निशन है, वहाँ पर स्पेसिफिक प्रोसीजर आपको उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस सिनेरियो के मुताबिक लिखने पड़ेंगे जो सिचुएशन को मिटिगेट करते हों। एक बात याद रखनी है आपने, प्रोसीजर आपका कंप्रिहेंसिव होना चाहिए।
डिटेल्ड होना चाहिए जो उसके रिस्क को जाके मिटिगेट करे। अब ये कल का एजेंडा है। इस चीज़ को इन बिल्ड किस तरह से किया जा सकता है, इस चीज़ को स्टार्ट किस तरीके से किया जा सकता है, पेपर में बैठे हुए किन चीज़ों की गलतियां होती हैं ड्यूरिंग ड्राफ्टिंग, उनको किस तरह से आपने नहीं करना। जब मैं पास पेपर चार मैंने डिस्कस करने हैं इंशाल्लाह, तो चार पास पेपर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई विल टेक 30 to 45 minutes बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिस, उसमें हम बिजनेस करें और जो थियोरेटिकल मैटर्स उनको डिस्कस करेंगे, फिर हम डायरेक्ट जंप करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। इंपॉर्टेंट सेशन है, वो मिस ना कीजिएगा। आज की दिन आज की सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले दिन, कल के दिन इंशाल्लाह नए जोश नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।